गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का TIC ग्रैंड फाइनल्स पार्ट बाय KM.TV। मेरा नाम है संजीव और सबसे पहले बात करना चाहेंगे आज एक से बढ़कर एक टीम यहां पर जो है वो हमको खेलते हुए नजर आने वाले गाइस। सबसे पहले बात करूंगा यहां पर जितनी भी टीम्स आज यहां पर खेलेंगी, लड़ाइयां यहां पर चलने वाले हैं, कौन किसको डोमिनेट करेगी वो आज यहां पर हमको देखने के लिए मिलने वाला। बट कहने की यार हर एक टीम के लिए यहां पर बहुत आगे तक बढ़ा जाएगा। हमारे जो फैंस है वो ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, हैशटैग लगने स्टार्ट हो चुके हैं, कौन सी टीम आज अच्छा प्रदर्शन करके जाने वाले वो हम यहाँ पर कहने के आज देखना चाहेंगे। फिलहाल अगर बात करना चाहते हैं और हमारे कास्टर भी आज हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो चलते हैं यहाँ पर हमारे कास्टर की तरफ जश से जानना चाहेंगे। जश क्या लगता है एक से बढ़कर एक टीम आज यहाँ पर होने वाली है? जी तो भाई मैंने और संजीव भाई ने जो काफी बार कास्ट कर भाई हर बार तोड़ भाई मतलब तोड़ की तोड़ टीम्स आती है और भाई इतना ज्यादा मजा आता है। तो आज फिर से TIC ग्रैंड फाइनल से संजीव भाई और फिर से आज खतरनाक मजा आने वाला। तो भाई फुल तोड़म ताड़ी होने वाली। वैसे भी भाई तीन मैप और भाई तीनों मैपों में जो है तबर तोड़ होने वाली। तो लेट्स सी गाइस कैसे गेम होते हैं और भाई हमारे जो भी व्यूअर्स है जरूर शेयर करना क्योंकि आज की जो टीम्स है भाई टीम्स भी खतरनाक है। तो भाई सून जो है हम टीम्स के नेम्स भी आप लोगों को बता देंगे और भी खतरनाक मजे करेंगे। वैसे संजीव भाई आप किसको सपोर्ट करोगे आज क्या सीन यार? ऐसे नहीं पता चलेगा, पहला मैच होने तो फिर बताऊंगा कि इसको सपोर्ट करना है। तो यार क्यों ना जैसे हम लोग यार एक बार टीम लिस्ट देख लेते हैं आज कौन कौन से टीम्स यहाँ पर आज होने वाले हैं, कैसा परफॉर्मेंस आज निकल कर आने वाले। तो चलते हैं यहाँ पर जानेंगे टीम लिस्ट में कौन कौन से नाम आज हमको यहाँ पर नजर आएंगे, कैसा प्रदर्शन आज यहाँ पर होने वाला। पहला नाम होने वाला TIC, यहाँ पर फैन फेवरेट टीम रहेगी। जैसे क्या कहना चाहेंगे? एकदम। तो भाई यहाँ पर TIC की टीम है और ऋतिक भाई जो रेडी हो चुके हैं यहाँ पर कवर खोदने के लिए। अब देखते हैं कैसा गेम रहेगा। एक बार जब मैंने कास्ट किया था तब TIC ने भूया कहता और एक बार भाई सेकंड लास्ट पे थी। तो भाई इस बार देखते हैं क्या इस बार मिडल में रहेगी या फिर टॉप पे रहेगी या फिर बॉटम पे रहेगी, ये देखने वाली बात होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर भाई टीम टोटल गेमिंग दूसरी भाई सबसे प्यारी और सबसे खतरनाक टीम टोटल गेमिंग है यहाँ पर। तो भाई दो तो खतरनाक टीम्स ऑलरेडी यहाँ पर हो गई, तीसरी यार भाई सब वासियो कहते हैं। तो भाई गैलेक्सी रेसर यहाँ पर वासियो भाई की टीम आ चुकी है एंड चौथी तो भाई सभी की फेवरेट यहाँ पर टीम इलीट। मतलब स्टार्टिंग की चार से पांच टीम तो भाई सभी नोन और सभी फेवरेट है। तो समझ लगा इस TIC ग्रैंड फाइनल्स कितना खतरनाक होता है। टीम हिंद भाई खतरनाक तोड़ते और भाई सुनीता की टीम है यहाँ पर टीम लावा। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। टीम डी यहाँ पर रहने वाले कहने की शिपयार्ड के ऊपर उतरेंगे TIC यूनाइटेड यहाँ पर मचाएगी। तो हर एक टीम यहाँ पर मचाने वाली विलन गेमिंग रहेगी यार, कहाँ पर उतरेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे स्टेप्स इनकी तरफ से लिए जाएंगे उसके ऊपर हमारी नजरें पूरी की पूरी बनी रहने वाले। एलवी लमित्रासु कॉन्स्टेंट गेम प्ले यहाँ पर दिखाएगी। 10 Queen गेमिंग यहाँ पर रहने वाले ब्रदरहुड लगातार मचाएगी, इनका गेम प्ले बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है, रश खेलना ये टीम बहुत अच्छे से जानती है। यार ये हमारी 12 टीम्स जो आज यहाँ पर तबाही मचाएंगी, किसको तहस नहस किया जाएगा वो आज यहाँ पर हम कहीं ना कहीं देखेंगे। टीम इलीट भी होने वाला था, टीम इलीट सेफली गलेगी आगे बढ़ेगी, कैसे यहाँ पर किल्स निकालेगी, स्नाइपर यहाँ पर कैसी चलाई जाएंगी वो भी हमको कहीं ना कहीं नजर आने वाला। टीम इन भी एक बड़ा नाम यहाँ पर रहने वाला है एंड डिलीट एंड माफिया किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। TIG यहाँ पर ग्रेवयार्ड और बुलसाई के ऊपर उतरेगी, वो कैसे आगे बढ़ेगी हम जरूर यहाँ पर देखना चाहेंगे। जी और भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला। मतलब यहाँ पर गाइस आप टीम देख सकते हो पूरी की पूरी 12 टीम है और 12 की 12 जो टीम्स है भाई नोन है और भाई सबसे खतरनाक है, मतलब जो तोड़ते फोड़ते है। तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है, यहाँ पर सर्वाइवल ऑन पॉइंट होने वाला है और जो किल्स हेडशॉट स्नाइपिंग सब आपको देखने मिलने वाली है। स्ट्रैटेजिक गेम प्ले यहाँ पर देखने मिला है क्योंकि अपने साथ गैलेक्सी भी है। तो भाई और भी मजा आएगा, वासियो भाई का गेम मुझे देखना आफ्टर लॉन्ग टाइम जो मैं देखने वाला हूँ। उसके अलावा टीम TIG है, TIG देखते कैसा परफॉर्मेंस करेगी, TIG ग्रैंड फाइनल्स है तो लेट्स सी TIG कैसा परफॉर्मेंस देती है। पहला गेम कौन भूया करेगा? बरमूडा मैप होने वाला आई थिंक पहला, क्यों संजीव? बिल्कुल भाई बरमूडा मैप रहेगा, जो भी टीम यहाँ पर पहले मैच के अंदर भूया निकालेगी वो यहाँ पर लीड बनाएगी, आगे भी लगातार बढ़ेगी। तो चलते हम लोग यार एक बार मैप देख लेते हैं आज का फॉर्मेट हमारा किस प्रकार से होगा, कौन कौन से मैप्स आज हमको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो पहला मैप हमारा कहने के बरमूडा मैप होने वाला, जहां पर लैंड एंड फाइट को थोड़ा सा अवॉइड भी किया जाएगा एंड सेफली सर्वाइव करके धीरे धीरे रोटेशन लेकर टीम सर्कल में पहुंचेगी। उसके बाद हमारा अगला मैप रहेगा कहने के यार एक जो नदी यहाँ पर डिवाइड करते तीनों ही आइलैंड्स को, जज क्या यार उसमें मगरमच्छ रहेंगे या क्या रहेगा भाई? मतलब मेरे को तो लगता है मगरमच्छ और सांपों से भरा होगा क्योंकि सेफ जोन के ऊपर डिपेंड है कौन से आइलैंड में किसको जाना और भाई किसके नसीब कितने। उसके अलावा यहाँ पर तीसरा मैप भाई, मतलब ये मैप तो मतलब क्या ही खतरनाक है, कलहारी जिसमें आपको पता नहीं है भाई सामने बंदे ऊपर बंदे नीचे बंदे कहीं पर भी हो सकते हैं, पर भाई हर जगह बंदे हो सकते हैं। तो कलहारी मैप है यहाँ पर। तो भाई स्टार्टिंग के तीन मैप तो आपके सामने आपको दिख चुके हैं, उसके अलावा और तीन मैप्स जो यहाँ पर होने वाले फिर से जो है यही तीन मैप जो है कंटिन्यू हो गए तो वो भी आई थिंक मजा आने वाली है। बिल्कुल पर मैप्स रिपीट होंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा, वहीं सेम स्ट्रेटजीज क्या यहाँ पर अपनाई जाएंगे, प्री प्लान यहाँ पर प्लानिंग की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी वो हर एक चीज हम लोग यहाँ पर जरूर देखना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा पहला मैप बरमूडा मैप होने वाला, इंतजार रहेगा कितनी देर में स्टार्ट होगा, कौन कौन सी टीम्स कहाँ पर उतरेंगे, देखते देखते मैप यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। प्लेन पाथ आई थिंक यार धोखा दे दिया गया है,
एंड प्लेन पाथ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, भागना पड़ेगा जो भी टीम यहाँ पर सेंटोसा जाना चाहती है, कोटाटुआ जाना चाहती है, थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पर सहनी पड़ेगी। बट कहने के यहाँ पर टीम जो है वो लगातार उतरने का ट्राई भी करेंगे। देखा जाए तो हर एक टीम आगे बढ़ती हुई हॉट जोन के ऊपर पुल से, यहाँ पर टीएसजी लगातार उतरेगी, एक अच्छी लूट यहाँ पर उनके पास होने वाली है। तो यहाँ पर जो भाई सबसे पहला मैप शुरू हो चुका है, यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी में भाई बंदे उतर चुके हैं, एलवीएल सोहम यहाँ पर भाग रहे हैं, इनके सामने अभी कभी एक टीम उतरी है। आई थिंक यहाँ पर संजीव भाई पीक के ऊपर पहला लफड़ा होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैग मिल चुकी है ताहिर को, और यहाँ पर बंदे सामने क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या 1v1v2v3 कुछ होने वाला है, क्या यहाँ पर टीम लावा को गन मिलेगी, लूट्स मिलेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। अगर ताहिर की टीम यहाँ पर पीछे से आ जाए तो शायद यहाँ पर टीम लावा को स्टार्टिंग में वाइप आउट कर सकती है, क्योंकि लूट इतनी अच्छी खास ही नहीं है यहाँ पर टीम लावा के पास। बिल्कुल देखना पड़ेगा, फिलहाल एक नाव क्या निकालेंगे, ताहिर लगातार मचाएंगे, देखते देखते लगातार आगे भी यहाँ पर बढ़ेंगे, किल कंफर्म करने में कोई भी देरी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। मैक्स सेवन यहाँ पर उनके हाथों में रहने वाला है, एक के बाद एक नॉक यहाँ पर निकालेंगे, एक और प्लेयर को पकड़ कर रखा गया, क्या वो यहाँ से पीछे कूद कर जाएंगे विंडो से, क्या ये टीम आगे निकल के जा पाई, इनके मुश्किलें बहुत ज्यादा रहने वाले, बट टीम लावा को यहाँ से संभलना पड़ेगा एंड कोई एक सख्त कदम यहाँ पर उठाना पड़ेगा। तो देखा जाएगा पूपी यहाँ पर किस प्रकार से घेर पाएंगे, सो हम लगातार रोटेशंस लेंगे और MP5 प्लस प्लाज्मा एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्या साबित हो पाएगा वो यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। बट नोन लगातार ट्राई करेगी यार ऊपर जाए, बट कहने की MP40 उनके पास है, M4A1 उनके पास है, बट प्लेयर पहले से ही सेट होकर बैठे यार, कोई भी प्लेयर ऊपर आएगा वो यहाँ पर उनको नॉक कर देंगे। बट कहने के नोन यार ट्राई कर सकते हैं, अगर एक नेट भी होता तो शायद से रश यहाँ पर हो जाता, बट TIG यूनाइटेड लगातार मचाते, एक किल ऑलरेडी यहाँ पर निकाली गई है, यहाँ पर काफी खतरनाक गेम चल रहा है और ऑलरेडी जार्विस यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। इताची ने जो एक हेडशॉट मार के तो किल निकाला जरूर था, यहाँ पर जार्विस को पूरा क्लियर करेंगे, कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर टीम TSG को डील देने का। यहाँ पर मदारा को एक खतरनाक सी गन मिल चुकी है जो कि एक प्लस पॉइंट जरूर हो सकती है, और उस जगह पे जो है नोनू ने सागर को भी खत्म कर दिया। तो यहाँ पर टीम लावा के लिए जो है पहला ही गेम काफी खतरनाक रहा, पर अब तक दो प्लेयर्स या फिर एक प्लेयर जो जिंदा है जो कि सर्वाइव जरूर करेगा, टीम TSG यहाँ पर क्लॉक टावर में लगातार फाइट करते हुए यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है मारेंगे। हिताची यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डैमेज भी जरूर गिर रहा है, टीम TSG किस तरीके से रश करके मारेगी या फिर जो मर जाएगी। अब यहाँ पर संजीव भाई एक बात एकदम क्लियर, अब तीन बंदे यहाँ पर TSG के हो चुके हैं, अगर एक भी प्लेयर गवा बैठे तो यहाँ पर डुओ वर्सेस स्क्वाड हो जाएगा, गेम पूरा पलट जाएगा। बिल्कुल अब गेम पूरा पलट सकता है, फिलहाल यार सेफली खेलना पड़ेगा, डबल वेक्टर यहाँ पर रहने वाली, कहने की डबल वेक्टर वाले प्लेयर को यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, नॉक यहाँ पर निकालने पड़ेंगे और देखते देखते प्लेयर से यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलों वाला गेम यहाँ पर रहने वाले, एक के बाद एक नॉक यहाँ पर निकालेंगे, मदारे क्या कर पाएंगे, डबल वेक्टर के पास रहने वाली, एक के बाद एक फाइनली यहाँ पर टीम इनको एलिमिनेट किया जाएगा, और देखते देखते TSG यूनाइटेड यहाँ पर मचाते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पर मतलब एक चीज क्या आपने नोटिस की, मदारा जो है यहाँ पर थोड़ा बैक से जो है कवर देने की कोशिश कर रहा था, ना कि रश करने की, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट जो मिल रहा था। वैसे अगर देखा जाए तो सास्के ने स्पास जो स्पास हुए भाई उससे काफी बढ़िया खेला, उससे भाई उम्मीद नहीं होती है भाई कि यार दो बंदों को ले सके या फिर कुछ ऐसा हो सके, पर स्पास से यहाँ पर काफी अच्छा जो सास्के ने खेला और पीछे से जो कवर यहाँ पर दिया मदारा ने बहुत ही बढ़िया वाला, तो यहाँ पर टीम वर्क काफी सही था, जार्विस भी बच सकता था पर कहीं ना कहीं थोड़ा आगे चला गया था, थोड़ी सी गलत गेम हुई, पर यहाँ पर चार किल पहली टीम को जो एलिमिनेट कर दिया, पहला ही गेम यहाँ पर इतना खराब रहा है हिंद के लिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अब तक जो पांच गेम बचे हैं और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं आप लोग भी बैठे हो कि पांच गेम में कुछ भी हो सकता है, लास्ट के गेम्स में भी जो टीम हिंद ऊपर आ सकते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। टीम TSG लूट आराम से कर रही है, बढ़ते किसी और फाइट की तरफ या फिर किसी और चीज की तरफ जहां पर कुछ लफड़ेदायक चल रहा है या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो यहाँ पर दूसरी अगर जो टीम की TSG की बात करें जो अपने ऋतिक भाई की टीम है, तो ये लोग की भाई एकदम फिक्स प्लेसेस है जो कि है भाई ग्रेवयार्ड, तो आराम से लूट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर ओजस्वी की अच्छी खासी लूट हो चुकी है ऑलरेडी, बिल्कुल यहाँ पर लूट हो जाएगी, फिलहाल TSG यहाँ पर सेफली लूट करके अच्छे खासे अटैचमेंट्स इनके पास आएंगे, विहान को ऑलरेडी डबल M2 में मिल चुके हैं, डबल स्नाइपर यहाँ पर चलाएंगे, बहुत अच्छे प्रकार से चलाना चाहेंगे, मजा आएगा जब ये टीम लगातार आगे बढ़ेगी, यहाँ पर ये एरियन को छोड़ना पड़ेगा, 11 टीम्स यहाँ पर अलाइव रहने वाले, जिस भी टीम के पास चारों प्लेयर्स अलाइव रहेंगे वो टीम एक अच्छा खासा एडवांटेज यहाँ पर उठाना चाहिए, और साथ ही साथ लगातार आगे भी बढ़ेंगे, बट कहने के TSG को संभलना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी यहाँ से सर्कल में जाएंगे, लॉन्च पैड ले लिया गया, एंड लेजेंड आई थिंक शायद से पूरा का पूरा सोच कर गए यार कोई टीम यहाँ पर है या नहीं, फिलहाल छत के ऊपर जाकर सेफली यहाँ पर ढूंढने का ट्राई करेंगे, अगर कोई टीम यहाँ पर रहेगी तो शायद से फाइट लेंगे, बट फिलहाल यहाँ पर कोई भी टीम नहीं रहने वाली, सेफली लूट करेंगे, लूट अभी और भी ज्यादा बढ़ने वाले इनके पास, ऑलरेडी यार अटैचमेंट्स इतने अच्छे खासे मिल गए होंगे कि यार तीन की ग्रिप एंड यहाँ पर जो 4x वगैरह रहता है वो बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, बट ऋतिक को यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने टीम के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बाकी प्लेयर्स लूट करने में थोड़ा सा यहाँ पर बिजी रहेंगे, एक वेंडिंग मशीन एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर कहने के रहने वाला, बट यहाँ पर अगर हम बात करें
ब्रदरहुड की, तो ये चारों प्लेयर्स किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। रिमडाम विलेज यहाँ पर देखा जाए तो ये जो दीपू यहाँ पर है वो शायद से अपने टीम से थोड़ा सा बिछड़ गए, इनको वापस से टीम के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, मतलब पहले गेम संजीव भाई यहाँ पर बरमूडा बना है, यहाँ पर अगर बात की जाए सभी काफी काफी दूर है, ऐसी कोई सीन नहीं है कि बहुत सारी टीम्स जो आजू बाजू में है, तो फिलहाल के लिए सभी की सभी टीम्स जो है आराम से खेल रही है। यहाँ पर लूट मतलब आराम से निकल रहा है, तो किसी का कुछ सीन नहीं है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 11 टीम अब तक जिंदा है, 41 अलाइव है। अब देखते हैं पर क्या होगा। यहाँ पर विलन भाई का आप जो सीधा लैंड देख सकते हो, विलन भाई लैंड हो चुके हैं एंड वहां पर कोई आई थिंक सर्वाइव कर रहा है। टीएल का वहां पर एक पूरी स्क्वाड है एंड यहाँ पर एक पूरी स्क्वाड है, तो क्या वहां पर जो टीएल का बंदा सरवाइव कर रहा है, वहां पर कुछ भी मौका होगा उसका सरवाइव करने का, क्या वो टॉप 8 या फिर 6 में आ सकता है, ऐसे क्या लगता है संजीव भाई आपको? क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा मुश्किल होगा, जिस घर में वो बैठा है वो काफी नोन घर है और वहां पे हर लोग आता है, हर कोई ना कोई मतलब बंदा वहां पर जाता ही है, तो क्या लगता है वहां पर क्या होगा? बिल्कुल भाई, देखा जाएगा अगर टीम वहां पर जाएगी। मोस्टली वहां पर ज्यादा लूट नहीं रहती, तो टीम से ट्राई करती है कमी वहां पर जाए, फिर भी टीम जाती तो है ही यहाँ पर। देखा जाएगा क्या वो प्लेयर सर्वाइव कर पाएगा, कितना अच्छा कवर उसने अपने लिए बनाकर रखा हुआ। देखते ही देखते यहाँ पर टोटल गेमिंग लगातार आगे बढ़ेगी, चारों प्लेयर्स अब स्ट्रॉन्गली लूट करते हुए फैक्ट्री के अंदर हमको नजर आ चुके। क्या सर्कल लेने के लिए यहाँ पर आए, सर्वाइव करेंगे डिलीट, एक तरफ रहने वाले वॉल्स यहाँ पर कलेक्ट की जाएगी या फिर रोटेशन लेकर लगातार आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टीएसजी ऑलरेडी स्नाइपर टावर के ऊपर बैठी हुई फौजी है। क्या डिसीजन लेंगे यहाँ पर, आगे जाएंगे क्या, उनको हंट डाउन करने का ट्राई किया जाएगा, कहीं ना कहीं मुश्किलें भी हैं यहाँ पर, सेफली सर्वाइव भी करना चाहेंगे। उसी के साथ गाइस आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब भी यहाँ पर करते रहना, सपोर्ट यहाँ पर पूरा का पूरा बनाए रखना, अपनी टीम के लिए हैशटैग लगाइए। एंड यहाँ पर टोटल गेमिंग फिलहाल फैक्ट्री के ऊपर जाने की तैयारियां स्टार्ट कर दी गई, एक के ऊपर एक चढ़ेगा एंड यहाँ पर वॉल लगाएंगे, झट से जो सर्कल है वो यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। एक आसानी देखा जाए तो यहाँ पर शायद से उनके लिए हो सकती है, ऊपर से डैमेज दे नॉक निकाले, बट कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ेंगे। गैलेक्सी रेसर यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, चारों प्लेयर से कार लेकर एक जो प्लेयर है वो लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, बट टीम नंबर 4 आई थिंक यहाँ पर हमारी डी स्पोर्ट होने वाली है एंड टीम डी वर्सेस जीएक्सआर होगा, तो कौन यहाँ पर जीतेगा? यहाँ पर ये जो है काफी खतरनाक इस वाली मैच होने वाली है। यहाँ पर वीआर सी भी आ चुका है भाई, यहाँ पर गाड़ी लेके आ चुकी है, पूरी की पूरी टीम जो इकट्ठा हो चुकी है एंड अब सब में आ चुकी है। अब यहाँ पर 4v4 जो एकदम इजी हो सकता है, मजा आएगी यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर स्पॉट कर लिया है ऊपर वाली टीम ने, क्योंकि कार जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है एंड अब लेट्स सी यहाँ पर क्या करते हैं वासियो भाई, अपना क्या दिमाग लगाए और भाई वासियो का नाम लिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने से वासियो ने भाई डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर सामने जो है वीएसएस चल रही है, गेम काफी ज्यादा इंटेंस चल रहा है। यहाँ पर क्या यहाँ पर वासियो भाई बच पाएंगे, एक देखने वाली बात होगी। सामने भी एक बंदा नॉक पड़ा, उसको रिवाइव दे दिया है एंड यहाँ पर वासियो खत्म हो चुका है, VR7 को यहाँ पर भी डाउन कर दिया, तो GXR के लिए यहाँ पर एक चेंजिंग पॉइंट दिखाई दे सकता है संजीव भाई। बिल्कुल अब रिवाइव मिल जाएगा, बट कहीं टीम डी लगातार बचाएगी, एक के बाद एक स्नाइपर यहाँ पर मैरिक चलाना चाहिए, क्या नॉक निकल पाएगा वो यहाँ पर देखना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं एम लगातार बनाकर रखा हुआ, क्या कनेक्ट कर पाएंगे, शॉट्स अगर कनेक्ट होते तो शायद से नॉक निकल पाए, बट कहीं ना कहीं सामने जो टीम है ऑलरेडी सेट होकर बैठी हुई है वो यहाँ पर ट्राई करके नॉक निकाले हैं, बट मैरिक्स भी यहाँ पर कमजोर नहीं रहने वाले, वो भी स्नाइपर का जवाब यहाँ पर बिल्कुल देंगे और साथ ही साथ लगातार जो एम बनाकर रखा हुआ है मैरिक्स एक और बार यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, रिवाइव देना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, जहां पर उनको बचाना भी पड़ेगा। कहेंगे ये फाइट थोड़ा सा मिड रेंज में चल रही है, कोई भी रश करने की तैयारी नहीं कर रहा, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा, बट यहाँ पर GXR से एक और प्लेयर जब गोले चलाना चाहेंगे, यही क्या अपने आप को बचा पाएंगे, बहुत से पर तोड़ दिया, बट कहीं ना कहीं एक के बाद एक प्लेयर यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, बट इस बार बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। क्लॉथे प्लेयर मैरी एक्स यहाँ पर बचे रहेंगे, क्या यहाँ पर कर पाएंगे, एक प्लेयर को नॉक कर दिया, एक और प्लेयर क्या यहाँ पर पकड़ पाएंगे उनको, बट कहने के यार वॉल शायद से यहाँ पर साबित नहीं हो गया। टीम डी यहाँ पर लगातार मचाई है, चार किल्स यहाँ पर अपने खाते में निकाल लिए गए, चारों प्लेयर्स भी अलाइव रहेंगे, तो इसका एडवांटेज इनको बाद में जरूर मिलेगा। जी यहाँ पर जो है मतलब काफी खतरनाक गेम हुआ, टीम डी ने जो है काफी बढ़िया खेला है। यहाँ पर अब देखा जाए तो टीम डी फुल ऑन एडवांटेज एंड यहाँ पर पूरी की पूरी संजीव भाई यहाँ पर जो पूरी की पूरी टीम ने जो है काफी बढ़िया खेला है, ऐसा नहीं कि एक या फिर दो प्लेयर ने सही खेला, पूरी की पूरी टीम ने काफी बढ़िया खेला, पूरा टीम वर्क था यहाँ पर एंड यहाँ पर एक और टीम जो है भाई खत्म हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात ये होने वाली है कि कौन अब यहाँ पर कैसे खेलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक और फाइट हमें देखने मिलने वाली है। आई थिंक यहाँ पर टीम टोटल गेमिंग सभी की फेवरेट टीम टोटल गेमिंग यहाँ पर देखते कैसे खेलेंगी, और ये क्या भाई यहाँ पर प्रिंस भाई यहाँ पर ऊपर चढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक अलग सा गेम हमें देखने मिलने वाला है। टीम टोटल गेमिंग फैक्ट्री के पे ऊपर चढ़ चुकी है, यहाँ पर इनको लेफ्ट साइड में ऑलरेडी टीम टीएसजी यूनाइटेड भी दिखाई दे रही है एंड ये लोग भी ऊपर चढ़े हुए हैं, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला। अब जो फाइट है टीम टीएसजी
एलवीएल एंड टीम टोटल गेमिंग। तो लेट्स सी कैसा वाला गेम होता है यहाँ पर। और यार जो भी गाइस हमारे व्यूअर्स देख रहे हो आप लोग भाई जल्दी से 5000 या फिर 6000 लाइक तो ठोक दो अगले मैच के लिए। तो जल्दी से लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब जरूर करो। चलो अब यहाँ पर टीम टोटल गेमिंग अलग सी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है। और क्या ये आपने पहली बार देखता है टीम टोटल गेमिंग को ऐसे फैक्ट्री के ऊपर चढ़ते हुए संजीव भाई? बिल्कुल यहाँ पर यार पहली बार ही हम लोग देख रहे हैं। फिलहाल देखना पड़ेगा इनके प्लान कितने कामयाब रहेंगे। बट यहाँ पर सोम लगातार डैमेज देंगे। जी हाँ यहाँ पर एलवी मित्रा सो आ चुके अपने आपको सर्वाइव करवाने के लिए। वो भी यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छे खासे चाहती है और साथ ही साथ नोनू यहाँ पर लगातार आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पर डैमेज दे पाएंगे क्योंकि साइपर टावर के ऊपर हमारे टीएसजी यूनाइटेड जो है वो बैठी ऑलरेडी सेट होगा। टोटल गेमिंग फैक्ट्री का कवर यहाँ पर पूरा का पूरा लेने वाले बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे। बट विहान यहाँ पर तबाही मचानी स्टार्ट कर दिए तो टीएसजी यहाँ पर लगातार पहला किल निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल दो टीम्स और यहाँ पर रहने वाले, सेफली संभलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। देखा जाए तो यहाँ पर कहने की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी भी और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो बाकी टीम रहने वाली लेजेंड के यहाँ पर संभलना पड़ेगा। वॉल जो है वो लगानी पड़ेगी, 9 वॉल्स उनके पास ऑलरेडी रहने वाली। बीएसएस यहाँ पर चलाएंगे, यानी कि फायदा उनको बहुत ज्यादा मिलेगा। इतनी सारी वॉल्स रहेंगी तो कहीं ना कहीं वॉल पे वॉल लगाएंगे एंड यहाँ पर डैमेज देने का पूरा पूरा ट्राई करने वाले। ब्रदरहुड एक तरफ रहने वाले, विलियन गेमिंग यहाँ पर हमको नजर आने वाली, जिसका कवर ऑलरेडी यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पर हमारे यूएवी भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं नॉक निकालने की पूरी पूरी तैयारी एंड कोशिशें यहाँ पर चल रही है। बट विलियन गेमिंग से इकलौते प्लेयर भी यहाँ पर बीच में सर्वाइव करे, क्या लगता है जश वो प्लेयर बच पाएगा? तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि क्या सीन होने वाला, पीछे से जो टीम है वो आई थिंक ये घर में आई तो भाई उसका जो स्पॉट हो जाएगा। पर अगर विलन गेमिंग के एक भी प्लेयर ने सामने जो पीछे जो बंदे है चार भाई उनको अगर एक भी नॉक कर दिया तो यहाँ पर पीछे वाली टीम के लिए जो है चेंजिंग मूवमेंट जरूर होगा। तो यहाँ पर टीम टीएसजी की अगर बात करें यहाँ पर काफी बढ़िया जो फाइट लिया और लेजेंड जो है कहीं ना कहीं बीच में ये भी अटक चुका है। यहाँ पर 8 ग्लू वाला, तो यहाँ पर अगर लेजेंड मर गया तो थोड़ी भाई गंदी बात हो जाएगी क्योंकि 8 ग्लू वाला, और अगर कंजूसगिरी यहाँ पर कर दी ग्लू वाला लगाने में तो भाई यहाँ पर सीन हो जाएगा क्योंकि लेजेंड के पास वीएसएस है और वीएसएस काफी ज्यादा खतरनाक और काफी एडवांटेज वाली गन होने वाली है ये मूवमेंट पे। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। यहाँ पर ऋतिक के लोग जो है काफी पीछे है तो थोड़ा सही यहाँ पर ओजस्वी जो पैराफिल से पीछे से कवर पूरा का पूरा देगा लेजेंड को। लेट्स सी यहाँ पर क्या करता है विलन गेमिंग का एक प्लेयर यहाँ पर जो बीच में अटका हुआ है, अब देखते क्या होगा। विलन गेमिंग का एक प्लेयर बीच में है, यहाँ पर दूसरी तरफ विलन गेमिंग के दूसरे प्लेयर पर रश हो चुका है, वहां पर ओजस्वी ने टर्न्स को मार दिया है। यहाँ पर विलन गेमिंग का ये प्लेयर भी मर गया एंड यहाँ पर विलन गेमिंग हो चुकी है एलिमिनेट। मतलब नसीब कितने गंदे थे, वहां पर वो बंदा डाउन हो गया, यहाँ पर ये मर गया। बिल्कुल अब यार टीम जो है एलिमिनेट हो जाएगी, 9 टीम्स यहाँ पर लाइव रहने वाले। देखा जाता है टीम डी एक के बाद एक मचा रही है, 5 किल्स ऑलरेडी यहाँ पर निकालेगी। फिलहाल टीएसजी को आगे बढ़ना पड़ेगा, 2 किल्स यहाँ पर अपने खाते में उतार लिए। क्या ब्रदरहुड का सामना यहाँ पर कर पाएंगे? इनके विहान जो है एम बनाकर सेट रहने वाले, डबल स्नाइपर उनके हाथों में रखता है, लेजेंड भी ट्राई करेंगे, वीएसएस उनके पास लगाता रहने वाले। अगर एक भी नॉक निकालते तो शायद से यहाँ पर टीएसजी का जो रश है वो यहाँ पर किसी भी वक्त हमको देखने मिल जाएगा। बट यहाँ पर टीम नंबर 6 के भी इकलौते प्लेयर जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे थे, टीम लावा सर्वाइव करेगी। बट लेजेंड यहाँ पर लगातार मचाएंगे, जस्टी को यहाँ पर नॉक कर देगा, जल्दी से जल्दी रिवाइव देना पड़ेगा। बट टीम लावा यहाँ पर लगातार आगे बढ़ेंगे, सोलो सर्वाइवर क्या यहाँ पर तबाही मचा पाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर वैसे बचा तो दिया है, एंड ओजस्वी एंड व्यान दोनों ही जो है काफी ज्यादा खतरनाक प्लेयर है, तो यार इन दोनों को जो है काफी संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि इनका गेम काफी सही है। अगर बात की जाए व्यान के पास जो यहाँ पर ग्लू वॉल नहीं है, ग्रेनेड काफी बढ़िया यहाँ पर थ्रो जरूर किया है वहां पर संदीप के, वहां पर यहाँ पर बच जाएंगे काफी बढ़िया। एंड यहाँ पर ओजस्वी फिर से एक बार डाउन हो चुके हैं, ग्लू वॉल नहीं है और नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा जो है संभाल के खेलना था ओजस्वी को, पर नहीं खेल पाया। यहाँ पर संदीप गेमर के पास भी एक ग्रेनेड है, अब देखते हैं कैसे। और अब यहाँ पर भाई एक संदीप गेमर यहाँ पर टीम टीएसजी के ऊपर जो भारी पड़ चुके हैं, दोनों ही खतरनाक प्लेयर को जो है ले डूबेंगे। यहाँ पर सभी ने जो है ग्लू वॉल लेजेंड को दे दिया, यहाँ पर इसी वजह से जो है डिसएडवांटेज जरूर हुआ है। यहाँ पर टीएसजी लेजेंड के ऊपर अब कभी भी रश हो सकता है तीनों प्लेयर्स के, यहाँ पर टीम टीएसजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरे में यहाँ पर मूवमेंट हो चुका है। यहाँ पर अब क्या करेंगे यार, दूसरी तरफ गॉड एल्टिस्टा ने जो है पहाड़ी को खत्म कर दिया, वो भी ग्रेनेड लॉन्चर से। ओ माय गॉड, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए फिलहाल लगातार आगे बढ़ेगी टीम इलीट यहाँ पर ट्राई करते हो, बट कहीं नहीं यार मुश्किलें किसके ऊपर भारी होंगी वो यहाँ पर देखा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हरे टीम लगातार आगे बढ़ती है, नजरें पूरी पूरी रहने वाले, देखना पड़ेगा फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर होने वाला। आइकॉनिक लगातार आगे बढ़ेंगे, देखते देखते टीम इलीट यहाँ पर एक प्लेयर को खो देगा, पहाड़ी जो कि स्नाइपर प्लेयर की टीम में रहेंगे। फिलहाल क्या ये टीम लगातार आगे बढ़ पाएगी, क्या अच्छा गेम प्ले यहाँ पर निकाल पाएंगे, देखना पड़ेगा। सर्कल के अंदर फिलहाल कदम तो रख लिया गया, बट ऊपर भी टीम रहने वाले और देखते देखते लगातार आगे बढ़ेंगे। जॉन्टी एक तरफ रहने वाले हैं, सामने हमारी एलबीएल अमित रासु क्या सर्कल में पहुंच पाएगी? जॉन्टी का एक नॉक यहाँ पर निकालेगा, सो आपको रिवाइव देना पड़ेगा एंड जल्दी से जल्दी टीम को आगे भी बढ़ना पड़ेगा। यार पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बट धीरे धीरे उनको आगे आना पड़ेगा। पेड़ का जो कवर है वो अपने लिए यहाँ पर बनाना पड़ेगा। टीम इलीट लगातार संघर्ष यहाँ पर करेगी, क्या सामने टीम को किसी भी हालत में आगे ना आने दे। बट कहीं ना कहीं
जॉन्टी नॉक निकालने का एक और बार ट्राई करेंगे। ताहिर को यहाँ पर नॉक करके रखा हुआ, टीम लावा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी। आरडीपी के ऊपर गोलियां लगातार चलाई जा रही है। आइकॉनिक की नेट्स क्या कनेक्ट हो पाएंगे? अगर कनेक्ट होते हैं तो शायद से वो यहाँ पर किल कंफर्म जरूर करेंगे। यहाँ पर ग्रेनेड जो है काफी जबरदस्त यार, ये वाला अगर ग्रेनेड सही होता तो शायद कुछ हो जाता। अब यहाँ पर जो है ग्रेनेड खत्म हो चुके, 7 से 8 ग्रेनेड से काफी बढ़िया। टीम टीएसजी भी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पर एक खतरा वाला गेम हो चुका है सारी टीम्स के लिए। अब थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा। जॉन्टी भाई क्या यहाँ पर रश मारेंगे, क्या होगा यहाँ पर सीन देखने वाला होने वाला है। ग्रेनेड काफी बढ़िया फेंके, यहाँ पर आइकॉनिक घुस चुका है। यहाँ पर टीम एलीट का खतरनाक वाला रश डाउन हो जाएगा। ओह माय गॉड, यहाँ पर आइकॉनिक घूम गया है, काफी बढ़िया। यहाँ पर आइकॉनिक का घूम के मारा है, यहाँ पर दूसरा किल, पर जी नहीं, यहाँ पर टीम एलीट के लिए एक खतरनाक सा गेम एंड एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे। 10 गेमिंग भाई क्या ही खेले, 5 किल जरूर यहाँ पर निकल चुके। ये अनएक्सपेक्टेड था, यहाँ पर आशीष भाई ने क्या ही खेला है एंड क्या ही गन से जो स्प्रे किया, काफी दिमाग से जरूर खेला था। पर सारी की सारी नोन एंड सब फेवरेट टीम्स एलिमिनेट हो चुके। अब जो लास्ट 6 टीम्स बची है, 19 बंदे अलाए हुए, तो काफी खतरनाक गेम होगा यार। जो भी हमारे व्यूअर्स है, 10,000 लाइक तो यार बनते तो यार जल्दी से यार, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं ठोका है जल्दी से 10,000 लाइक भाई कर दो यार, खतरनाक वाले। बिल्कुल, अब देखा जाएगा फिलहाल आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर जो हमारी 10 क्वीन गेमिंग के दोनों प्लेयर्स बचे हैं, क्या यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? सामने एलवीएल के प्लेयर्स हैं, वो लगातार रोटेशन लेने का ट्राई कर रहे हैं, बट कहीं नहीं यार और कितने प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहेंगे। ऊपर एक और टीम रहने वाली, क्या वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? क्या आशीष यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर देखना पड़ेगा। बट लगातार जो हमारी एलवीएल की टीम है वो यहाँ पर प्रहार करने का ट्राई करेगी। आशीष के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ेंगी, पीछे से एक और प्लेयर गोले चलाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, बट फ्रीक को यहाँ पर संभालना पड़ेगा। क्या वो यहाँ पर नोनू को रोक पाएंगे? नोनू लगातार ट्राई करते हैं, सर्कल में जाना इतना आसान नहीं रहेगा, बट फिर भी यहाँ पर ट्राई करना चाहेंगे। आई थिंक शायद से प्ले जोन से एलिमिनेट हो सकते हैं। 10 क्वीन गेमिंग यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी। देखते देखते यहाँ पर लगातार एलवीएल अमित्रासु को भी एलिमिनेट करते हैं। देखा जाए तो माफिया लगातार स्नाइपर चला के टोटल गेमिंग यहाँ पर मचाते हैं। देखा जाए तो एक के बाद एक किल यहाँ पर निकालना चाहिए। माफिया की स्नाइपर कनेक्ट हो गए, वो क्या अपना किल कंफर्म कर पाएंगे देखना पड़ेगा। 12 प्लेयर यहाँ पर अलाइव रहने वाले, 4 टीम्स यहाँ पर बची है। सर्कल यहाँ पर ओपन में जाने वाला, आई थिंक शायद से 3 टीम्स क्लॉक टावर के ऊपर होने वाले हैं। सामने एक टीम यहाँ पर हमको नजर आ रही है, तो यहाँ पर काफी बढ़िया वाला गेम होने वाला है। टीम टोटल गेमिंग यहाँ पर कुछ कर सकती है शायद, तो यार मजा आएगा अगर टीम टोटल गेमिंग यहाँ पर कुछ धमा कर दे। फौजी अजय काफी बढ़िया यहाँ पर जो है वुकॉन करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जोन काफी डेंजर आया। क्या कहना चाहोगे संजीव भाई? और यहाँ पर काफी बढ़िया जो क्रोनो का यूज जरूर किया गया एंड यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से डाउन कर दिया। यहाँ पर हेडशॉट देखने मिलेगा, ब्रदरहुड यहाँ पर एलिमिनेट, डिलीट यहाँ पर जो है फौजी अजय को उठा लेगी। टीम टोटल गेमिंग काफी ओपी खेल जाएगा, जो भी टीम टोटल गेमिंग के फैंस हैशटैग चला दो एंड यहाँ पर हिताची डाउन जरूर हो जाएंगे। यहाँ पर जो है टीम TSG यूनाइटेड भी एलिमिनेट लेवल 3 रैंक 3 पे काफी बढ़िया खेला यहाँ पर टीम यूनाइटेड ने। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। टीम TG बची है, D बची है एंड एक और टीम यहाँ पर बची है, लच्छी नहीं 2 ही टीम बची है। तो यहाँ पर काफी खतरनाक गेम, 4v4 प्रिंस यहाँ पर डाउन हो चुका है, माफिया यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, TG फौजी अजय डाउन, आखिरी बंदा डिलीट यहाँ पर बचा है। बिल्कुल, लगातार ट्राई करें डिलीट यहाँ पर पॉसिबल कर पाएंगे। 1v3 निकालना, क्या सर है कॉट प्लेयर यहाँ पर नॉक कर दे। देखिए देखिए कॉट प्लेयर, ओह माय गॉड, यहाँ पर मचाएंगे शायद से, क्या वो यहाँ पर 1v3 निकाल पाएंगे? आई थिंक शायद से बहुत बुरा वक्त यहाँ पर टीम डी के लिए साबित होने वाला, बट कहेंगे डिलीट ने अगर मेडिकेट लगा ली तो शायद से यहाँ पर बचना लास्ट प्लेयर के लिए मुश्किल भरा हो जाएगा। नेट यहाँ पर थ्रो करने पड़ेंगे, बट कहेंगे वॉल्स यहाँ पर नहीं रहने वाले, बट कहेंगे 2 और किल यहाँ पर अपने खाते में जरूर ऐड करना चाहिए। क्या लगता है जस्ट कौन सी टीम यहाँ से बुआ लेकर जाएगी? ये काफी डेंजरस गेम हो चुका है यहाँ पर। टीम डी के पास कट्टा है, इसके पास MP40 है, कट्टा वर्सेस MP40, यहाँ पर कट्टा कनेक्ट हो गया MP40 एंड यहाँ पर हेडशॉट शायद कुछ कमाल दिखा सकती है। जी नहीं, कट्टा विंस एंड यहाँ पर टीम डी एक खतरनाक ऑसम सा भूया है जरूर यहाँ पर लेके गई है। काफी खतरनाक गेम यहाँ पर टीम डी की तरफ से, MVP रहेंगे यही भाई। तो यहाँ पर टीम डी ने काफी खतरनाक गेम खेला भाई, क्या ही लास्ट में जो इंटेंस मैच कर दिया था टीम टोटल गेमिंग ने। 3v3 था, पर यहाँ पर 2 बंदों को जरूर नॉक किया था एंड गेम काफी इंटेंस हो चुका था। हमें एक टाइम के लिए लग चुका था कि शायद टीम टोटल गेमिंग कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या ही था, मतलब ये क्या संजीव भाई क्या बोलना चाहोगे जो लास्ट में मूवमेंट हुआ था? वेलकम, मेरे को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, डिलीट यहाँ पर लगातार एक के बाद एक नॉक निकाले थे। अगर एक भी वॉल रहती ना तो शायद से वो ये भूया बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, बट टीम डी यार बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें उन्होंने की, एक के बाद एक टीम्स को वाइप आउट किया, तो यार भूया निकाल कर गए, बहुत अच्छे पॉइंट्स उनके पास आएंगे। बट टोटल गेमिंग डिलीट अपने किल जरूर यहाँ से उठाकर जाएंगे, कोई भी मौका नहीं दिया। आई थिंक 1v4 क्लच अगर निकाल जाते तो शायद से यहाँ पर उनके लिए हैशटैग लगते हैं। अभी भी गाइस आपको हैशटैग लगाने हैं और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट करते रहना है। बहुत सारी टीम्स के लिए सपोर्ट जो है वो लगातार दिखाया जा रहा है। टीम लीड के लिए यार टीम लीड को अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकालना पड़ेगा, भले ही मिड गेम में एलिमिनेट हुए, अभी और भी मैचेस बची रहने वाले। कितना अच्छा गेम बाकी टीम्स निकालेंगी वो थोड़ी ही देर में पता चलेगा।
जी हाँ, पहला गेम तो यार काफी खतरनाक रहा, काफी मजा आया। और यार जैसे कि गाइस मैंने कहा, टीएससी ग्रैंड फाइनल्स मतलब एकदम खतरनाक टीम्स और खतरनाक मुकाबला, सभी के सभी टीम्स ने काफी सही खेला। टीम टीएससी 8वें रैंक पे जो एलिमिनेट हुई है, इस बार शायद कुछ धमाका करना पड़ेगा। एंड टीम टीएससी यूनाइटेड 3रे रैंक पे एलिमिनेट हुई है, काफी बढ़िया टीम यूनाइटेड खेल रही है यहाँ पर। लेट्स सी कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने मिलना है। और जो इस बार लास्ट में एलिमिनेट हुई है उसको भी मचाना पड़ेगा यहाँ पर, अगर उसको अगर अपनी पोजीशन ऊपर लानी है। तो लेट्स सी कैसा गेम होता है यहाँ पर। सेकंड मैच भी जब भाई सून शुरू हो जाएगा, और जो भी हमारे व्यूअर्स है भाई स्ट्रीम जरूर शेयर करो, क्योंकि अब तक 5 गेम बाकी है, सिर्फ 1 गेम अब तक हुआ है। लेट्स सी कैसा गेम यहाँ पर आगे आगे हमें देखने मिल रहा है। और अगला मैप कौन सा है भाई? परगेट्री मैप यहाँ पर होने रहा है। आई थिंक शायद यार बहुत ज्यादा मजा आएगा यहाँ पर। 3 यार वो जो रिवर है ना वो डिवाइड करेगा, आई थिंक वहां से संभलना पड़ेगा एंड ब्रिज से जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा। जिपलाइन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, बट जिपलाइन पे यार जाना बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हम यार ऑलरेडी देख चुके हैं यार जहाँ पर 6 सैंस जो है वो जिपलाइन से जा रही है। 4 रनों ने जैसा शिकार यहाँ पर किया था ना, तो बाकी टीम्स को एक सीख यहाँ पर मिल चुकी होगी यार, कभी भी जिपलाइन का यूज मत करना। एंड जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तब तक तो आगे बिल्कुल भी नहीं जाना। परगेट्री मैप में टीम्स कैसे आगे बढ़ेंगे, बट टीएसजी लगातार ब्राजीलिया के ऊपर उतरेगी, क्या उनसे फाइट ली पाएंगे, किसी और टीम के साथ क्या लिया जाएगा, एंड कौन सी टीम कहां पर उतरने वाली। टोटल गेमिंग क्रॉस रोड के ऊपर जाएगी, गैलेक्सी रेसर सेंट्रल के ऊपर उतरना चाहेगी, एंड बाकी की टीम्स कहां पर लैंड करेंगी उन हर एक टीम को हम देखना चाहेंगे। लैंड एंड फाइट में कौन बिलीव रखेगा वो भी यहां पर नजर आएगा। तो यहाँ पर संजीव भाई ने गाइस इतने सारे मतलब मैचेस कास्ट कर लिए भाई, उनको सब पता है कि कौन कौन सी टीम इस दुनिया में है और भाई कौन सी टीम कहाँ पर उतरती है। तो संजीव भाई को तो यार सब पता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं गाइस कैसा क्या होगा। जैसे संजीव भाई ने बोला, क्या टीम वहीं पर उतरेगी, क्या टोटल गेमिंग सेंट्रल पे जाना पसंद करेगी और टीम टीएससी ब्राजील पे, तो ये भी एक मजा आने वाली बात होने वाली है। लेट्स सी कैसा गेम होता है पर। संजीव भाई सेकंड मैच पर गेट्री और भी खतरनाक होने लगा, तो यार लेट्स सी, बरमूडा काफी सही रहा था और अब देखते हैं भाई टीम डी क्या फिर से एक बार अपना जो परफॉर्मेंस एक बार वैसा ही दिखाएगी, क्या वो फिर से बूया या फिर टॉप 3 में आ पाएगी और अपना जो है पोजीशन रैंक 1 पे रखेगी, ये देखने वाली बात होने वाली है। लेट्स सी यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। और यार जो भी हमारे व्यूअर्स, आपको कैसी लगी भाई पहली मैच, वो आप लोग जो नीचे कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है, आप लोग जो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो सेकंड मैच परगेट्री में और भी खतरनाक मजा आने वाली है। बिल्कुल यहाँ पर हमारा मैच भी स्टार्ट हो चुका है। अगर बात करें प्लेन पाथ जा रहा है सिंपल यहाँ पर होने वाला है, सेंटर ऑफ द मैप से जाएगा, बट यहाँ पर टीम्स की अगर बात करें तो हमारे 10 की उन गेमिंग फोर्स के ऊपर लगातार उतरेंगे, टीम लीड्स की लव की तरफ जाने का पूरा ट्राई करेंगे, टीम लावा फायर ब्रिगेड जाना चाहेंगे, साथ ही साथ हमारी विलन गेमिंग क्या फायर ब्रिगेड के ऊपर उतरेगी, बट गैलेक्सी रेसर सेंट्रल जाना चाहेगी, एल विल मित्रासू मार्बल वर्क्स के ऊपर उतरती हुई हमको नजर आ जाएगी। जी हाँ यहाँ पर टीएससी ब्राजीलिया एंड बाकी जो टीम्स यहाँ पर रहने वाली है एंड वो कहां कहां पर जाएंगी, फिलहाल टोटल गेमिंग यहां पर क्रॉस रोड के ऊपर जाना पसंद करेंगे, एंड कितनी टीम्स यहां पर लगातार मोट हाउस की तरफ जाने वाले वो भी यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं लैंड एंड फाइट हो सकती है, तो ये हमें यहां पर कहने के देखने के लिए मिल जाता है। लगातार आगे बढ़ेंगे बट फिलहाल यहां पर गैलेक्सी रेसर वर्सेस एक और टीम यहां पर रहने वाला, क्या यहां पर फाइट ले पाएंगे क्या यहां पर नहीं ले पाएंगे वो यहां पर कहने के देखना पड़ेगा। बट सामने विलन गेमिंग होने वाले, लगातार गोली यहां पर चलाया जा रही है, वासु को चोटिल यहां पर कर दिया गया, क्या वो यहां से बचकर निकल पाएंगे। जी हां यहां पर गन्स उठानी पड़ेगी, अपने आप इसको कवर फायर बिल्कुल यहां पर देना पड़ेगा। अभी तक कोई भी नॉक नहीं निकाला गया बट वासु को सक्सेसफुली पकड़ लिया गया, नॉक यहां पर निकाला गया, किल बिल्कुल तेजी में यहां पर कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर जब बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ेंगे यार किल्स कंफर्म करने का, एंड यहाँ पर काफी जबरदस्त गेम है। दूसरी तरफ टीम टीएससी यूनाइटेड की भी जब पूरी की पूरी वाट लग चुकी है, ड्रोन भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जीएक्सआर यहाँ पर 3 बंदे हैं, बाकी के जो सामने के जो बंदे भाई दो दो में जब बढ़ चुके हैं, यहाँ पर विलन कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। एंड यहाँ पर मैरिक्स बहुत ही ज्यादा रिस्क में, मैरिक्स को यहाँ पर जब भाई जरूर डैमेज पड़ेगा, मैरिक्स के पास अब जब ना कवर होगा, यहाँ पर पीछे से जब फुल ऑन रश कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे मैरिक्स यहाँ पर जरूर डबल एक्शन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और ड्रोनों के अंदर गोलियां लगातार चलाना चाहेंगे, बट कहने मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, क्या एक और पेयर यहाँ पर नॉक डाउन कर पाएंगे, कहने के यार डबल आई थिंक शायद से वेटरन के हाथों में रहेगी, बट एमओ यहाँ पर शायद से खत्म हो गई थी, एंड गैलेक्सी रेसर को यहाँ पर एलिमिनेट कर जाएगा। विलन गेमिंग बहुत अच्छा गेम प्ले, एंड यहाँ पर भोपाली 2 किल अपने नाम करके जाएंगे, फिलहाल ये तीनों प्लेयर सर्वाइव करेंगे, 4 किल्स यहाँ पर निकाल ली गई, अच्छा खासा गेम प्ले यहाँ पर इनकी तरफ से रहेगा, एंड सिर्फ यहाँ पर अभी सर्वाइव करना, 4 किल्स ऑलरेडी इनके पास आज के, थर्ड सर्कल में एंट्री ले लें, सर्वाइव करना, जितने किल्स निकाल पाए उस टाइम पर इनको निकाल लेने, फिलहाल इजीली यहाँ पर लूट करेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे। 11 टीम्स यहाँ पर बची रहेंगी, 39 प्लेयर्स यहाँ पर बची रहने वाले, सेंट्रल का ये एरिया
कहीं ना कहीं गैलेक्सी रेसर से छीन लिया गया। गैलेक्सी रेसर हमेशा सेंट्रल के ऊपर उतरती है एंड उनको सबसे पहले यहाँ पर एलिमिनेट किया गया था, एक पनिशमेंट यहाँ पर दे दी गई है। बट टीएसजी यहाँ पर ब्राजीलिया के ऊपर उतरेगी, कितनों को पनिशमेंट देगी वो यहाँ पर देखा जाएगा। बट कहीं ना कहीं विहान लगातार आगे बढ़ेंगे, स्पॉट करने का ट्राई करे। सामने एक और टीम यहाँ पर कहने की उतरी एंड वो यहाँ पर हमारी टीम हिंद होने वाली, क्या सामना कर पाएंगे, कौन सी टीम किसको एलिमिनेट करेगी। टीएसजी लगातार आगे बढ़ते हुए लेजेंड यहाँ पर वीएसएस के साथ हमको नजर आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पर टीम टीएसजी तो भाई अपनी जगह ब्राजीलिया पे उतर गया। टीम की जो पूरी की पूरी लूट मुझे काफी अच्छी दिखाई दे रही है, यहाँ पर मेडिकेट्स हो गई, ग्लू वॉल्स हो गई, गन्स हो गई, तब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार टीम टीएसजी यहाँ पर कुछ कमाल करके दिखाए। पर यार वो भी नसीब पे होता है कि कौन कितना खतरनाक मारे और कैसे टीम वर्क और कैसा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर हो। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, क्या यहाँ पर टीम टीएसजी वर्सेस टीम हिंद होने वाली है एंड टीम हिंद किस तरीके से नॉकडाउन निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो चारों के चारों बंदे एंड इनकी भी जो लूट काफी बढ़िया यहाँ पर जो खतरनाक तरीके से हो चुकी है। ये जो प्लेस है संजीव भाई यहाँ पर ये क्यों बैठते हैं, मैंने मतलब काफी लोगों को देखा यहाँ पर मतलब बैठे रहते हैं, तो ये काफी रिस्क वाली जगह मुझे लगती है क्योंकि काफी ज्यादा ओपन है, सेंट्रल से यहाँ पर पड़ सकती है या फिर ब्राजील ऐसे ऊपर से कोई आ सकता है। तो ये क्या है भाई, मतलब यहाँ पर क्यों बैठती है ईस्पोर्ट्स टीम? यहाँ पे बैठने का फायदा ये रहता है ना कि लाइक यहाँ पर सामने कोई टीम इनके ऊपर डायरेक्टली आएगी ना, वो उनको पता नहीं रहेगा कि यार यहाँ पे कोई टीम छुप कर बैठी है, ओपन में आने के यार उनको नॉक करेंगे। और साथ ही साथ रिजिस का ना एक फायदा रहता है, लाइक अगर आप रिज के ऊपर बैठे हो ना, मान लो मैं दूर से गोले चला रहा, तो यार मेरा डिफॉल्ट टीम आपके ऊपर कनेक्ट नहीं होगा, बट आप मेरे ऊपर डिफॉल्ट टीम कनेक्ट कर पाओगे। जब तक मैं यार जूम इन करके आपको ढूंढूंगा तब तक आप मेरे को बहुत ही ज्यादा डैमेज दे दोगे। तो इसका फायदा यहाँ पर टीम जो है वो बहुत अच्छे से उठाती है। बट यहाँ पर मैं टोटल रैंकिंग आ चुकी है, टीम डी 24 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पर बैठी रहेगी, टोटल गेमिंग यहाँ पर 15 पॉइंट उनके पास आएंगे, थर्ड पर हमारे टीएसजी यूनाइटेड होने वाले 14 पॉइंट्स के साथ। तो टीम डी के अगर पॉइंट्स की बात करें काफी खतरनाक पॉइंट्स है पहले गेम में लेके चले गए 24 यहाँ पर टोटल, मतलब गाइस यहाँ पर किल्स की अगर बात करें तो किल्स भी काफी बढ़िया वाले निकाले एंड प्लेसमेंट पॉइंट भी काफी बढ़िया निकाले यहाँ पर। क्या टीम डी यहाँ पर फिर से एक अपना खतरनाक गेम दिखा पाएगी? यहाँ पर देख सकते हो टीम डी के फिर से जो एक अच्छी खासी लूट हो चुकी है ब्राजीलिया पे आ चुके हैं। आगे अगर ये थोड़ा जाए तो वहां पर टीम टीएसजी भी दिख जाएगी और एक और फाइट उन्हें एंगेज हो जाएगी। तो लेट्स सी यहाँ पर कैसा गेम जो देखने मिलेगा, 39 प्लस 11 बंदे यहाँ पर अलाइव है, लेट्स सी, और काफी ज्यादा मजा आने वाली है। काफी लोग जो सर्वाइव भी यहाँ पर आई थिंक कर रहे हैं, इसलिए 39 प्लेयर्स हो चुके हैं। टीम टीएसजी यहाँ पर आराम से लूट करेगी और पूरा जो है ब्राजीलिया भाई इन्होंने चार्ट लिया है, मतलब इतने खतरनाक तरीके से लूट की है। ग्लूअल्स काफी बढ़िया है इनके पास, लूट काफी बढ़िया है, मेडिकेट्स हो गई, सब हो गई एंड यहाँ पर आई थिंक अब फाइनली एक फाइट शायद हमें टीम टीएसजी के तरफ से शायद टीम हिंद के साथ दिख सकती है। जी हाँ, यहाँ पे देखना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, बट कहने के ड्रोन व्यू से पता चल जाएगा टीम जो है वो लगातार बैठी हुई है। यार टीएसजी का संभलना पड़ेगा क्योंकि एलवी यहाँ पर टीम इन पीछे से जिस प्रकार से बैठी हुई है उनको यहाँ पर कहने की गोलियां भी पड़ सकती है। एक और टीम यहाँ पर आने वाली, टीम लावा यहाँ पर एंट्री ले ली गई ब्राजीलिया में, ब्रिज से आ रहे हैं यहाँ पर, क्या टीएसजी पता लगा पाएगी? बट टीम लावा इस बार सेफ गेम प्ले खेलना चाहती है, पिछली बार जो लास्ट प्लेयर यहाँ पर बचे हुए थे तबाही मचाई, दो नॉक एंड दो किल यहाँ पर अपने खाते में उठाते हुए लगातार आगे बढ़ती है। टीएसजी बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट होकर खेल रहे, लेजेंड लगातार आगे जाना चाहिए। आई थिंक अगर खराब सिचुएशन में फंसे तो यहाँ से पीछे हटना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, बट कहने की गोलियां जो है लगातार चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर लेजेंड लगातार आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, ऋतिक एक तरफ रहने वाले डबल स्टोरी में सर्वाइव करेंगे, पूरा का पूरा कवर फायर यहाँ से दिया जाएगा, बट टोटल गेमिंग लगातार आगे बढ़ना चाहेंगे। पहाड़ का कवर यहाँ पर ले लिया गया, सामने टीम डी होने वाली, क्या इस बार टीम डी जीत पाएगी? यहाँ पर टोटल गेमिंग रहेगा, कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ेगी, रिवेंज क्या टोटल गेमिंग इस बार ले पाएगी? डिलीट लगातार आगे बढ़ेंगे, देखते देखते डबल वेल से एक नॉक यहाँ पर निकालेगा, एक और बार आगे जाना चाहेंगे, क्या एक और प्लेयर को पकड़ पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर ट्राई करते हैं, बॉल लगा ली गई है, फिर से एक और बार रच करेंगे, पंच करने का ट्राई करते करते एक और नॉक यहाँ पर, तो यहाँ पर डिलीट काफी बढ़िया जो रूपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे माई, यहाँ पर भाई खत्म हो चुके भाई, डाउन हो चुके टीम डिलीट, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर खतरनाक गेम, टीम टोटल गेमिंग फुल ऑन जो है अच्छे से खेलने की कोशिश। भाई 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 ये बहुत ही गंदा सीन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था टीम डी के साथ, यहाँ पर हो चुका है, काफी खतरनाक तरीके से यहाँ पर डिलीट ने खेला है भाई, सैल्यूट है भाई, जो वुकोंग के बंदे ने यूज किया हर एक मूवमेंट पे बिल्कुल भी कंजूसगिरी नहीं, एक नॉक एक वुकोंग यूज और यहाँ पर पूरी टीम को जो है यहाँ पर साफ करने की हिम्मत डिलीट ने रखी है, काफी बढ़िया जो है प्लेयर यहाँ पर टीम टोटल गेमिंग में मुझे दिखाई दे रहा है एंड काफी बढ़िया इसने खेला, 5 ग्लू वॉल अब तक भाई बंदे के पास है, काफी सही और यहाँ पर टीम डी के लिए एक झटका रहेगा, पहले गेम में जो है बंदों ने बुया के एंड दूसरे गेम में लास्ट में एलिमिनेट यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर अब देखते हैं अब तक 4 गेम जरूर बचे टीम डी के पास, कैसे परफॉर्मेंस दे पाएगी ये देखने वाली बात होने वाली है। वैसे टीम टोटल गेमिंग काफी बढ़िया गेम खेली यहाँ पर और यार जिस समय अभी तक लाइक नहीं किया डू लाइक शेयर और संजीव भाई जैसे बोलते हैं डू लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भाई कर दो यार जल्दी से। वेलकम पर गाइस, देखा जाता है यहाँ पर टोटल गेमिंग फाइनली रिवेंज ले ली गई, लास्ट गेम में यहाँ पर भूया नहीं ले पाए थे, बट इस बार स्टार्टिंग में उनको एलिमिनेट किया गया, टीम डी को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा दिया गया। तो सेफली टीएसजी वर्सेस टोटल गेमिंग यहाँ पर रहने वाले, कौन सी टीम यहाँ से जीतेगी, लगातार गोलियां चलाई जा रही है, बट यहाँ पर पीछे से एक और टीम आ सकती है, वो
टीम हिंद यहाँ पर हो सकती है सेफली। आई थिंक टीएसजी को यहाँ पर ओपन में ही फाइट नहीं लेनी चाहिए, उनको पीछे हटना पड़ेगा। फिलहाल एक नॉक निकाला गया, एलवी लमित्रासु यहाँ पर आगे बढ़ रहे, टोटल गेमिंग थोड़ा पीछे रहेगी, बट दोनों को यहाँ पर नॉक करके रखा और रिवाइव मिलना इतना आसान नहीं रहने वाला, बट लेजेंड फिर भी आगे जाने का ट्राई करेंगे। आई थिंक गलती हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, बट यहाँ पर किल को कंफर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी यहाँ पर टीम जो है वो कमजोर पड़ पाएगी। बट कहने की एलविल पूरा ट्राई करेगी रिवाइव देने का, एंड रिवाइव देते ही वो यहाँ पर बैक स्टेप लेंगे, कोई भी गलती फिर से एक और बार नहीं करेंगे। दूसरा बात करी जाए तो यहाँ पर टीएसजी लगातार सर्वाइव करते हुए पीछे, रिवाइव मिलना इतना आसान नहीं है, फिर भी ट्राई करने के लिए सोहम को गोलियां लगातार चला दी गई, ट्रीटमेंट करते यहाँ पर हील किया जा रहा है। एक बहुत अच्छी टेक्निक यहाँ पर लगाई गई है, प्लेयर की एचपी बहुत ज्यादा लो थी, नॉक थे, उनको हील किया गया। टीम इलीट आई थिंक शायद से टीम लावा पनिश कर देगी, पूरी की पूरी टीम इलीट यहाँ पर एक और बार खत्म हो जाएगी भाई। मतलब ये समझा नहीं, 2 सेकंड में जो यहाँ पर टीम टीएसजी की फाइट चल रही थी एंड 2 सेकंड में जो टीम लावा ने वाइप कर दी, ये कैसी फाइट हुई थी वहां पर, देखने वाली बात होगी। टीम लावा यहाँ पर जो एक और फाइट में यहाँ पर एंगेज हो चुकी है, पूरी की पूरी जो टीम है यहाँ पर आ चुकी है भाई मजे लेने के लिए, एंड देखते यहाँ पर किस तरीके से खेलेगी। यहाँ पर बॉल जरूर तोड़ दिया, यहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रेनेड जरूर पड़ेगा, ऋतिक स्टार ने यहाँ पर ग्रेनेड फेंक दिया, 2 ग्रेनेड लगातार ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेगी टीम हिंद, एक देखने वाली बात होने वाली है। यहाँ पर टीम इनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक वाला गेम हो सकता है, टीम लावा पूरी की पूरी एक साथ आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, टीम इलीट को 2 सेकंड में तो वाइप करने की ताकत रखी है, फिर से यहाँ पर एक और बंदे को खत्म कर दिया, टीम लावा वाज ऑन फायर, सुनीता की टीम पूरी की पूरी भाई फायर में। क्या कहना चाहोगे संजीव भाई? बिल्कुल, टीम लावा लगातार मचाएगी, टीम इन लगातार आगे भी बढ़ेगी, यहाँ पर 3 प्लेयर्स उनके पास रहने वाले, लगातार आगे बढ़ते प्लेयर्स यहाँ पर नॉक निकाल पाएंगे क्या, खेल यहाँ पर कंफर्म हो पाएगी, किशन लगातार ट्राई करेंगे, वॉल यहाँ पर लगा ली गई बड़ी, ऊपर से जो प्लेयर्स है वो नहीं चाहेंगे, गोलियां यहाँ पर चलाते हुए हेड अपना कवर जो बरकरार रखना चाहेंगे, बट ऊपर जाना इतना आसान नहीं रहेगा, नीचे एक प्लेयर यहाँ पर रहने वाले, वॉल यहाँ पर लगा ली गई, पैक यहाँ पर कर लेगा, एक के बाद एक वॉल तोड़ी जाएगी यहाँ पर। क्या ये तीनों प्लेयर्स आगे बढ़ेंगे, किशन आई थिंक शायद यहाँ पर जंप करके बाहर जा चुके हैं, पीछे यहाँ पर हटने का इरादा होने वाला है। फिलहाल टीम नंबर 2 भी आगे बढ़ेगी, साथ ही साथ यहाँ पर टीम हिंद आई थिंक मुश्किलें किसी भी टीम के लिए आ सकती है। फिलहाल एलवी लमित्रासु भी आगे बढ़ते हुए कहने की नजर आएगी, यहाँ पर कितनी सारी टीम है, टीम लावा एक टीम ने बैकआउट ले लिया, एक एलवीएल टीम है थोड़ी सी दूर, यहाँ पर टीम टीएसजी है जिसकी फाइट चल रही है, उसके ही बगल में जो है टीम टोटल गेमिंग है। ओह माय गॉड गाइस, एक ही जगह पे कम से कम 5 से 6 टीम फाइट कर रही है, कितना सैंडविच और कितना मियोनीज यहाँ पर बन सकता है। स्ट्रीम पे गाइस बने रही है 9 गाइस, यहाँ पर 9 टीम अलाइव है, 29 बंदे है, उसमें से भाई मुझे ऐसा लग रहा है 15 से 20 बंदे तो यही पर है। जो टीम यहाँ पर नहीं है उसके भाई भूया के फुल चांसेस है, बट किल्स जरूर उनके नहीं हो गए। पर यहाँ पर देखते हैं टीम टीएसजी काफी बढ़िया सेफली एंड काफी दिमाग से खेल रहे हैं, यहाँ पर सुमन एयरड्रॉप जो है लेजेंड जरूर मंगा लेगा अपनी टीम के लिए, एंड देखते हैं क्या यहाँ पर ग्रेनेड लॉन्चर है, अगर ग्रेनेड लॉन्चर अगर आ गया तो कितना चेंजिंग पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ऋतिक जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो देख रहा है कि कौन कहाँ पर है, क्या किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, यहाँ पर हर प्लेयर ने जो है मंगा लिया, देख सकते हो कितना भारी तरीके से यहाँ पर ओजस्वी ऋतिक एंड लेजेंड सभी ने मंगा लिया है अपना सुमन एयरड्रॉप, लेट्स सी कैसा गेम होता है यहाँ पर। बिल्कुल बढ़िया जी, समय ड्रॉप मंगवा ली गई, अच्छी वेपन्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्या M79 आ पाएगा, क्या यहाँ पर ड्रैगन या फिर स्नाइपर मिल पाएगी, देखा जाएगा। फिलहाल थोड़ी देर में हर एक प्लेयर जो है वो अपना समय ड्रॉप मंगवाएगा, एंड सामने जो है वो एलवी लमित्रासु रहने वाले, टोटल गेमिंग यहाँ पर निगाहें जो है वो बनाकर बैठे रहेंगे। फिलहाल कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा, फौजी अजय यहाँ पर लीड करते हुए बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पर पूरे के पूरे टीम को सर्वाइव यहाँ पर करवाया जाएगा, बट प्रिंस लगातार जंप करके ढूंढने का ट्राई करे प्लेयर्स कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी टीम कहाँ पर बैठी हुई है, बट कहने की यार यहाँ पर ब्राजीला एक हॉट जोन बनने वाला, जहां पर एक के बाद एक टीम लगातार आगे बढ़े, टीएसजी एक तरह सर्वाइव करे, टोटल गेमिंग ऊपर रहेगी, एलवी लमित्रासु सामने रहने वाले, टीम लावा ब्लैक हाउस के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ पर मैप देखना चाहेंगे, कौन कौन सी टीम सर्कल के बाहर रहने वाले, कौन सी टीम को जो है वो धीरे धीरे करके अंदर आना पड़ेगा, किसके लिए डिसएडवांटेज यहाँ पर खड़े होने वाले, तो वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। फिलहाल टोटल गेमिंग लगातार ट्राई करेगी, बट यहाँ पर विलन गेमिंग शायद से उनका आगे बढ़ना इतना आसान नहीं रह पाएगा जब तक वो ब्रिज से ना जाए, बट कहने की हमारे टैनक्विन गेमिंग इजीली यहाँ पर ब्रिज क्रॉस करके आगे जा पाएंगे, बट यहाँ पर ब्रदरहुड की बात की जाए तो फील्ड से लगातार आगे बढ़ते हुए हैं, सेफली यहाँ पर ब्राजीलिया में एंट्री ले रही है, हर एक टीम यहाँ पर एक दूसरे के पास रहेगी, बट फाइट कोई भी नहीं लेना चाहता, उनको पता है कि यार हम किसी से फाइट लेंगे तो थर्ड पार्टी यहाँ पर पूरी की पूरी कर ली जाएगी। तो यार एलवीएल अभी यहाँ पर समरी ड्रॉप मंगवाएगी, जिसके पास भी M79 आएगा वो यहाँ पर तबाही मचाएगी एंड आगे भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें टीम टीएसजी यूनाइटेड की, तो इताची भाई जो अपने फुल सर्वाइव कर रहा है, एंड यहाँ पर इताची के लिए काफी प्लस पॉइंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 1 2 3 4 5 टीम जो एक ही साथ है, एंड वहां पर अगर भसड़ हो गई तो भाई ऐसी भसड़ होगी कि सीधे 10 से 12 बंदे जो कम हो जाएंगे, एंड वहां पर इताची को काफी प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेट्स सी यहाँ पर टीम टीएसजी यूनाइटेड कैसे यहाँ पर जो सर्वाइव कर पाएगी, एंड यहाँ पर अगर बात करें अब फाइट की तरफ अगर जाए तो भाई काफी मजा आएगा, तो यार जल्दी से फाइट की तरफ चलो और हमें जो गेम देखना है यहाँ पर
एलवीएल एक्स सोम जो है यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, क्या यहाँ पर बच पाएंगे? यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर सोम को बचा लिया। जी हाँ, यहाँ पर बचा लिया है टीम लावा, यहाँ पर प्लस पॉइंट में चल रही है भाई, फायर दिख रहा है भाई इनके ऊपर, फुल किल्स पे किल्स चले जा रहे हैं। एंड ये वाला गेम टीम लावा के लिए काफी बढ़िया माना जाएगा। टीम टीएसजी सर्वाइव कर रही है, यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देना चाहेगी आगे रश करने का, क्योंकि सभी टीम्स जितनी भी संजीव है यहाँ पर पांच की पांच टीम है, और सभी की सभी टीम्स को पता है कि यहाँ पर आजू बाजू में कम से कम चार या पांच टीमें, तो अगर यहाँ पर अगर ओपन में गए तो हमको ही पता है भाई क्या होगा, आप आगे एक को मारोगे पीछे से आपको कोई एक मार देगा। बिल्कुल अब यार कहीं से भी गोलियां चलाई जाएंगी, फिलहाल टीएसजी सेफली अपने कमांड्स को होल्ड करके रखना चाहिए। बट नीचे टीम हिंद्रने वाली सामने एलवीएल में द्रासू टीम लावा यहाँ पर है यार, ब्रदरहुड लगातार मचाएगी टोटल गेमिंग यार, ये सारी की सारी टीम्स यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आ चुकी है, बट यहाँ पर बाकी टीम्स को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो एलवीएल अमित्रासू के पास रहने वाले, यानी कि यार कहीं से भी टीम उनके ऊपर हमला कर सकती है सर्कल को कवर अप करने के लिए। बट कहने की टोटल गेमिंग आई थिंक डिलीट को यहाँ पर नॉक कर देगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर अपनी टीम के लिए, तो उनको जल्दी से जल्दी रिवाइव देना पड़ेगा, कहीं से पीछे से कोई टीम ना उनके ऊपर हमला कर दे। वॉल्स यहाँ पर लगा ली गई, प्रिंस कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहेंगे, फिर से पीछे हटेंगे, मेडिकेट से आएंगे आगे बढ़ेंगे, एंड प्रिंस लगातार डैमेज देने का ट्राई भी करेंगे। ड्रैगन उनके पास है, इधर अच्छा खासा डैमेज यहाँ पर आने वाला है, मोस्टली जो मैक्सिमम डैमेज यहाँ पर ड्रैगन का होता है वो गाइस 130 का डैमेज यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। वेस्ट नहीं रहेगी तो अच्छा खासा डैमेज देंगे, बट विलन यहाँ पर लगातार मचा रहे, एक के बाद एक स्नाइपर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं सामने, यहाँ पर हमारी 10 क्वीन गेमिंग होने वाले, एक प्ले को यहाँ पर नॉक करके रखा हुआ, एक के बाद एक शॉट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, क्या वो प्ले को नॉक कर पाएंगे, क्या किल कंफर्म कर पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर ट्राई पूरा पूरा करते हुए यहाँ पर विलेन लगातार मचाएंगे ब्रिज, आई थिंक शायद से ब्रिज से नहीं जा पाएंगे, बट पानी जरूर यहाँ पर पार कर ले जाएगा। यहाँ पर काफी ज्यादा जो प्लस पॉइंट हो चुका है, यहाँ पर लेट्स सी विजय विजय अपने कैसे खेलते हैं, विलन भाई अब कैसे खेलते हैं, यहाँ पर जरूर जाएंगे वो वाले साइड पे, यहाँ पर लेट्स सी क्या टर्न्स भाई बच पाएंगे, क्या लगता है संजीव भाई जल्दी से बताइए क्या टर्न्स यहाँ पर बच पाएगा या फिर नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बताइए। आई थिंक शायद से मुश्किल हो पाएगा, देखना पड़ेगा, अगर बच गए तो मेडिकेट से यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि यार मैक्सिमम कैरेक्टर है तो यार तब तक पॉसिबल रहेगा, आगे भी यहाँ पर बढ़ पाएंगे, तो फिलहाल यहाँ पर लगातार आगे बढ़ेंगे, बट उनके ऊपर गोलियां शायद से चलाई जा रही है, बट सेफली पहुंच जाएंगे सर्कल के अंदर, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। बट विलन 25 आई थिंक शायद से सामने टीम में दोनों ने क्या यहाँ पर अपने आपको बचा पाएंगे, गोलियां लगातार चलानी पड़ेगी, बट नेट यहाँ पर क्या थ्रो कर पाएंगे, पीछे से पूरा का पूरा कवर फायर यहाँ पर आने वाला, लगातार आगे बढ़ेंगे विलन गेमिंग, 3v3 फाइट यहाँ पर होने वाली, कौन किस पे भारी पड़ेगा वो यहाँ पर देखा जाएगा, समर ड्रॉप यहाँ पर मंगवा लीजिए, बट भोपाली यहाँ पर अपना पेड़ का कवर जरूर बरकरार रखना चाहेंगे, टीम लावा राइट साइड में रहेगी, विलेन 25 नॉक हो जाएंगे, रिवाइव मिलेगा कोई भी यहाँ पर नाम एंड मौका नहीं मिलेगा, फिलहाल टीम लगातार मचाएगी, यही फायदा होता है रिजिस के कवर में, देखना पड़ेगा हेड से अब किस प्रकार से लगातार नॉक कर पाएंगे, टूल्स बहुत ही ज्यादा लो एचपी में बचे हैं। बट गाइस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल यहाँ पर करते रहना, आपको पूरा पूरा सपोर्ट यहाँ पर बताना, एक साथ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना भाई। यहाँ पर गाइस गेम की अगर बात करें काफी ज्यादा मजा आ रही है, और भाई यहाँ पर आपने पहले जो है ऐसा कभी सीन देखा होगा, टीम टीएसजी से विहान भाई गलत मचाते हुए टूल्स जो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, टीम टीएसजी 3 किल विहान के अकेले के हो चुके हैं, टीम टीएसजी आगे जाएगी पर पीछे से यहाँ पर बंदे आ चुके हैं, यहाँ पर सैंडविच का बनेगा यहाँ पर गेट कीपिंग करके, क्या सामने वाली टीम टोटल गेमिंग को खत्म करेंगे, यहाँ पर टीम टोटल गेमिंग का बचना मुश्किल है, नामुमकिन आई थिंक हो चुका है, विहान खतरनाक स्नाइपिंग यहाँ पर टप्पा टप टप्पा टप आते हुए, संजीव भाई आई डोंट थिंक सो यहाँ पर टीम टोटल गेमिंग का बचना पॉसिबल होगा। बिल्कुल टीएसजी लगातार मचाएगी, यहाँ पर एक के बाद एक स्नाइपर शॉट्स कनेक्ट करते हैं, प्रिंस को यहाँ पर ढूंढ ले गए, क्या ले जाए नॉक निकाल पाएंगे, श्रीन का बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पर पड़ने वाला, बट क्या वो यहाँ पर किल कंफर्म कर पाएंगे, ट्राई यहाँ पर पूरा पूरा करना पड़ेगा, लेजेंड यहाँ पर लगातार पीछे हटते हैं, बट कहेंगे फौज दिया जाए, अभी यहाँ पर बहुत सारा डैमेज खाएंगे, आगे बढ़ना इतना आसान नहीं रहेगा, सिर्फ एक वेट यहाँ पर करेंगे क्या टीम एलिमिनेट हो जाए, उनकी पोजीशन और ज्यादा ऊपर आ पाए, प्रिंस को यहाँ पर नॉक कर देगा, बट एक किल यहाँ पर ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे वो देखा जाएगा, बट टोटल गेमिंग के लिए मुसीबतों भरा सफर यहाँ पर रहने वाला, प्रिंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे प्ले जोन से, और साथ ही साथ एक और प्लेयर फौजी अजय भी यहाँ पर किसी भी वक्त एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारा जो सर्कल है वो लगातार छोटा होता जाएगा, सिक्स पर हमारी टोटल गेमिंग यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी, 13 प्लेयर्स यहाँ पर अलाइव रहेंगे, 5 टीम्स यहाँ पर बचकर रहने वाले, टीम इनका सामना क्या यहाँ पर टीएसजी कर पाएगी वो देखना पड़ेगा, ऋतिक स्टार कहने के मिनी मैप पे हमको नजर आ जाएंगे, स्नाइपर टावर यहाँ पर होल्ड करके रखा है, ऋतिक लगातार आगे बढ़ेंगे, 4 किल्स ऑलरेडी यहाँ पर निकाल ली गई, अगर टीएसजी भूया निकालती तो शायद से टॉप 3 में आ जाएगी, तो काफी ज्यादा मजा आएगा अगर भाई अपनी टीम टीएसजी भूया निकाले, पर संजीव भाई अब तक मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि आगे बहुत सारी टीम्स गेट कीपिंग करने ऑलरेडी बैठी है, जैसे कि एलवीएल एंड टीम लावा, तो यहाँ पर टीम टीएसजी के लिए सेम सिचुएशन, लो भाई हो गया रिस्क वाला गेम, यहाँ पर भाई खतरनाक लॉन्चर्स यहाँ पर फेंकेंगे, लेजेंड का यहाँ पर बचना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं लच्ची लेजेंड यहाँ पर कैसे निकलेंगे, ओजस्वी को काफी बढ़िया तरीके से बचा लिया, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे तो भाई अच्छा रहेगा, यहाँ पर काफी बढ़िया टीम वर्क देखने मिलेगा, पर लेजेंड एंड ऋतिक दोनों ही डाउन हो जाएंगे, यहाँ पर टीम ओह माय गॉड वियान का ऑफिस स्नाइपिंग यहाँ पर देखने
किस तरीके से वियान ने यहाँ पर 5 किल अपनी टीम के लिए कंफर्म किया है। काफी खतरनाक गेम मुझे वियान की तरफ से आज देखने मिला है। पिछली बार ओजस्वियन, इस बार वियान, एक हेडशॉट एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पर। लेट्स सी क्या होगा। दो प्लेयर ओजस्वियन, वियान, क्या अपनी टीम टीएसजी के लिए कुछ कर पाएंगे, क्या यहाँ पर एक खतरनाक सिचुएशन ला पाएंगे, बिल्कुल देखना पड़ेगा। फिलहाल टीएसजी लगातार मचाते 7 किल ऑलरेडी यहाँ पर निकाल दिए, टीम इन फोर्स के ऊपर एलिमिनेट हो जाएगी। गाइस एक साथ है लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर करते रहना। क्या हम लोग 15,000 प्लस की वॉचिंग क्रॉस कर पाएंगे? वियान लगातार मचाएंगे, जस्ट इकलौते प्लेयर बचे रहेंगे, क्या बुगिया यहाँ पर निकाल पाएंगे? ट्राई पूरा पूरा करना पड़ेगा, आगे यहाँ पर जाना पड़ेगा। टीएसजी आर्मी लेकिन थर्ड पोजिशन के ऊपर एलिमिनेट हो जाएगी, टीम लावा लगातार मचाएगी, 9 किल्स अपने खाते में निकाल लीजिए। फिलहाल अब यहाँ पर मेले वेपन से ट्राई करेंगे, सेकंड पर विलियन गेमिंग जाएगी, ये बुया यहां पर कहने की 9 से 10 किल के साथ हमारी टीम लावा निकाल कर जाएगी। संदीप गेमर एमवीपी यहां पर होने वाले हैं। कहीं ना कहीं गाइस आप लोगों को हैशटैग लगा देने हैं, टीम लावा यहां पर लगातार मचा रही है, हर एक टीम लगातार आगे भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो भाई ये वाला गेम काफी खतरनाक रहा संजीव भाई, मतलब स्टार्टिंग से जो है ऐसा सिचुएशन हो गया था कि यार ब्राजीलिया में जो है मतलब 5 टीम चिपके हुए, 5 टीम बैठी है, 5 अलग अलग घर, 5 टीम्स, और ये गेम काफी ज्यादा खतरनाक रहा है। टीम लावा की बात करें, टीम इलिट को जिस तरीके से इन्होंने वाइप किया था, आई थिंक 5 या फिर 10 सेकंड में जो है हमें देखने मिला सबके सब किल्स आ गए थे, तो वहां पर जो कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई हो चुका था। उसके बाद एक और टीम के ऊपर रश किया, काफी बढ़िया जो है टीम लावा ने खेला, काफी मजा आई, वर्थ था भाई ये बुया उनके हाथों में जाना, क्योंकि जिस तरीके से खेला। एंड अगर जोन की बात करें, उन लोग जो है स्टार्टिंग से जो है वही घर पे जो बैठे हुए थे, जो निचला वाला घर होता है जोन, कहीं ना कहीं वहीं पर आया, थोड़ा सा आगे आया, तो एडवांटेज काफी ज्यादा हो गया था। टीम टीएसजी ऑलरेडी एक फाइट लेके आई थी, टीम टोटल गेमिंग के साथ फाइट लेके आई थी, फिर आगे आगे बढ़ी थी, पर काफी बढ़िया वियान का जो गेम काफी खतरनाक रहा है, काफी इंप्रेस हो चुका हूं भाई मैं उसके गेम से। पिछले बार ओजस्वी का गेम काफी खतरनाक था, और इस बार वियान का गेम किल अच्छे खासे टीम टीएसजी ने कंफर्म कर लिए, प्लेसमेंट प्लस किल्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, बट थर्ड पोजीशन के ऊपर टीएसजी एलिमिनेट हुई थी, वहां पर उनके पास 7 किल्स ऑलरेडी आ चुकी थी। फिलहाल यहाँ पर ऑलमोस्ट 8-7-15 पॉइंट यहाँ पर उनके पास आएंगे, तो देखा जाएगा यहाँ पर हमारी टीम लावा एक बहुत अच्छा कमबैक रहेगा, टीएसजी एक बहुत अच्छा कमबैक रहेगा, विलन 25 विलन गेमिंग भी यहाँ पर बहुत अच्छे खासे प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाएगी, किल पॉइंट यहाँ पर लेकर जाएगी, क्योंकि गैलेक्सी रेसर को उतरते ही उन्होंने एलिमिनेट किया था, तो अच्छे खासे पोजीशन यहाँ पर रहने वाले, बट बाकी टीम को आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पर टोटल गेमिंग कितने पॉइंट्स लेकर गई है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, 5th और 6th पोजीशन के ऊपर एलिमिनेट होते हुए हमको नजर आए। तो कहीं ना कहीं हर एक टीम के लिए मुश्किलें भी बढ़ रही है, क्योंकि टीम इलीट आई थिंक यार दोनों मैचेस उनके लिए खराब हो चुके, उनको यहाँ पर एक बहुत तगड़ा कमबैक करना पड़ेगा, यानी कि यार 10-12 किल के साथ एक बुया यहाँ पर जो उनके फैंस हैं वो उनसे उम्मीदें करेंगे क्या निकाल कर जाएं आगे बढ़े। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो हैशटैग भी लगाया जा रहा है, टीएसजी यहाँ पर लगाया जा रहा है, विहान ओपी यहाँ पर हैशटैग विहान के लिए लगाया जा रहा है, विहान यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली गेम प्ले दिखाएंगे अपने टीम के लिए। बट हमारा अगला जो मैप यहाँ पर रहने वाला है जश, वो कालहारी मैप है, तो यार आप कहाँ पर उतरना पसंद करते हो वो बताओ। तो भाई कलहारी तो यार काफी ज्यादा डेंजर है, तो यार एज अ प्लेयर भाई मैं तो भाई उतरता हूँ भाई मेज पे, और मेज जो मुझे काफी अच्छी जगह लगती है, वैसे साइड में जगह एंड अच्छी खासी लूट हो जाती है वहां पर, और यार इजीली जो रोटेशन भी कर सकते हैं वहां से, तो काफी सही रहता है। और वैसे अगर टीम के ऊपर डिपेंड करता है संजीव भाई कि आपकी टीम कैसी है, अगर आपकी टीम में फुल असॉल्टर्स भरे भाई जो कि यार मतलब आपके सामने बंदे उतरे और भाई आप पेल दोगे, तो भाई बीच में भी उतर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कमांड पोस्ट काफी बढ़िया जगह है, पर वहां पर वही है कि यार फाइट काफी ज्यादा एंगेज हो जाती है, रिस्क वाला सिचुएशन हो जाता है, 4 प्लेयर्स है तो वहां पर ऐसा सिचुएशन होता है कि यार एक प्लेयर जो वहां पर मर ही जाता है, तो उसके लिए मैं अवॉइड करता हूं भाई वहां पर उतरने का। पर भाई कलहारी काफी खतरनाक वाला मैप है एंड काफी ज्यादा मजा आने वाले, इस बार कौन सी टीम मचाएगी कलहारी में ये देखने वाली बात होगी। और जो हमारे व्यूअर्स है भाई वो लोग फुल एंड फुल जो स्ट्रीम को शेयर कर रही है, काफी खतरनाक लोग यहाँ पर हमें देख रहे, तो भाई आप लोग गाइस लाइक जरूर करना, आई होप गाइस आपको जो है मेरी और संजीव भाई की कमेंट यहाँ पर एकदम खतरनाक तरीके से समझ रही है और मजा आ रही होगी, तो भाई स्ट्रीम को फुल ऑन शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक्स में बहुत कंजूसी कर रहे हो, लाइक करो। तीसरा गेम अब तक संजीव भाई और 3 गेम बाकी है भाई, और क्या धमाके यहाँ पर हमें देखने मिलने वाले हैं। बिल्कुल, अगर कुछ भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्या यहाँ पर होने वाला, टीम इलीट क्या यहाँ पर कमबैक कर पाएगी, अगर पहाड़ी को स्नाइपर मिल पाएगी, सिर्फ एक मौका उनको यहाँ पर चाहिए यार सामने को टीम उनको दिख जाए ओपन में, वो ऐसा शिकार करेंगे यार शायद से बच भी नहीं पाएगी कोई भी टीम। फिलहाल देखना पड़ेगा आगे अगले मैप में टोटल गेमिंग कहां पर उतरेगी, आई थिंक एलविले मित्रासु थोड़ा सा दमेज की तरफ जाना चाहेगी, बट यहां पर गैलेक्सी रेसर कहां पर जाएगी वो भी हम लोग देखना चाहेंगे, बट टीम लीड काउंसिल हॉल के ऊपर उतरेगी, स्टोन रिज की तरफ कौन सी टीम जाने वाली, अच्छे खासे एरिया यहाँ पर रहेंगे, कॉर्नर्स में उतर कर लूट कर सकते हैं, बट जो इस तरफ के एरिया कमांड पोस्ट के पास के लाइक स्टोन रिज हो गया यहाँ पर हमारा 10 सब हो गया जहां पर टीएसजी उतरती है, ये एरिया से रोटेशन लेना थोड़ा आसान रहता है, ना कि जो हमारे नॉर्दर्न साइड के एरिया रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ओपन रहता है, वहां पर टीम्स इजीली आगे नहीं बढ़ पाती है।
तो वो तो है। और भाई कलारी एक ऐसा मैप है जहां पर अगर आपके पास 15 ग्लूवॉल भी है तो भी भाई कम है, क्योंकि कलारी जो है काफी बड़ा है भाई, काफी स्पेस मतलब लेता है, और भाई वहां पर चीजें थोड़ी कम है कवर लेने के लिए। और अगर आप पहाड़ी के सामने स्नाइपिंग है पहाड़ी के सामने, और अगर आपकी पूरी स्क्वाड वहां पर आ गई तो भाई आपका बचना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। तो मुझे जो ये भाई गेम है जो कलारी, इसमें दो टीम से जो एक्सपेक्टेशन पूरी रहेगी, एक तो है टीम इलीट और दूसरी है GXR। तो भाई ये टीम, ये दोनों टीम भाई प्लीज भाई अगर आप देख रहे हो तो भाई मचा दो ये गेम। मुझे देखना है कि आप जो बुया करो या फिर टॉप थ्री में तो आ ही जाओ एक अच्छे खासे तबाही के साथ। लेट्स सी GXR की आई थिंक फिर से एक बार ऑन ग्राउंड फाइट होने वाली है। टीम TSG की यहाँ पर फाइट आई थिंक यहाँ पर हो चुकी है, यहाँ पर लेट्स सी मदारा को गन मिल चुकी है, गन इतनी खास नहीं है, और लेट्स सी मदारा की स्किल्स यहाँ पर कितनी काम आएगी। हिताची को खट्टा मिल चुका है, सास्की यहाँ पर जरूर डाउन हो जाएगा, एंड यहाँ पर काफी बढ़िया हिताची का गेम रहा। बिल्कुल यहाँ पर बहुत अच्छा गेम रेडी है जी, जारी साहब नॉक जाएंगे कहीं के टीएचजी के लिए मुसीबत यहाँ पर बढ़ती, दो प्लेस यहाँ पर बचे रहेंगे क्या यहाँ पर पॉसिबल कर पाएंगे चीना बिठा चीख लौते पर बचे रहेंगे क्या वो यहाँ से निकलने में सक्षम रहेंगे। बट विलन गेमिंग यहाँ पर एक के बाद एक टीम्स को वाइप आउट करेगी। फिलहाल यहाँ पर एक लौते प्लेयर जो यहाँ पर बचे टाची को निकलना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि यार हर एक गेम में आपको अच्छे पॉइंट्स निकालने ही पड़ेंगे। टाची जितना जल्दी हो सके उनको यहाँ से निकलना चाहिए, साथ ही साथ आप सर्वाइव कर पाएंगे। विलन गेमिंग लगातार आगे बढ़ते हैं, टून्स को यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया गया, तीन प्लेयर्स एंड तीन किल्स यहाँ पर अपने नाम कर लिए गए हैं। टूल्स को यहाँ पर जो क्लियर कर दिया है, विलन की जो यहाँ पर बैंड बज गई है, क्योंकि टूल्स जो है काफी बढ़िया खेलते हैं, काफी ज्यादा मजा आता है। उसके अलावा यहाँ पर विलन और अब तक काफी प्लेयर्स बचे हैं। GXR की बात करें, ओ माय गॉड यहाँ पर फिर से एक रिस्क वाला गेम GXR के सामने दिख रहा है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा यहाँ पर खत्म हो चुका है। शायद टीम में थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए या फिर कुछ तो करना चाहिए, मुझे यार GXR को जो है टॉप पे देखना है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या करते हैं, चार बंदे यहाँ पर नीचे घूम रहे आराम से, एंड देखते हैं अब क्या करेंगे। मैरियक्स यहाँ पर फेमस है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर M1014 है भाई हाथ में, तो लेट्स सी यहाँ पर कैसा गेम करेंगे। वासी यहाँ पर लॉन्ग से क्या अच्छा खासा कवर दे पाएंगे, यहाँ पर घर के अंदर रश हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी यहाँ पर क्या गेम होगा, टीम जो है दोनों साथ में रहेगी तो भाई यहाँ पर मजा ना ले। 12 की 12 टीम अब तक जिंदा है। सेकंड इलाइट पास यहाँ पर पहन के एकदम VRC बैठे हुए एंड वेट कर रहे हैं कि कब टीम ऊपर रश करे एंड कब हम इनकी वाट लगाए। बिल्कुल यहाँ पर कौन किसकी वार्ड लगाएगा वो यहाँ पर देखा जाएगा। गैलेक्सी रिसर इस बार कमांड पोस्ट के ऊपर उतरे, तो फिलहाल यहाँ पर तीन प्लेयर्स अलाइव रहेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्लेयर को खो दिया गया, मैरियक्स VRC वासी यहाँ पर किस प्रकार से फाइट लेंगे, नीचे ब्रदरहुड की टीम होने वाले, क्या वो यहाँ पर फाइट ले पाएंगे, क्या यहाँ पर उनका सामना कितना आसान रहने वाला। बट कहने की वासियो थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर बरकरार रखा गया, क्या वो यहाँ से दूसरे कवर फायर दे पाएंगे, क्या ये दोनों प्लेयर्स अच्छी फाइट यहाँ पर पिक कर पाएंगे। बट वासियो को एक अच्छा खासा स्टेप देना पड़ेगा, एक अच्छी खासी फाइट यहाँ पर निकाल कर कवर फायर पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा। फिलहाल मैरियक्स लगातार एक बॉक्स का कवर लेना चाहेंगे, क्लियर यहाँ पर एंटी ले चुके, क्या वो यहाँ पर नॉक कर पाएंगे, यहाँ पर शायद से स्मोक ग्रेनेड आया, क्या यहाँ पर आया फ्लैश यहाँ पर थ्रो किया गया, एक के बाद एक मैरियक्स से निकलने का ट्राई करेंगे, यहाँ पर उनको भी पनिशमेंट दे दी जाएगी। एंड वासियो एक लौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे, उनको यहाँ से भागना पड़ेगा एंड यहाँ से सर्वाइव करने के लिए निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर गैलेक्सी रेसर के लिए मुसीबतें एक और बार खड़ी कर दी गई, तो फिलहाल यहाँ पर निकलना पड़ेगा, नहीं तो पहली टीम हो सकती है गैलेक्सी रेसर जो यहां से एलिमिनेट होकर जा सकती है। पिछले गेम के अंदर भी 12 पोजीशन के ऊपर एलिमिनेट किया था, फिर से यहाँ पर एजान लगातार आगे बढ़ना चाहिए, क्या वो यहाँ पर स्पॉट कर पाएंगे या फिर वासियो यहाँ से निकलकर एक अच्छा सर्वाइव कहीं ना कहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर तीन किल्स निकाल ली गए। ब्रदरहुड स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि ये टीम बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाती है, रश गेम प्ले इनकी तरफ से हमेशा नजर आता है। जी तर काफी बढ़िया खेल रहे ब्रदरहुड, पीछे फर्स्ट गेम में भी जो काफी बढ़िया मुझे जो इनकी तरफ से गेम देखने मिला था तो काफी मजा आ रही है भाई। ब्रदरहुड जो है नई टीम जो है इनका गेम मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि चारों के चारों काफी बढ़िया खेलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो या फिर एक बंदा अच्छा खेल रहा है, पूरी की पूरी टीम काफी बढ़िया टीम वर्क से खेल रही है। टीम TSG यहाँ पर लूट करके जरूर आएगी, इतनी खास लूट तो नहीं पर लूट काफी बढ़िया, यहाँ पर ग्लूवॉल और मेडिकेट थोड़ी सी कम जरूर देखने मिलेगी, जिस हिसाब से मैप है उस हिसाब से लूट थोड़ी ओपी रहेगी, फिर आई थिंक एंगेज करेगी तो ज्यादा मजा आएगा। लेजेंड की लूट काफी बढ़िया है। एंड अगर बात करें GXR की, आई थिंक यहाँ पर संजीव भाई कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया रहेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गेम दोनों ही जगह काफी डेंजर रहे, इसलिए कहीं ना कहीं टीम GXR को यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है मतलब आई थिंक मोटिवेशन की जरूरत है। क्या लगता है अगर संजीव भाई आप पोजीशन में हो, अगर आपके पास 6 मैच है और उसमें से अगर दो आप पहले ही मर जाओ तो वहां पर क्या आपके अंदर मोटिवेशन रहता है या फिर क्या आपको क्या कैसी फीलिंग रहती है आपके अंदर? बिल्कुल आपका जवाब दूंगा, बट उससे पहले टोटल रैंकिंग पर एक नजर हम लोग बना लेते हैं। टीम लावर 26 पॉइंट के साथ फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाले, सेकंड पर हमारी टीम डी होगी 25 पॉइंट्स उनके पास रहेंगे, थर्ड पर टोटल गेमिंग 24 पॉइंट्स इनके पास भी रहने वाले। यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही कम रहने वाला है, तो देखा जाएगा यहाँ पर टीम्स कैसे लगातार आगे बढ़ेंगे। बाकी टीम्स लगातार लाइन्स में
लगती हुई हमको नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर जश आपका जो सवाल था वो यहाँ पर यही था कि यार अगर शुरुआत के दो मैचेस अगर खराब भी हो जा रहे थे और बाकी मैचेस में कैसा जी परफॉर्म करना है या फिर तीन भी खराब हो जा रहे हैं, तो मैं वहां पर सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि यार आप फर्स्ट पोजीशन के लिए छोड़ दो यार। फर्स्ट पोजीशन आप किसी भी हालत में वहां पर नहीं ले पाओगे, क्योंकि यार बहुत मुश्किल रहता है अगर आप एक 15 से 20 वाला किल वाला कोई गेम प्ले निकाल लेते हो बुआ के साथ, तो ही शायद पॉसिबल हो पाए। वरना अगर आपके पास सिर्फ 3 और 4 मैचेस बचे हुए, तो वहां पर सेफली आप लोग पर गेम ऑलमोस्ट शायद 10 से 15 पॉइंट निकालो। कहीं ना कि यार टॉप 1 तो नहीं कर पाओगे, बट यार थर्ड या फोर्थ पोजीशन जरूर अपने टीम के लिए निकाल कर जा पाओगे, अच्छा खासा प्राइस पूल आप लोग जीत पाओगे। जी तो भाई वहां पर यार वही बात है कि यार GXR थोड़ा सा अगर शांत रहे और कुछ कर दिखा, क्योंकि टीम में पावर बहुत ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी है, पर थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होगी। कोई ना, GXR विल बी बैक। आई थिंक यहाँ पर टीम इलीट है, टीम इलीट का अब यहाँ पर मुझे करारा जवाब देखना है। लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है टीम इलीट से, लेट्स सी। यहाँ पर पहाड़ी और काफी बढ़िया टीम मुझे देखने मिलेगी। इताची यहाँ पर फुल ऑन डिस्मो, और भाई ये क्या नसीब है भाई, इताची यहाँ पर अकेला प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, ऊपर इसके आ चुका है यूएवी, तो भाई यहाँ पर बैठ जाएगा, सो जाएगा। नसीब यहाँ पर काफी बढ़िया है, मतलब नसीब अच्छे भी और खराब भी है। यूएवी यहाँ पर आ चुका है, पर यूएवी में कोई था नहीं, तो वो एक अच्छी तरीके से नसीबदार टीम हिंद यहाँ पर यूएवी के जस्ट बाजू में थे, तो बच गया। चलो यहाँ पर अब टीम हिंद का काफी बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस संजीव भाई हर गेम में देखने मिला, तो ये भी टीम जो है काफी चर्चे में और भाई काफी खतरनाक तरीके से आजकल मुझे देखने मिल रहा है। मतलब पिछले बार भी जब मैं कास्टिंग कर रहा था, काफी बढ़िया इनके तरफ से जो रिस्पांस देखने मिलता है, तो टीम हिंद शायद कुछ कर सकती है इन फ्यूचर, काफी ज्यादा आगे जो है बढ़ सकते हैं। GXR वासियो यहाँ पर ग्रेनेड से खत्म हो जाएंगे, एंड फिर से एक बार 12th पोजिशन पे GXR खत्म हो जाएगी। इट्स ओके भाई, अगर वासी भाई आप देख रहे हो, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा चिल मारो, थोड़ा सा शांत रहो, हो जाएगा भाई, बस एक गेम बेटर, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंज लाओ, एंड भाई एकदम खतरनाक तरीके से बैक आ जाएगी टीम TSG। यहाँ पर संजीव भाई फाइट होने वाली है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बेटी, ऐसी लगातार आगे बढ़ेगी सामने, यहाँ पर हमारी 10 गुन गेम होने वाली है, जो जस्सी लगातार गोलियां यहाँ पर चलाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर वॉल तोड़ने का पूरा ट्राई करते, क्या यहाँ पर प्लेयर को पकड़ पाई, आई थिंक शायद से हार्ड कवर ले लेगा। जस्सी लगातार आगे बढ़ते, कहने की नेट्स की बारिश यहाँ पर की जा रही, क्या ऋतिक यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, रिवाइव मिलना आसान रहेगा, बट कहने के एक प्लेयर को नॉक एंड फिनिश कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखते देखते ऋतिक ओजस्वी यहाँ पर आगे बढ़ना चाहेंगे, क्या उस प्लेयर को पकड़ पाएंगे? ऑग वेपन उनके हाथों में रह गया, MP5 यहाँ पर रहने वाले, अच्छी खासे शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज वेपन यहाँ पर रहने वाले। बिहार एक और पेपर यहाँ पर नॉक करेंगे, जी हाँ यहाँ पर बचाएंगे, एक के बाद एक किल यहाँ पर निकालते हुए दो प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे। 10 गुन गेमिंग क्या यहाँ से भाग पाएगी? जी नहीं, यहाँ पर एक और प्लेयर के लिए मुसीबत एक खड़ी कर दी गई है। यहाँ पर बिहार एंड ओजन लेजेंड कहते हैं भाई, तीनों ही अपने सॉल्टर प्लेयर यहाँ पर जो रश करना चालू हो चुके हैं। ऋतिक को यहाँ पर जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी था फॉर द स्ट्रेटेजी पर्पस, एंड यहाँ पर टिस्टा को क्या बचा पाएंगे? जी वहां पर जो भाग चुके हैं, यहाँ पर तीनों ही प्लेयर काफी खतरनाक तरीके से, और भाई ये तीनों का जो भाई संगम जो बोलते हैं भाई यहाँ पर हो चुका है, काफी खतरनाक खेलते हैं तीनों भाई, जब एक साथ गोलियां चलाते भाई गूज़बम्स आ जाती है, जिस तरीके से भाई ये लोग मारते काफी मजा आते हैं। लेजेंड का गेम प्ले भाई बोलने की जरूरत नहीं है, लेजेंड ओपी बोलते हैं। पर यहाँ पर गॉड अल्टिस्टा यहाँ पर क्या बच पाएगा संजीव भाई? यहाँ पर वैसे इजी बहुत ज्यादा है यहाँ से निकलना, क्योंकि अब तक सिर्फ शुरुआत है, यहाँ पर 3 मेडिकेट जरूर होगी, तो इजीली भाग सकते हैं, अपनी टीम का जो रैंक यहाँ पर बचा सकते हैं। देखते किस तरीके से बचाएंगे, जैसे अपने टीम TSG यूनाइटेड से हिताची भाई अपनी रैंक बचा रहे, वैसे टिस्टा भाई भी आई थिंक बचा देंगे। बिल्कुल, बस सोलो सर्वाइवर्स हमको यहाँ पर नजर आ रहे, फिलहाल आगे बढ़ना पड़ेगा, रोटेशन यहाँ पर लेने पड़ेंगे। फिलहाल इटाची के लिए कितना आसान रहेगा वो यहाँ पर देखा जाएगा, ऊपर ब्रदरहुड लगातार सर्वाइव करेगी, बट कहीं ना कहीं चारों प्लेयर्स उनके पास अलाइव रहने वाले, 3 किल्स ऑलरेडी यहाँ पर निकाल कर बैठे रहेंगे। क्या यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पर सोलो सर्वाइवर्स को ढूंढ पाएंगे, यहाँ पर सर्कल में जाना क्या इतना आसान रहेगा? बट कहीं ना कहीं हमारा सर्कल जो है वो किसके फेवर में जाएगा वो भी हम लोग थोड़ी ही देर में देखेंगे। बट फिलहाल अगर बात करना चाहे तो यार कौन कौन सी टीम जो है वो लगातार आगे बढ़ेंगे, आई थिंक शायद यहाँ पर संगा की बात करें तो अच्छे खासे वेपन्स उनके पास आएंगे, लूट अभी भी यहाँ पर करते हुए, क्या कोई टीम कमांड पोस्ट आएगी आगे या फिर नहीं आने वाले? बट टीम इन लगातार आगे बढ़ते हुए बे फ्रंट के अंदर एंट्री ले लेंगे, सर्कल इनके पास होने वाला, बट सामने यहाँ पर हमारी टीम डी ऑलरेडी सेट होकर बैठी है। टीम डी के लिए ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि यार सेकंड गेम इनके लिए खराब जरूर हुआ था, बट फिर भी यहाँ पर ट्राई करेंगे, भूया यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ट्राई करना पड़ेगा। किशन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका, टीम हिंद सर्वाइव करेगी यहाँ पर, ट्राई करेगी समन ड्रॉप मंगवाने का, एंड अच्छे वेपन्स यहाँ पर जरूर निकाले जाएंगे। टोटल 35 प्लेयर्स यहाँ पर अलाइव रहने वाले, जी हाँ, एंड ऑलमोस्ट यार आधा गेम प्ले हमारा निकल चुका, थर्ड मैप गाइस हमारे यहाँ पर चल रहा है, एंड लड़ाई चल रही है यहाँ पर, TSG ग्रैंड फाइनल यहाँ पर चल रहा है, कौन सी टीम जो है वो निकल कर आएगी, कौन सी टीम आज यहाँ पर चैंपियंस बनेंगे?
तो भाई यहाँ पर चैंपियंस की भाई बात कर दिया तुमने, और यार चैंपियंस कौन होने वाले ये भाई तो यार देखने तो सच में बात होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 11 टीम्स अब तक जिंदा है संजीव भाई, 11 टीम्स 35 अलाइव है, मतलब सोच लो 35 अलाइव में 11 टीम्स जिंदा है, मतलब कितना सोलो सर्वाइविंग यहाँ पर चल रहा है। जैसे एक टीम टीएसजी यूनाइटेड यहाँ पर फुल रिस्क में, हिताची आई थिंक यहाँ पर नहीं बच पाएंगे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला सीन है यहाँ पर, आई डोंट थिंक सो हिताची ज्यादा देर तक बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब पूरी की पूरी टीम रश कर देगी हिताची पे, एंड यहाँ से निकलना मुश्किल है, नामुमकिन होगा। लेट्स सी क्या हिताची यहाँ पर एक भी किल कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बचना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनेड की जो बचा यार भाई भाई, ओहो ये क्या था भाई यहाँ पर भाई, मतलब खुद आया भाई मरने, ऐसा वाला सीन मुझे देखने मिला। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे हिताची, काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी से यहाँ पर खेल रहे हैं, पर यहाँ पर ज्यादा देर तक आई थिंक नहीं बच पाएंगे, पर कुछ भी नहीं बोल सकते, हेडशॉट्स की बात होती है किस तरीके से खेलेंगे, एक बंदे को डाउन करके नीचे कूद के अगर फिर से ऊपर आए तो शायद कुछ हो सकता है। ओके यहाँ पर ग्रैपलिन हुकेल भाई भाई कुछ भी हो सकता है, हिताची सोलो प्लेयर, लेट्स सी कैसे सर्वाइव करेगा अपनी टीम के लिए। बिल्कुल यहाँ पर देखना पड़ेगा, फिलहाल टीम भी लगातार आगे तो बढ़ रही है, एक प्ले के लिए मुसीबत यहाँ पर खड़ी कर दी गई, यूनाइटेड यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी 11th पोजीशन के ऊपर, कहने की झटका लगा देगा, बट एक प्ले को लेकर गए आई थिंक शायद से मुश्किल उनके बढ़ने वाले, एक के बाद एक नॉक यहाँ पर निकलेंगे, माफिया लगातार स्नाइपर्स यहाँ पर चलना चाहिए क्या, यहाँ पर रिवाइव मिलना आसान रहेगा, चीन यहाँ पर डिलीट लगातार आगे बढ़ेगा, यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देने वाला, डिलीट है लगातार आगे बढ़ते हैं, वुकोंग यहाँ पर यूज करेंगे, टीम डी के लिए मुसीबतें बढ़ा दी गई, टोटल गेमिंग वर्सेस एक और बार टीम डी होने वाले, कौन यहाँ से जीतेगा, प्रिंस ओपी भाई, प्रिंस ओपी काफी बढ़िया जगह पे था भाई, प्रिंस फुल एडवांटेज पूरा का पूरा जो मैप इसे दिख रहा था, ग्रैपलिन हुक का सबसे बढ़िया फायदा अगर किया जाए तो भाई प्रिंस ने किया है, एंड यहाँ पर टीम इलीट हमें देखने मिलती है, टीम इलीट ऑलरेडी एक किल हो चुका है, फाइट में एंगेज है, विलन गेमिंग यहाँ पर सामने, पहाड़ी क्या करेंगे, पहाड़ी को मिल चुकी है स्नाइपर, किलर यहाँ पर डाउन हो जाएगा, किलर यहाँ पर नहीं डाउन होना चाहिए, तो यहाँ पर रश कर देंगे, एंड काफी बढ़िया हेडशॉट, एंड एक वापसी टीम इलीट की तरफ से, 3 किल जरूर करेंगे यहाँ पर अपनी टीम के लिए। बिल्कुल अब किलर को खो दिया है, बट कहने की टीम मिली 3 किल के साथ लगातार आगे बढ़ेगा, यहाँ पर देखा जाए तो फिलहाल टोटल गेमिंग भी लगातार मचा रही है, एक के बाद एक किल्स यहाँ पर कंफर्म करते हुए टीम डी को एलिमिनेट किया गया, देखना पड़ेगा टीम लीड वर्सेस टोटल गेमिंग जब यहाँ पर फाइट होगी यार कौन सी टीम यहाँ से जीतेगी आगे बढ़ेगी, फिलहाल बात कर लिया तो टोटल 8 टीम्स यहाँ पर बची हुई है, 26 प्लेयर्स अलाइव यहाँ पर रहने वाले, आरडीपी लगातार आगे बढ़ेंगे, टीएसजी 3 किल के साथ लगातार आगे बढ़ते हैं, सामने यहाँ पर एलवीएल अमित्रा सुन के रहने वाले, नोनू यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर हमेशा बैठते था कि पूरा का पूरा कवर फायर यहाँ पर दे पाए, बट टीएसजी क्या आगे बढ़ पाएगी, क्या एक अच्छा रोटेशन वो यहाँ से लेकर सर्कल में पहुंच पाएगी, आई थिंक शायद से बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा ये सफर उनके लिए रहने वाला, प्रिंस को यहाँ पर नॉक कर देगा, प्रिंस को रिवाइव जल्दी जल्दी देना पड़ेगा, सामने यहाँ पर रिकॉर्ड टीम रहने वाली क्या यहाँ पर जीत पाएंगे, आई थिंक शायद से डिलीट है तो तब तक यहाँ पर मुमकिन रहेगा, टीम यहाँ पर एलिमिनेट जाएगी, देखते देखते डिलीट या लगातार मचाएंगे, 9 केस यहाँ पर निकाल ली गई है भाई, मतलब टीम टोटल गेमिंग ने इस बार भाई मचा लिया, जो भी भाई बंदे हैशटैग लगाते लो भाई हो गया, यहाँ पर डिलीट एंड प्रिंस ने गलत ही मचा दिया, 9 किल यहाँ पर कर दिया है, गेम काफी बढ़िया है, अब यहाँ पर बुआ हो ना हो पर भाई ये लोग ने मचा दिया, यहाँ पर आई थिंक एक पॉजिटिव पोजीशन में आ चुके हैं तो शायद ये लोग मचा देंगे, ओजस्वी यहाँ पर गलत सिचुएशन में डाउन हो जाएंगे, क्या यहाँ पर ओजस्वी बच पाएंगे, वियान भी यहाँ पर जो काफी ज्यादा लो फील कर रहे हैं, एंड यहाँ पर ओजस्वी को जरूर बचा लेंगे, काफी बढ़िया ना, और यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे मर चुके हैं, थोड़ी सी गलत ब्लू वाले यहाँ पर गवा बैठेंगे प्लेयर को, लेजेंड अब बच्चा है एंड वियान बच्चा है, गेम काफी मुश्किल, टीम टीएसजी का यहाँ से बचना मुश्किल है, नामुमकिन जैसा हो चुका है, क्योंकि एलवीएल वहां पर बैठी हुई है, एलवीएल आई डोंट थिंक सो यहाँ पर जाने देगी, तो भाई टीम टीएसजी एक और गेम खतरे में, बिल्कुल लगातार टीएसजी जो है वो आगे बढ़े, सर्वाइव यहाँ पर करना पड़ेगा, दोनों ही प्लेयर्स को आगे भी बढ़ना पड़ेगा, बट गाइस आप लोगों को भी लगातार आगे बढ़ते रहना है यार, एक साथ आप लोगों को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना, जिससे हर एक टूर्नामेंट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, तो जल्दी से आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को यहां पर बुलाकर लाइए, आपकी फेवरेट टीम यहां पर रहने वाली, टीएसजी लगातार मचाएगी, एलवीएल यहां पर मचाएगी, तर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिलहाल बात करें तो एक के बाद एक शॉट यहां पर कनेक्ट करते हुए, विहान क्या सर्कल में पहुंच पाएंगे, ऑलरेडी यहां पर एलवीएल मित्रासु बैठी हुई, क्या टीएसजी का बचना इतना पॉसिबल रहेगा, 6 टीम्स यहां पर अलाइव रहने वाली, 17 प्लेयर्स यहां पर कहने के बचे रहेंगे, लगातार गोलियां जहां पर चलाते हुए विहान क्या यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे, इतना आसान रहेगा, यहाँ पर बॉस अगर पूरा का पूरा ट्राई यहाँ पर करना चाहेंगे, ऊपर एक प्लेयर जो अपने लिए जगह बनाकर रखना चाहते हैं, शील यहाँ पर लगाई गई, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, वॉल्स पे वॉल यहाँ पर लगाते हुए, बट कहीं ना कहीं एक लॉन्चर यहाँ पर आएगा, ताहिर एक तबाही यहाँ पर मचा देंगे, और देखते देखते टीएसजी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी, फिलहाल देखना पड़ेगा 5 टीम्स यहाँ पर बची हुई, कौन सी टीम यहाँ से बुआ निकाल के जाने वाले, एलवीएल के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा बढ़ने वाले, टीम लावा एलिमिनेट हो जाएगी, और देखा जाए तो टीम लीड भी इस बार संघर्ष कर रही है,
टीम इलिट भी यहाँ पर अब तक से जिंदा है। लास्ट किकर फाइट रेटेड टीम इलिट काफी बढ़िया खेलती है, पर एलवीएल यहाँ पर लॉन्चर पे लॉन्चर फेंकते हुए लेट्स सी यहाँ पर क्या करेंगे। और टीम आइकॉनिक भाई मतलब टीम इलिट ने जो एक और डाउन कर दिया यहाँ पर, जो छोटे वाले सस्ते वाले लॉन्चर जरूर यूज करेगा आरटीपी। एंड ओ माय गॉड यहाँ पर क्या ही खतरनाक सिचुएशन, लॉन्चर काफी सही यूज कर रहे हैं, सामने से आइकॉनिक भी यहाँ पर डाउन हो चुका है। पहाड़ी अकेला बचा, पहाड़ी यहाँ पर आई डोंट थिंक सो ज्यादा कुछ कर पाएगा पहाड़ी। लेट्स सी यहाँ पर क्या करेगा, ऐसा लग रहा है भाई क्लैश कॉड खेल रही है तो। एंड यहाँ पर पहाड़ी ज्यादा देर का मेहमान आई थिंक नहीं बचेगा, यहाँ पर एक और प्यारी सी ग्लू वॉल अंदर ही अटक चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल पर आगे बढ़ेंगे, फिलहाल देखना पड़ेगा पहाड़ी यहाँ पर इकलौते प्लेयर आई थिंक शायद से डॉट पोशिंग के पर एलिमिनेट हो जाएंगे। ये बुया कोने से निकल के जाने वाले, एक के बाद एक हेडशॉट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। सो हम इकलौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहने वाले, सात किल्स ऑलरेडी यहाँ पर निकाल कर बैठी रहेगी टोटल गेमिंग। आई थिंक जस्ट कोई भी मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। बट गाइस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल यहाँ पर करते रहना। एंड फाइनली यहाँ पर देखते देखते टोटल गेमिंग M79 यहाँ पर थ्रो करेंगे। ये बुया अपने टीम के नाम यहाँ पर निकाल लेंगे, प्रिंस यहाँ पर MVP होने वाले, 6 किल्स अपनी टीम के यहाँ पर नाम करेंगे, योगदान बहुत अच्छा खासा किया है। एंड टोटल गेमिंग यार जिस प्रकार का गेम प्ले यहाँ पर दिखा रहे, एक भूया क्या यहाँ पर छीना गया उनसे यार, वो तो भूया पे भूया यहाँ पर निकालना स्टार्ट कर दिया उन्होंने तो भाई यहाँ पर एक पहले पिछला गेम था जहां पर सेकंड पोजीशन लिया था और खतरनाक गेम खेला था, और इस बार भाई प्रिंस ने क्या ही खेला है, तो यार काफी बढ़िया प्रिंस और डिलीट ने यहाँ पर खेला है। तो टीम टोटल गेमिंग इज बैक यहाँ पर काफी बढ़िया, जो एक गेम दिखाई दिया स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट लास्ट में खेला भाई, स्टार्टिंग से ही परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। एंड किस तरीके से संजीव भाई वो लोग ने 9 किल कर दिया भाई हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था कौन सी टीम कैसे आगे बढ़ रही थी, बट टोटल गेमिंग यार एक के बाद एक स्ट्रेटजी यहाँ पर लगा रही थी, किस प्लानिंग से यहाँ पर आगे बढ़ रही थी। 9 किल यहाँ पर कंफर्म करने में कोई भी देरी यहां पर नहीं कर रही थी, वो फाइट हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते यार। ब्रेव फ्रंट के ऊपर हाई ग्राउंड को जो कवर लिया गया था, जिस प्रकार से टीम डी को एलिमिनेट किया प्रिंस यार, कोई भी मौका नहीं देते, डिलीट आगे बढ़ रहे थे, नॉक निकाल रहे थे, वुकंग बन रहे थे वापस से प्लेयर्स के पास जाकर, यहां पर नॉक किल वुकंग बने, फिर से नॉक, फिर से वुकंग। आई थिंक यार ये प्लेयर वुकंग का बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं, जैसे यार मैं भी आपको कल गाइस बहुत अच्छे से बता रहा था कि यार वुकंग का फायदा ऐसे रहता है, मान लो कि यार मैं वुकंग बन चुका, सामने मेरे कोई दूसरी टीम का प्लेयर है, मैंने अगर उसे मान लो मैं गन चला रहा हूँ वापस से कैरेक्टर में गया, उस प्लेयर को नॉक करा, फिर से एक और बार वुकंग बन जाऊंगा, यानी कि यार जो एबिलिटी है ना वो जल्दी जल्दी रिचार्ज हो जाएगी। नॉक करने पर भी आप किसी भी प्लेयर को नॉक करोगे आपकी एबिलिटी रिचार्ज हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा है वुकंग कैरेक्टर का। आप लोग लगाकर खेल सकते हो, आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी इसी प्रकार से डिलीट जैसा गेम प्ले अपनी टीम को देंगे। तो भाई यहाँ पर भाई संजीव भाई ने तो कह दिया मैं ही वुकंग बन गया, तो संजीव भाई आप ही वुकंग बन जाते यार लाने तो भाई पर वुकंग, हाँ भाई वुकंग के कॉस्ट्यूम लाने पड़ेंगे, वो बंदर वाले काफी बढ़िया वाले। तो यहाँ पर वुकंग की बात करें तो काफी जबरदस्त यहाँ पर जो भाई अपडेट के बाद बन चुका है वो कैरेक्टर, और भाई क्रोनो की तो भाई इज्जत ही नहीं रही यार वुकंग के बाद, पर भाई वुकंग अपनी जगह पे काफी खतरनाक बन चुका है और भाई क्रोनो अपनी जगह पे काफी खतरनाक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यार क्रोनो मतलब वुकंग आने के बाद क्रोनो को यूज ही नहीं कर रहे, क्रोनो अपने डिफेंस के लिए काफी खतरनाक चीज है, एंड वुकंग अपने रश के लिए काफी खतरनाक चीज है, सर्वाइवल के लिए भी काफी बढ़िया चीज है वो, तो यार वुकंग काफी बढ़िया है। एंड अगर आप ऐसे ही बैठे हो, अगर आपको फ्री फायर में कुछ आगे जाना है, अगर ईस्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, तो आप ट्राई कीजिए आपके प्लेयर के लिए जो एक मतलब अपनी टीम के लिए एक वुकंग प्लेयर जरूर बने, क्योंकि वुकंग जो काफी बढ़िया है। एंड अब वुकंग में आप ट्राई कीजिए शॉटगन या फिर कुछ शॉर्ट रेंज की गन की प्रैक्टिस कीजिए, काफी बढ़िया रहता है, तो टीम कोई भी आपको ले लेगी, क्योंकि वही रहता है कि यार रश अगर शॉर्ट रेंज में फाइट चल रही है, वुकंग का अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करो, एक भी बंदा नॉक किया और फिर से वुकंग बन गए, तो सामने वाले चांस ही नहीं रहता यार आपको मार पाएगा वो एंगेजमेंट में, एंड आप एक और किल यहाँ पर निकल पाओगे, तो काफी बढ़िया रहता है। प्रिंस इसी तरह से खेलता है, ऑल्सो डिलीट काफी बढ़िया खेलता है, तो काफी मजा आया। टीम टोटल गेमिंग गॉट दिस गेम एंड काफी बढ़िया बुया किया, तो संजीव भाई फिर से एक बार 3 मैप रिपीट हो गए यहाँ पर, बिल्कुल अब रिपीट हो गया। देखा जाए तो गाइस आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, शॉर्ट रेंज में जब भी आप लोग फाइट लेते हो आप यार मोस्टली ट्राई करना आपके पास MAG 7 और डबल बैरल ही हो, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यार जब भी यार जो हमारे मैचेस होते हैं ना वो विदाउट स्किन होते हैं, जहां पर आपको एडवांटेज लेना, तो यार ये दोनों वेपन्स आपको बहुत अच्छे से फायदा बिल्कुल यहाँ पर देने वाले। अगर बात किया तो प्लेन पाथ यहाँ पर आगे बढ़ने वाला सिंपल रहेगा, टीम्स को ज्यादा दिक्कतें नहीं रहेगी, बट टीम एलीट लगातार उतरेंगे यहाँ पर, केप टाउन के ऊपर लूट करते हुए नजर आ जाएंगे। फिलहाल देखना पड़ेगा जहाँ पर हमारी विलियन गेमिंग क्या सेंटोसा की तरफ जाना चाहेंगे। टोटल गेमिंग आई थिंक शायद से पीक की तरफ जाने का ट्राई करेंगे, डिलीट लगातार आगे बढ़ते हुए, कोटा टोवा यहाँ पर लूट करना चाहिए, TSG लगातार आगे बढ़ते हुए, LVL पीक के ऊपर आती है, लीड यहाँ पर उमड़ चुके हैं, बट टेन क्वीन गेमिंग पोचिनो के ऊपर जाने का पूरा ट्राई करेंगे, साथ साथ टीम डी एक तरफ जाने वाले, टीम हिंद एंड TSG लगातार ग्रेवेड की तरफ उतरते हुए, एंड यहाँ पर शायद से फाइट हमको नजर आ सकते हैं, और देखते देखते यहाँ पर लगातार आगे भी बढ़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ेगी। ब्रदरहुड यहाँ पर हंगर के ऊपर उतरती हुई हमको नजर आ जाएगी, तो यार सेफली हर एक टीम लगातार आगे बढ़ेगी।
आई थिंक यहाँ पर जो भाई टीम टीएससी के बाजू में हिंद उतर गई है एंड यहाँ पर ग्रेवियर से चेंज करके बुलजे पे आ चुके हैं। टीम हिल जो है यहाँ पर उनकी जगह बुलजे ग्रेवियर पे चले गए। लेट्स सी यहाँ पर जो रिस्क वाला गेम होने वाला है एंड यार मैं यही होप करता हूँ कि यार टीम टीएससी पूरी की चारों चारों साथ में रहे एंड कहीं ना कहीं टीम हिंद भी जो काफी बढ़िया खेल रही है। टीम हिंद का जो पूरा का पूरा एक ही टारगेट है यहाँ पर टीम टीएससी को खत्म करना। टीम हिंद काफी बढ़िया लूट यहाँ पर कर रही है स्टार्टिंग से जो है काफी बढ़िया यहाँ पर देख सकते हो फैले हुए पूरी की पूरी टीम एंड यहाँ पर बुलजे में संजीव भाई यहाँ पर अच्छी खासी लूट आई थिंक यहाँ पर नहीं मिलती है। मतलब अगर चार प्लेयर है तो उनके लिए उतनी खास लूट नहीं मिलती, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल उतनी अच्छी लूट नहीं रहती है बट कहेंगे यार दो प्लेयर्स के लिए अच्छी लूट रहती है तो इसलिए आपको थोड़ा सा हाँ फैलना पड़ेगा, अच्छी लूट यहाँ पर करनी पड़ेगी। टीम इन लगातार सर्वाइव करते हो आगे यहाँ पर बढ़ेगी। तो गाइस ये हमारा फोर्थ मैच है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने यार अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से यार एक साथ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा क्योंकि टोटल गेमिंग ने मचाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो टोटल गेमिंग लगातार आगे बढ़ेगी और देखा जाए तो कहने के फर्स्ट ब्लड यहाँ पर निकाल लिया गया, यहाँ पर रॉनिश है वो कहने के खत्म हो जाएंगे। सामने जो टीम रहेगी विलन गेमिंग आई थिंक शायद से उनके ऊपर गोलियां लगातार चलाना चाहेंगे। क्या सास के यहाँ पर ट्राई कर पाएंगे, क्या अपने टीम के लिए नॉक निकाल पाएंगे? टोरेंट की तरफ यहाँ पर प्लेयर्स ने उनको घेर कर रखा है, सास के यहाँ पर नॉक हो जाएंगे। आई थिंक शायद से मधारा एंड चार्विस का यहाँ पर पॉसिबल कर पाएंगे। 2v4 फाइट क्या निकालना मुमकिन रहेगा, गोलियां यहाँ पर लगातार चलाना चाहेंगे। चार्विस क्या कोई नॉक उनके पास आ पाएगा? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर जो सास्की की हेल्थ काफी ज्यादा कम थी एंड वहां पर कोई मतलब पीक देके MP40 से जो मार रहा था वहां पर एक गलती जरूर की है उसने। वैसे अगर देखा जाए मदारा तो भाई मदारा तो यहाँ से निकल जाएगा और वहां पर साथ ही साथ जार्विस को भी निकल जाना चाहिए, कमांड दे देना चाहिए मदारा को कि थोड़ा सा बैकआउट ले ले क्योंकि विलन गेमिंग काफी बढ़िया खेल रही है। यहाँ पर जार्विस जो है बच चुका है, चलो सास्की यहाँ पर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो मदारा एंड जार्विस टीम यूनाइटेड से यहाँ पर दो प्लेयर्स बचेंगे। स्टार्टिंग के गेम जो है काफी बढ़िया थे पर यहाँ पर जार्विस फुल रिस्क में है एंड जार्विस के यहाँ पर बच पाएगा ये देखने की बात होगी। ऑर्क जरूर है जार्विस के पास एंड यहाँ पर भाई डाउन हो चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, इकलौते प्लेयर मदारा यहाँ पर बचे देंगे। सर्वाइव करने के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, पूरा का पूरा यहाँ पर पीछे भागना पड़ेगा, कदम यहाँ पर पीछे हटाने पड़ेंगे। फिलहाल विलन लगातार ट्राई करेंगे आगे बढ़ने का, एक और प्लेयर को क्या यहाँ पर पकड़ा जाएगा, क्या उनको पनिशमेंट दे पाएंगे? बट कहने के यार जो लास्ट प्लेयर यहाँ पर बचे हैं सर्वाइव करने का पूरा पूरा ट्राई यहाँ पर करेंगे बट विलन 25 आई थिंक ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे वो यहाँ पर किसी प्लेयर को ढूंढ पाए एंड जो लास्ट प्लेयर बचे हैं वो ऑलरेडी यहाँ से निकल कर जा चुके। बट टोटल गेमिंग 10 क्वीन गेमिंग के ऊपर भारी पड़ते हो। आशीष को यहाँ पर नॉक किया गया, रिवाइव मिलना क्या यहाँ पर आसान रहेगा? बट एक किल यहाँ पर ऑलरेडी अपने खाते में निकाल ली गई है। टोटल गेमिंग इस बार सेंटर में उतरती हुई नजर आ रही है, कहने के कोटा टूर पे उतरे सेफली यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, अच्छी खासी लूट यहाँ पर करना चाहेंगे बट कहने के कितनी अच्छी लूट रहेगी इनके पास वो हमको देखना पड़ेगा। बट फिलहाल मार्केट के बाद की तो डबल स्नाइपर उनको ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुके, एक बाद एक शॉट निकालेंगे जी हाँ यहाँ पर रेड आई को नॉक कर देंगे। फोर दिया जाए, एक कॉल यहाँ पर दे दी गई क्या जल्दी से जल्दी जाओ, रश यहाँ पर करना पड़ेगा। एक नॉक निकाल के रखा है, डिलीट यहाँ पर फ्लैंकर का काम करते हो, लगातार आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, जल्दी से जल्दी उनको भी बचना पड़ेगा। बट आई थिंक शायद से 10 क्वीन गेमिंग यहाँ से पीछे हटना पसंद करेगी, उनको पता है कि यार अभी कोई भी फायदा नहीं, स्टार्टिंग में एलिमिनेट हुए तो एक बहुत बड़ा झटका हमको लग सकता है। तो यहाँ पर भाई टीम टोटल गेमिंग फुल फॉर्म में यहाँ पर काफी बढ़िया दिमाग लगाया संजीव भाई, मतलब जो है यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर प्रिंस ने जो है अपने आई थिंक माफिया ने जो है मतलब अपनी टीम को बोल दिया था कि यार मैं जो है भाई यहाँ पर लेके खड़ा हूँ भाई स्नाइपर, तुम जो है थोड़ी सी मस्ती करो, थोड़ी उंगली करो, वो बंदा गारंटी ऊपर आएगा। एंड वही किया डिलिट ने, तो डिलिट जो है वहां पर घूम रहा था एंड बंदा ऊपर आया एंड जो स्पीड में वहां पर नॉक किया है काफी ज्यादा मजा आया वहां पर एंड काफी बढ़िया तरीके से जो माफिया ने वहां पर क्लियर किया, किल कन्फर्म कर लिया। 10 क्विन गेमिंग यहाँ पर गाड़ी जरूर लेंगे, यहाँ से निकलना सोचेंगे, लूट क्योंकि ठीक ठाक है यहाँ पर, लेट्स सी यहाँ पर क्या करेंगे। गॉट इस्टा एंड फ्री क्यू 10 क्विन गेमिंग की तरफ से बचे एंड गाइस 20,000 लाइक का एम है अपना, तो जल्दी से 20,000 लाइक्स तो भाई बनते हैं, इतनी खतरनाक यहाँ पर गेम चल रहे हैं। ये कौन है भाई यहाँ पर? मदारा भाई अपने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं एंड मदारा के लिए यहाँ पर रिस्क वाला सिचुएशन जरूर हो गया। बिल्कुल यहाँ पर देखना पड़ेगा फिलहाल यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे, खिलौते प्लेयर बचे हुए यहाँ पर हॉट जोन के ऊपर आए तो आए बट कहने उनको यार पीछे हटना पड़ेगा, लूट यहाँ पर करना चाहेंगे एंड फिलहाल उनके पास सिर्फ दो ही मेडिकेट्स रहेंगे, एक वो यहाँ पर रहने वाले ARMO यहाँ पर उठाने पड़ेगी एंड बैकपैक यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, एक अच्छे वेपन यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। थॉमसन से काम नहीं चलेगा, MP40 और यहाँ पर शायद से अगर कोई शॉटगन उनको मिल जाए तो शायद से फायदा उनको यहाँ पर मिले, तीन का बैक यहाँ पर मिल जाएगा, लगातार आगे बढ़ेंगे। टीम में लीड आई थिंक यार पूरा का पूरा कॉर्नर में सर्वाइव करते हो, आइकॉनिक यार टीम मेंबर से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे बट लूट यहाँ पर करना चाहेंगे, लगातार आगे भी बढ़ेंगे। आइकॉनिक की बात कर लिया तो उनके पास M14 प्लस MP40 हमको नजर आ जाएगी, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ये टीम, बट इनके जो टीम मेंबर्स है वो कितना दूर रहेंगे वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। केप टाउन के ऊपर बाकी तीनों प्लेयर्स लूट करने में बिजी यहाँ पर रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर बात किया तो किलर के पास सिंगल वेपन होने वाला, उनको वेंडिंग मशीन से भी यहाँ पर अच्छे वेपन उठाने पड़ेंगे। पहाड़ी लगातार आगे बढ़ेंगे, M10 प्लस यहाँ पर पैराफल, आई थिंक पैराफिल उनके पास है, इधर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उठाया गया, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। RDP यहाँ पर रहने वाले हैं, उनके पास MP40 एंड M14 यार ये टीम
M14 उठाकर चलाने में बिलीव रखती है, तो यार देखा जाएगा फिलहाल कितना अच्छा भरोसा इनका इन गन्स के ऊपर होने वाला। बट आइकॉनिक यहाँ पर वापस से पीछे जाना पड़ेगा, अपने टीम मेंबर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हर एक टीम हमको नजर आ जाएगी, सर्कल किसके फेवर में जाएगा वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बट TSG लगातार आगे बढ़ेगी, ग्रेवयार्ड यहाँ पर लूट कर लेगा। बट सामने यहाँ पर हमारी एक और टीम हमको नजर आने वाले, वो टीम हिंद होने वाली है। तो भाई टीम हिंद वर्सेस टीम TSG आई थिंक यहाँ पर फिर से हो सकती है, और ये शायद से गलत सा सिचुएशन हो सकता है, गलत सा मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर लेजेंड आ चुका है, पहुंच चुका है, यहाँ पर लेजेंड भाई डाउन हो चुके हैं बहुत ही गलत। भाई ये क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर गाइस VR भी चला गया, एंड यहाँ पर पूरा का पूरा रिस्क वाला सिचुएशन यहाँ पर टीम TSG के लिए, एक गलत स्टेप एंड यहाँ पर खत्म। थोड़ा सा जो है संभाल के जाना था, यहाँ पर टीम TSG फिर से एक बार फुल ऑन रिस्क में, एंड लेट्स सी यहाँ पर क्या करेगी, क्या ओजस्वी यहाँ से भागने में कामयाब रहेगा। जीरो ग्लू वॉल से यहाँ पर टीम TSG थोड़ा सा बैकआउट लेगी, लेजेंड को जिस तरीके से भाई क्लियर आउट किया है काफी बढ़िया खेला यहाँ पर। ओ माय गॉड ओजस्वी M14 कहते हैं, M14 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना संजीव भाई, तो इसलिए जो है काफी प्लेयर्स जो है प्रीफर करते हैं ये गन यूज करने की, मतलब 4 से 5 गोली में बंदा जो खत्म हो सकता है, तो काफी बढ़िया है। यहाँ पर वियान बैठा हुआ है, लेजेंड यहाँ पर गवा बैठेंगे, टीम TSG रिस्क में भाई। बिल्कुल यहाँ पर 3 प्लेयर्स बचे रहेंगे, बट सेफ्टी यहाँ पर चाहे तो एक अच्छी फाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिलहाल देखना पड़ेगा 12 की 12 टीम अलाइव रहेंगे, 3 प्लेयर्स यहाँ पर रहेंगे। लेजेंड को यहाँ पर खो दिया गया, जो कि यार इनकी टीम के लिए ऐसे प्लेयर होने वाले जो क्लचेस में बिल्कुल भी हार नहीं मानते, क्लच निकालते आगे बढ़ते हैं, पूजा निकाल कर दिखाते हैं। फिलहाल देखना पड़ेगा यहाँ पर ऋतिक कैसे आगे बढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ से उनको पूरा का पूरा रोटेशन खेलना पड़ेगा। टीम हिंद क्या उनको आगे बढ़ने देगी, ओजस्वी लगातार आगे बढ़ती है, लॉन्च पैड लेकर क्या सर्कल में जाने का पूरा ट्राई यहाँ पर करना चाहेंगे। बट कहीं नहीं यार मुसीबतें बढ़ती जा रही है, सर्कल श्रृंखल होना स्टार्ट हो चुका है, हर एक टीम को आगे बढ़ना पड़ेगा, सर्कल में जाकर अपने लिए जो हार्ड कवर है वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो देखा जाएगा टीम्स कैसे लगातार आगे बढ़ेंगे, ओजस्वी अपने एक हार्ड कवर लेकर बैठे हैं, फिलहाल एक दीवार का कवर रहेगा, क्या वो यहाँ पर लॉन्च पैड लेकर फिर से ऑब्जर्वेटरी की तरफ जाने वाले या फिर नहीं जाएंगे वो भी यहाँ पर कहने के देखते देखते हरे टीम लगातार आगे जो है वो पूरा का पूरा बढ़ेगा। फिलहाल देखना पड़ेगा, वियान ने लगातार वॉल लगा ली गई यहाँ पर, शायद से उनको ओपन में पकड़ा गया, उनका आगे बढ़ना इतना आसान नहीं रहेगा। बट यहाँ पर क्या ऋतिक दोनों मिलकर एक साथ गोलियां चला पाएंगे, आई थिंक यार एक ही बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा, अगर वॉल लगाई है तो यहाँ पर गोलियां चलानी पड़ेगी, वरना सामने वाली टीम वॉल्स भी तोड़ेगी एंड इतने प्लेयर्स को नॉक भी करेगी। तो यहाँ पर ओजस्वी शायद सब कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यार वो लोग दोनों जो है काफी ज्यादा ओपन में है एंड फुल रिस्क वाला सीन है, कभी भी वियान जो यहाँ पर डाउन हो सकता है और ऋतिक भी यहाँ पर कभी भी डाउन हो सकता है। ओजस्वी जो है यहाँ पर काफी बढ़िया खेल रहे हैं, ग्लूवल तोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कवर जरूर देगा अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर लेट्स सी कैसा वाला गेम यहाँ पर हमें देखने मिलता है। ओजस्वी यहाँ पर बैठा हुआ है, ओजस्वी के पास एक ग्लूवल जरूर है एंड आई थिंक ये वाला सीन में जो है यहाँ पर टीम TSG बैकआउट लेगी, क्योंकि अब तक 3 बंदे यहाँ पर कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 बंदे अब तक बहुत कुछ इजिली कर सकते हैं। बिल्कुल अब कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पर TSG लगातार ट्राई करते हैं, कहने के श्रिंक के अंदर ये फाइट यहाँ पर चलती हुई हमको नजर आ जाएगी। यहाँ पर सर्कल ऑलरेडी श्रिंक के होना स्टार्ट हो चुका था पहले से ही, यहाँ पर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आई थिंक इनको यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ मेडिकेट्स की कमी क्या इनके पास होने वाली, टीम इनके इनको आगे बढ़ने देगी यार इंतजार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ गाइस आप लोग यार लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी ऑल पर सेट कर लेना, आपकी फेवरेट टीम यहाँ पर रहने वाले। बट फिलहाल यहाँ पर ऋतिक को फिनिश ऑफ कर देगा, 2 प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहेंगे यार, पूरा का पूरा पीछे हटने का जो है वो इंतजाम कर लिया गया, लॉन्च पैड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, लॉन्च पैड लेकर फटाफट से यहां से जो है वो निकल सकते हैं। बट क्या यहाँ पर एंड्रोन को निकलने देंगे, जी यहाँ पर ट्राई तो पूरा ब्रिगेड फाइनली यहां से निकल जाएंगे, ट्राई यहाँ पर कहने के आसमान की ऊंचाइयों में जो प्लेयर जा चुका है एंड्रोन को नॉक करने का ट्राई करेंगे, बट बिल्कुल भी पॉसिबल यहां पर नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यहाँ पर टीम इनके जो भाई आराम से जो भाई निकलना है और भाई यहाँ से भागना है, यहाँ पर गाड़ी जरूर मिलेगी एंड यहाँ ये जो एरिया में काफी ज्यादा गाड़ी और भाई काफी ज्यादा चीज है जिसे आप इजीली पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर टीम TSG आगे जाने वाली थी, पर यहाँ पर आई थिंक थोड़ी स्ट्रेटेजी में चेंज आ चुकी है एंड यहाँ पर आई थिंक इनको जो मार के जाने वाले शायद ऐसा कुछ सोचा इनने, क्योंकि फिर से ये लोग जो यहीं पर घूम रहे और वेट कर रहे हैं वियान एंड ओजस्वी कि उनको आने देंगे। एंड यहाँ पर एक और फाइट हमें देखने मिले, GXR भाई GXR लेट्स सी क्या करते हैं इस बार, GXR को जो यहाँ पर स्क्रीन पर ला लिया है एंड लेट्स सी MariXR यहाँ पर MariXR की स्नाइपिंग अगर यहाँ पर चले तो शायद GXR के लिए एक पॉसिबल पॉइंट हमें देखने मिलेगा। तो लेट्स सी यहाँ पर MariXR जो है बैकआउट ले ले, VRC 1000 है यहाँ पर जो कि VXR 1000 हो क्या ही तो खतरनाक नाम है यहाँ पर। एंड सामने देखेंगे पूरी तरीके से जो स्पॉट करने की कोशिश कर रहे वासियों भाई यहाँ पर क्या करेंगे वो देखने वाली बात होने वाली है। बिल्कुल अब देखना पड़ेगा, गैलेक्सी रेसर आई थिंक यार इस बार लगातार ट्राई करेंगे, फिलहाल यहाँ पर बात करके आते हैं VRC लगातार गोली चलाए जाएंगे, यहाँ पर वासियो भी कहने के कम नहीं पड़ने वाले, ब्रदरहुड उनके सामने रहेगी, क्या वो यहाँ पर नॉक निकाल पाएंगे, जी हाँ यहाँ पर ट्राई पूरा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर वासियो किस प्रकार से लगातार आगे बढ़ेंगे, गैलेक्सी रेसर लगातार मचाएंगे, देखते देखते यहाँ पर रोटेशन अच्छे प्रकार से लेते हुए कौन सी टीम फ्लैंकर का काम
यहाँ पर करेगी। आई थिंक शायद से प्ले को पकड़ गए, ओपन में जान यहाँ पर बच नहीं पाएंगे। आई थिंक पीछे जाना इतना आसान नहीं रहने वाले। गैलेक्सी रेजर फाइनली इस बार ट्राई करेगी यार, पहला किल अपने खाते में निकाल पाए। यहाँ पर अभी भी 12 टीम अलाइव रहने वाली। गैलेक्सी रेजर क्या यहाँ पर एक अच्छा कमबैक कर पाएगी, अपनी टीम को जीत यहाँ पर दिला पाएगी। बूजा यहाँ पर निकालना पड़ेगा, एक अच्छा कमबैक इनको करना है। तो फिलहाल मैरी एक्स पीछे जाएंगे, डबल स्नाइपर उनके पास है। अच्छा खासा हाई ग्राउंड का कवर इनके पास रहेगा, फायदा बहुत ज्यादा है क्योंकि राइट साइड में एक और टीम रहने वाली, वो यहाँ पर हमारी टीम डी रहेगी। तो टोटल गेमिंग कहाँ पर रहेगी वो भी देखा जाएगा, बट फिलहाल लगातार आगे बढ़ते हुए हर एक टीम अपने लिए जगह जहां पर बनाना चाहिए। टीम लेवल लगातार फाइट में इन्वॉल्व होगी। सामने यहाँ पर विलन गेमिंग के प्लेयर्स को एक के बाद एक फिनिश ऑफ करते हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे। पीक का यहाँ पर दिख रहा है, जो पोचिनो के अंदर ये लड़ाई रहेगी। यहाँ पर शायद से तबाही जो है मशीन वाली, तीन किल्स ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिए गए। जो खिलौते प्लेयर यहाँ पर बचे हुए, क्या स्नीक यहाँ पर स्नीक के अंदाज में बचकर निकल पाएंगे वो यहाँ पर देखा जाएगा। तो भाई यहाँ पर टीम लावा की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, काफी खतरनाक हो चुके हैं यहाँ पर। मतलब टीम लावा, मतलब पहले जो इनका परफॉर्मेंस था और अब जो इनका परफॉर्मेंस है काफी सुधरा हुआ है यहाँ पर। और भाई काफी ज्यादा जो है मतलब ईस्पोर्ट्स में आई थिंक ध्यान देने लग चुके हैं। भाई क्या ही खेल रहे हैं, मतलब टीम बिल्कुल भी यहाँ पर लो नहीं है, काफी खतरनाक है भाई। जिस तरीके से भाई रश कर रहा अपने सुप्रीम भाई, भाई बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं इसको आई थिंक। एंड यहाँ पर ये क्या टीम टीएसजी यहाँ पर, आई डोंट थिंक सो कोई भी मौका रहेगा यहाँ पर बच पाएंगे। यहाँ पर खत्म हो चुके टीम टीएसजी को, यहाँ पर शायद कुछ करना पड़ेगा। दो गेम है, इसके बाद टीम टीएसजी को कुछ करना पड़ेगा एंड शायद एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा बूया हमें देखना पड़ेगा टीम टीएसजी की तरफ से, क्योंकि यूनाइटेड एंड टीएसजी दोनों ही का जो परफॉर्मेंस काफी लो रहा है, काफी बढ़िया जो है परफॉर्मेंस देने का ट्राई कर रहे हैं। पर वही होता है स्क्वाड मैच में संजीव भाई, अगर चार प्लेयर है और आपकी हर फाइट में अगर एक एक प्लेयर मर रहा है तो ज्यादा देर तक आप टिक नहीं पाओगे। बिल्कुल भैया, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, तो यही होता है टीम लीड इस बार सर्वाइव करे तो वो यहाँ पर आगे बढ़ेगी। फिलहाल सामने हमारी टीम डी के ऊपर हैशटैग, आई थिंक यार जो लगातार आइकॉनिक यहाँ पर नेट का ट्राई करे थे, थोड़ी देर पहले यहाँ पर नेट भी ट्राई करे थे, बट इस बार यहाँ पर कहने की गोलियां चलाएंगे, हेडशॉट यहाँ पर कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर जो हमारे कमेंट सेक्शन है वहां पर हैशटैग बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है, टीम लीड को यहाँ पर कमबैक करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या अच्छी फाइट पिक कर पाएंगे, यहाँ पर क्या नॉक निकाल पाएंगे, क्या जो हमारी सामने टीम लगातार आगे बढ़ रही है क्या वो सर्कल में यहाँ पर पहुंच पाएगी। आई थिंक टीम डी के लिए मुश्किलों भरा ये जो रोटेशन है वो यहाँ पर रहने वाले, किस प्रकार से उस सर्कल में पहुंचेंगे, क्योंकि टीम लीड यार बहुत जल्दी यहाँ पर जो है वो रास्ता कवर करे। तो फिलहाल यहाँ पर टीम डी से फाइट लेनी पड़ेगी, चार किल्स का यहाँ पर अपने खाते में निकाल कर जा पाएंगे वो यहाँ पर देखना पड़ेगा। लगातार आगे बढ़ते आइकॉनिक आई थिंक वो थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आ जाएंगे, बट किलर यहाँ पर लगातार आगे बढ़ेंगे, वुड पैकर उनके हाथ में रहेगा, टीएसजी को यहाँ पर एलिमिनेट कर देगा। साथ ही साथ टोटल 31 प्लेयर्स यहाँ पर बची रहने वाले, ऑलमोस्ट यार 5 मिनट का गेम प्ले यहाँ पर बचा हुआ है एंड ये हमारा गाइस फोर्थ मैच चल रहा है, तो देखा जाएगा कैसे यहाँ पर अपने आपको बचाएंगे। विलन गेमिंग एक तरफ एलिमिनेट हो जाएगी, जी हाँ यहाँ पर 10 क्वीन गेमिंग कोई भी मौका नहीं दिया लास्ट प्लेयर को कंफर्म करके, यहाँ पर उनको 9th पोजीशन पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पर टीम लीड की फाइट होने वाली टीम डी से, दोनों खतरनाक टीम से यहाँ पर हो चुका भाई यहाँ पर घमासान सा युद्ध। यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेनेड 3-4 अगर यहाँ पर आइकॉनिक अच्छे से डाल दे तो भाई एक मस्त वाला गेम हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर ग्रेनेड ले लेंगे, जी हाँ यहाँ पर ग्रेनेड ले लिया है एंड यहाँ पर ग्रेनेड की बहुत चार करें फिर, जी नहीं गाइस यहाँ पर पीछे से यहाँ पर पहाड़ी का ग्रेनेड काम कर गया, पहाड़ी के ग्रेनेड ने यहाँ पर खत्म कर दिया। टीम लीड इज बैक, यहाँ पर टीम लीड मचाने वाली है, लेट्स सी यहाँ पर टीम लीड क्या करेगी। यहाँ पर पहाड़ी डाउन जरूर हो जाएगा, पहाड़ी को भाई खतरनाक से टू भी लग चुकी है, आरडीपी भी यहाँ पर डाउन हो चुकी है। टीम लीड के लिए एक चेंजिंग पॉइंट हमें देखने मिल रहा है, टीम लीड के दो प्लेयर यहाँ पर खत्म। टीम डी खतरनाक गेम, खतरनाक प्लेयर, खतरनाक टीम वर्क यहाँ पर, आइकॉनिक एंड किलर एंड पहाड़ी, पहाड़ी को बचा लिया, ये एक प्लस पॉइंट। ओहो किस तरीके से मारा भाई यहाँ पर नीचे, बिल्कुल यहाँ पर लगातार मचाते हैं आइकॉनिक यहाँ पर वॉल के पीछे रहेंगे, बट फिलहाल यहाँ पर टीम डी को क्या पनिशमेंट दे पाएंगे। यहाँ पर टीम लीड लगातार ट्राई करेगी, आरडीपी यहाँ पर फिनिश ऑफ हो चुके, बट किलर लगातार आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्लेयर को यहाँ पर वन टैप ट्राई किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली जाएंगी। यहाँ पर सर्कल भी जो है वो जोर देने वाला, आगे बढ़ना पड़ेगा, डैमेज कहने के ज्यादा यहाँ पर पड़ेगा। फिलहाल ऊपर से निकलना पड़ेगा, पहाड़ी यहाँ पर नॉक हो जाएगी, रिवाइव मिलेगा, कोई भी मौका नहीं देगा टीम लीड आई थिंक इस बार मुसीबतों में पड़ जाएगी। सामने गैलेक्सी रेसर्स होने वाले, इतने आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे यार, बहुत अच्छा फायर पावर इनके पास रहने वाला। टीम डी लगातार संघर्ष करते हुए सर्वाइव यहां पर पूरा का पूरा करना चाहेंगे, स्नाइपर्स यहां पर चलाई जाएंगे, एक के बाद एक किल यहां पर निकालने का पूरा पूरा ट्राई करते हैं। टीम लीड फाइनली यार घर के बाहर आ चुके, दीवार का कवर उनको मिल चुका, बट टीम डी क्या वहां पर सर्वाइव कर पाएगा। आई थिंक मैरिक लगातार आगे बढ़ेंगे, नेड यहाँ पर पूरा का पूरा थ्रो करते हैं, प्लेयर जब रोटेशन लेते हुए हमको नजर आ जाएंगे, जी हाँ यहाँ पर ट्राई करते हैं मैरिक से यार, एक लौते प्लेयर ऐसे रहेंगे जो स्नाइपर लेकर आगे बढ़े हैं एंड क्या वो यहाँ पर स्नाइपर से कर पाएंगे, जी हाँ यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर नॉक हो जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो दो प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहेंगे, टीम डी एलिमिनेट हो जाएगी, वासियों के पास M79 रहने वाला है यहाँ पर। ओह माय गॉड यहाँ पर लगातार मचाएंगे टीम लीड के लिए मुश्किलें, ओपी वासियों भाई, ओपी वासियों ने प्रूव कर दिया है
कि क्यों वो वासी हो भाई, यहाँ पर खतरनाक सा ग्रेनेड लॉन्चर बैक, मतलब पीछे से बैठ के बिल्कुल भी रश नहीं। एंड यहाँ पर अगर बात करें जीएक्स सर, काफी गलत यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दिखाया मैरियक्स ने, जिस तरीके से भाई बंदे ने रश किया नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पीड में बंदे ने रश किया, बल्कि उसके पास एक स्नाइपर था, स्नाइपर प्लेयर का भी पीछे रहता, तो भी यहाँ पर वासी ने अपनी सिचुएशन हैंडल की काफी बढ़िया, काफी बढ़िया, काफी बढ़िया भाई, मजा आ गया। यहाँ पर किलर अकेले बचे रहेंगे, काफी जबरदस्त है। यहाँ पर टीम एलीट एलिमिनेट हो जाएगी। एंड यहाँ पर वासी ओपी बोलते हैं भाई 20,000 लाइक भाई हमारा टारगेट है, जल्दी से 20,000 लाइक करो। एंड यहाँ पर जीएक्सआर का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन शायद हो जाएगा। गेट कीपिंग ऑन टॉप चल रही यहाँ पर टीम से, बिल्कुल देखना पड़ेगा कौन सी टीम यहाँ से बुगिया निकल के जाने वाले। आई थिंक शायद गैलेक्सी से इस बार कोई भी कदम पीछे नहीं हटा सकता। देखते देखते यहाँ पर टीम इन भी लगातार सर्वाइव करिए, क्लॉस दे प्लेयर वी आर यहाँ पर बचे रहेंगे, बट क्या यहाँ पर कर पाएंगे चीन यहाँ पर फोर्थ पोजिशन के ऊपर, हमारी गैलेक्सी एलिमिनेट हो जाएगी। और देखते हैं टोटल गेमिंग यहाँ पर लगातार मचाएगी, एक और बार टोटल गेमिंग क्या यहाँ से भूया निकाल के जा पाएगी। आई थिंक यार बहुत अच्छे से गेट कीपिंग करेगी टीम, इनको आगे बढ़ना पड़ेगा एंड यहाँ पर सर्कल में जाना पड़ेगा, बट फौजी अजय लगातार आगे बढ़ते हैं। नेट्स कितने हैं उनके पास, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या नेट्स यहाँ पर थ्रो के जाएंगे, नॉक यहाँ पर निकालने का ट्राई कर पाएंगे, बट बाकी टीम इनकी जो यहाँ पर रहने वाली वो लगातार यार गोलियां चलाने का ट्राई करेंगे। फिलहाल देखते देखते यहाँ पर फौजी अजय लगातार मचाना चाहेंगे, प्लेयर अंदर जाते रहते बट कहीं नहीं उनको पकड़ लेगा, किल यहाँ पर कंफर्म करेंगे। फौजी अजय शायद से राइट साइड में ऋतिक स्टार अपने लिए जो वुकोंग का कवर है वो यहाँ पर बना कर रखा हो, क्या वो यहाँ पर नॉक कर पाएंगे। आई थिंक फौजी अजय बहुत ही ज्यादा लो एचपी में यहाँ पर बचे रहेंगे, एक गोल यहाँ पर टच होते शायद से दोनों में से एक प्लेयर नॉक हो जाएगा। काफी बढ़िया यहाँ पर एक और नॉक काफी जबरदस्त निकला है, जिस तरीके से भाई यहाँ पर खत्म किया है टीम टोटल गेमिंग, फिर से मचा रही है नाइटिंग। एक और गेम यहाँ पर टीम टोटल गेमिंग के हाथ आ सकता है, लेट्स सी। यहाँ पर माफिया डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर एक चेंजिंग सा मूवमेंट यहाँ पर शायद हो सकता है। एंड यहाँ पर फौजी अजय को डाउन कर दिया पीछे से, एंड यहाँ पर इतने बचा होता लॉन्चर थोड़ा सा जीप था। यहाँ पर टीम टोटल गेमिंग के लिए चेंजिंग सा मूवमेंट, एंड शायद टोटल गेमिंग के हाथ से जा सकता है। प्यारा सा बूई है, प्रिंस यहाँ पर बचे, क्या प्रिंस यहाँ पर बचा पाएंगे, क्या यहाँ पर बचा पाएंगे, जी नहीं यहाँ पर डिलीट को नहीं बचा, ओह बचा जाता पर फिर से नॉक। एंड यहाँ पर एक खतरनाक मूवमेंट, एंड भाई गेम चेंज मूवमेंट संजीव भाई, ये कुछ अलग था। LVL कहां से आई, किधर से आई, एंड यहाँ पर टोटल गेमिंग के हाथ से फिर से एक बार बुया छीन लिया गया, कितना खतरनाक मूवमेंट था ये, बिल्कुल नोवेयर LVL यहाँ पर आ गई। यार LVL पहले से सेट होकर बैठी थी, रिजिस का जो कवर था ना वो यहाँ पर होल्ड करके रखा होता, वो यहाँ पर भूया के लिए ट्राई करती, भले ही किल्स ज्यादा नहीं हो बट कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे टोटल गेमिंग अपना काम बहुत अच्छे से करके गई है। उनके बाद बहुत सारे किल्स भी है, 7-8-9 किल्स निकाल कर गए, सेकंड प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ पर निकाल कर जाएंगे। तो टोटल गेमिंग आई थिंक शायद से फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाले, बट LVL अमित्रासु कहाँ पर स्टैंड करेंगे, बाकी टीम सर गैलेक्सी रेसर क्या अभी 12th पोजीशन से क्या नीचे ऊपर बढ़ पाएगी वो देखा जाएगा, कितने पोजीशन अपग्रेड की गई कितने पर और आगे अपग्रेड करेगी वो यहाँ पर डिसाइड करेगा, क्योंकि अभी भी दो मैचेस और बचे रहने वाले गाइस। अभी यहाँ पर डिसाइड कुछ भी नहीं हुआ कि यार कौन सी टीम कहाँ पर स्टैंड करने वाले, बट कहीं ना कहीं हमारा अगला मैप जो होने वाला है वो परगेटरी मैप होगा। तो भाई परगेटरी मैप तो भाई शुरू ही होने वाला है, पहला गेम यहाँ पर बर्मुडा में, आई थिंक जो फोर्थ गेम है काफी खतरनाक रहा है। यहाँ पर पूरा फेवर में था भाई अपने टीम टोटल गेमिंग के वासियों ने, जो भाई खेला है वहां पर वासियों ने जीएक्सआर से काफी बढ़िया खेला, टोटल गेमिंग एंड जीएक्सआर दोनों ही काफी खतरनाक खेले ये वाले जो गेम है। एंड जीएक्सआर एंड इलाइट ये दो टीम से जो भाई वापसी देखनी थी, एंड दोनों से जो है यहाँ पर अच्छा खासा जो वापसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब दो गेम यहाँ पर बचे, लेट्स सी क्या होगा। एंड भाई 20,000 लाइक का टारगेट है, जल्दी से भाई आप लोग लाइक ठोक दो, काफी मजा आ रही है। दो आखिरी गेम कौन जीतने वाला, TSG ग्रैंड फाइनल्स भाई काफी मजा आने वाले, कलहारी बचा है एंड परगेटरी बचा है। तो संजीव भाई आर यू रेडी भाई, कुर्सी की पेटी आप स्पीड से बांध लीजिए क्योंकि अब मजा आने वाला, अब जो भाई रश गेम प्ले हमें देखने मिलने वाला है लास्ट मैप पर, उसके पहले सर्वाइविंग भी चलने वाला है क्योंकि सभी को पता है उनको अपनी पोजीशन के लिए बैठे रहना पड़ेगा एक ही जगह पे, आपके अगर सामने बंदा है तो भी रश यहां पर नहीं होगा क्योंकि यह सेकंड लास्ट मैच है और भाई पॉइंट्स बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं। जी हाँ यहाँ पर पॉइंट्स मैटर करेंगे, टोटल गेमिंग सर्वाइव अच्छा खासा करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है फायर पावर भी दिखाना पड़ेगा आपके ऊपर, कोई टीम रश ना करती क्योंकि टीम डी यार लगातार फिरात में बैठी रहेगी कि यार हमारे ऊपर शिकार किया था, हम लोग भी अब शिकार करना स्टार्ट करेंगे। तो टीम डी यहाँ पर एक अच्छा कमबैक करना पड़ेगा, गैलेक्सी रेसर ऑलरेडी यहाँ पर हमको नजर आ चुके टॉप थ्री के अंदर, यार अच्छे खासे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर निकाले, बट बाकी टीम्स को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर बात करी जाए तो टीम इन भी अच्छे प्रकार से आगे बढ़े हैं, साथ ही साथ हमारे जो व्यूअर्स यहाँ पर हैं वो लगातार हैशटैग लगा रहे TG का बुया, आई थिंक यार इस बार रह गया, बट कहने की आगे मैचेस में जरूर वो यहाँ पर निकाल के जाएंगे। बट गाइस आप लोगों को साथ ही साथ लाइक भी करना है, स्ट्रीम को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, जिससे हर एक टूर्नामेंट का आपको नोटिफिकेशन
आप तक सबसे पहले पहुंचेगा एंड आप लोग भी सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले यहां पर पहुंच पाओगे। गाइस एक टारगेट मैं आपको यहां यहां पर देना चाहता हूं, 20,000 लाइक्स आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। साथ साथ क्या आज हम लोग 20,000 प्लस की वॉचिंग क्रॉस कर पाएंगे यार, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, यहां पर बुला लीजिए। तो भाई इजी पीसी भाई 20,000 लाइक भाई बोले संजीव भाई ने, तो वो तो गाइस मुझे पता है भाई आप लोग इजी पीसी कर दोगे। तो भाई जल्दी से भाई मेरा भाई नाक मत डुबाना भाई, संजीव भाई के सामने जाके 20,000 लाइक खतरनाक तरीके से कर दो। एंड भाई क्या ही जबरदस्त गेम चल रहा है, मतलब पब्लिक जो मैं चैट पढ़ रहा हूँ यहाँ पर पब्लिक भाई पागल हो गई है कि भाई क्या क्या ही गेम चल रहा है, कौन किसको मार रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है। तो भाई टीएसजी आई एक्सपेक्ट अ बेटर गेम, लेट्स सी क्या टीम टीएसजी कुछ कर सकती है। यहाँ पर एक खतरनाक सब हुई है एंड टेबल में अपनी जगह फिर से वापसी ला लेंगे। एंड अगर बात करें यहाँ पर अगला गेम शुरू हो चुका है, लेट्स सी इस बार क्या करते हैं टीम टीएसजी यूनाइटेड। अच्छा खासा पोजीशन यहाँ पर, अच्छी खासी जो है लूट करने आ चुके हैं एंड यहाँ पर गॉडल जो है काफी ज्यादा खतरे में। ओ माय गॉड यहाँ पर टेंशन गेमिंग की पूरी की पूरी टीम यहाँ पर एक सेकंड में गायब हो चुकी है, अकेला एक प्लेयर यहाँ पर बचा है रेड आई। एंड आई थिंक यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क वाला सिचुएशन, आई थिंक ये अपनी टीम से अलग उतरा था, यही एक प्लस पॉइंट हो गया टीम के लिए, बच चुकी पूरी पूरी टीम। एंड जीएक्सआर यहाँ पर बंदा डाउन हो गया है, ये क्या देख लिया भाई, जीएक्सआर की तरफ भाई प्लीज कैमरा लेके जाए क्योंकि अब जो गेम हो रहा है काफी मजा आ रही है यहाँ पर। ओ माय गॉड जीएक्सआर के लिए काफी गंदा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है एंड यहाँ पर ओ माय गॉड बी डाउन हो चुके हैं एंड यहाँ पर 12th पोजीशन पे विलन गेमिंग भाई साहब, भाई संजीव भाई विलन गेमिंग यहाँ पर शायद से उभरती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर शायद से इनका गेम प्ले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा क्योंकि यार जब भी कोई टीम यार बड़ी बड़ी टीम्स को एलिमिनेट करते हैं लगातार एलिमिनेट करते हैं यार उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बढ़ जाएगा ना, आगे वाले टूर्नामेंट्स में विलन गेमिंग लगातार मचाएगी, आगे भी यहाँ पर बढ़ेगी। फिलहाल चारों प्लेयर्स से चार किल निकाल ली गई एंड सेफली यहाँ पर सेंट्रल अपने नाम कर लिया गया। तो फिलहाल गैलेक्सी रेसर को यार ये यार भेज दो यार सेंट्रल को यार यहाँ पर विलन गेमिंग के नाम पर ताकि आप लोग यार कोई नए एरिया पर जाओ, यहाँ पर देखा जाएगा ओजस्वी लगातार आगे बढ़ेंगे। टीएसजी यहाँ पर लगातार लूट करते हुए ब्राजीलिया यहाँ पर टीएसजी का होने वाला, बट नीचे क्या कोई और टीम होने वाले मिनी मैप में फिलहाल तो नहीं दिख रही है, बट धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। लूट यहाँ पर प्रॉपर्ली करते हुए टीएसजी कहाँ पर स्टैंड करेंगे, थोड़ी देर में हम लोग यार टोटल रैंकिंग भी देखेंगे कौन सी टीम कहाँ पर स्टैंड करने वाली है। तो भाई टोटल रैंकिंग जो भी काफी ज्यादा मैटर करने वाली है कि कौन सी टीम है भाई जो टॉप पे चल रही है। आई थिंक संजीव भाई शायद टोटल गेमिंग हो सकती है, आपके हिसाब से क्या लगता है? बिल्कुल बट टोटल गेमिंग जी हाँ, यहाँ पर टोटल रैंकिंग आ चुकी है, फाइनली देखा जाए तो यहाँ पर हमारी टोटल गेमिंग जस्ट फर्स्ट पर रहने वाली है। तो भाई यहाँ पर भाई भाई मैंने यार आपको पूछा था, आपने देख के बता दिया ये भाई संजीव भाई गाइस यहाँ पर चीटिंग अलग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें सेकंड पोजीशन की तो यार एलवीएल यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे काफी बढ़िया खेलते हुए एंड एलवीएल यहाँ पर काई भाई क्या ही खेल रहे हैं, टीम लावा टीम डी एंड टीम मिलिट भाई ये सब टीम मिलिट आप देख सकते हो गाइस स्टार्टिंग के तीन गेम काफी खतरनाक रहे टीम मिलिट के लिए, कुछ नहीं कर पा रही थी पर फिर जो वापसी इन्होंने की है सीधा टॉप सिक्स में आ चुके हैं, काफी बढ़िया यहाँ पर खेले। जीएक्सआर यहाँ पर 12th पोजीशन पे हमें दिखाई दे रही है, सिर्फ जीएक्सआर यहाँ पर क्या करती है इस बार भी जो है थोड़ा सा गलत गेम इनके लिए रहा है, तो कोई बात नहीं भाई ये वाला हफ्ता जीएक्सआर के लिए थोड़ा सा अजीब सा गया पर भाई आगे आने वाले टाइम में और पिछले टाइम में जीएक्सआर ने काफी मचा दिया ऑलरेडी, तो भाई कोई सीन ही नहीं है, प्रैक्टिस भाई और चाहिए और सभी टीम्स यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आती है। काफी बढ़िया यहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म है game.tvrcx जो यहाँ पर सभी प्लेयर्स को जो है मौका देती है अपना स्किल्स दिखाने के। बात अगर करें गेम की तो भाई 11 टीम और 40 बंदे अलाइव और भाई यहाँ पर भाई जैसे कि मैंने कहा सर्वाइविंग ऑन पॉइंट होने वाली है ये दो गेमों में, तो लेट्स सी यहाँ पर कैसा गेम होता है। और लास्ट वाला जो गेम होने वाला है आई थिंक वो वाला गेम तो काफी जल्दी निकल जाएगा क्योंकि यार सब टीम्स लास्ट वाले गेम में एक दूसरे को दबाने के लिए खेलती है एंड टॉप टीम सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल पर एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, फिलहाल यहाँ पर ब्रदरहुड लगातार फाइट करिए, देखना पड़ेगा सामने यहाँ पे किस प्रकार से जो रेड आई इकलौते पे बचे हो क्या वो यहाँ पर 1v2 निकाल पाएंगे। जी हाँ यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा, दीपू एंड जो एजान यहाँ पर बचे हो क्या वो यहाँ पर शिकार कर पाएंगे। आई थिंक यार रेड आई लगातार ट्राई करते हैं नेट पे, नेट यहाँ पर थ्रो करना चाहेंगे बट कनेक्ट यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि क्रोनो यहाँ पर लगा लिया गया और साथ साथ दीपू क्या यहाँ पर रश करेंगे, वेट करेंगे अपने टीम मेंबर का यार वो उनके साथ जुड़ पाए एंड उसके बाद यहाँ पर लगातार आगे बढ़े। फिलहाल क्या रेड है यहाँ पर पॉसिबल कर पाएंगे, क्या 1v2 यहाँ पर निकालना इतना आसान रहेगा, क्या ये अकेला प्लेयर यहाँ पर मचा कर जाएगा या फिर जो दो प्लेयर यहाँ पर बचे हैं वो लगातार आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो वॉल लगा ली गई है एंड यहाँ पर कैसे आगे बढ़ेंगे वो कहने के स्टैप रहने वाले। फिलहाल एक के बाद एक नेड जो थ्रो करने वाले, रेड आई ऑलरेडी साइड होकर बैठ जाएंगे। जी हाँ MP40 उनके पास चलने वाले, नेड क्या यहाँ पर खूक होगा, दो वॉल्स ऑलरेडी उनके पास आने वाले बट कहने के जो प्लेयर है वो लगातार आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे बट नेड यहाँ पर नहीं रहेगा एंड दोनों ही प्लेयर्स को ऊपर जाना पड़ेगा, एक अच्छी फाइट यहाँ पर पिक करने पड़ेगी। रेड आई ऑलरेडी सेट होकर बैठे हैं, दोनों ही एंगल फ्रेम को देखने मिल रहा है कि प्लेयर्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो रेड आई है क्या लगता है जस्ट क्या होगा, कौन जीतेगा?
तो यहाँ पर रेडाई के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यार गन जो MP40, अगर कोई दूसरी गन होती जैसे M10 या फिर कट्टा या फिर ऐसा कुछ तो शायद कुछ हो सकता, पर MP40 अगर हेड कनेक्ट हो गया तो एक प्लेयर तो सीढ़ियों पे डाउन हो जाएगा। अब देखते सामने वाले बंदे कैसे रश करेंगे यहाँ पर, किस तरीके से। ओह माय गॉड, यहाँ पर काफी बढ़िया मूवमेंट। बिल्कुल भाई, जी पर यहाँ हाँ, पर आई थिंक इजी था शायद, मतलब 2v1 लेना और टावर है तो थोड़ा सा एक गलत मूवमेंट भी बोल सकते हैं थोड़ा सा नीचे आके, पर कोई बात नहीं भाई, गेम है भाई, गेम है भाई, किसी को तो मरना ही है, किसी को तो भूया लेना ही है। तो यहाँ पर काफी बढ़िया, एंड दो प्लेयर्स अब जिंदा, एंड किल्स दो कंफर्म कर लिए, कुछ नहीं तो भाई कुछ तो सही है, एंड थोड़े पॉइंट्स जरूर लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए। अब बस ये दोनों प्लेयर्स का यही काम है यार, सर्वाइव करना और लास्ट में जाके कुछ प्लेयर्स अगर दिखे तो भाई उन्हें मानना। तो ब्रदरहुड, लेट्स सी यहाँ पर कैसा गेम हमें इनके तरफ से देखने मिलता है, क्योंकि 10 टीम्स अब तक जिंदा है, 37 प्लेयर हो चुके हैं पर। एंड अगर बात करें विलन गेमिंग, काफी खतरनाक खेलते हैं विलन गेमिंग, और इनके सामने इन्होंने अभी अभी टीम लावा जो कि ऑलरेडी टॉप 3 में चल रही है भाई, उन्हें जो एक प्लेयर को नॉक कर दिया है। तो यहां पर टीम लावा को जो अच्छे से खेलना पड़ेगा लास्ट के दो गेम, पर यहां पर अभय ओपी जो एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर अपनी टीम के, वो जो है खत्म हो चुके हैं, वो भी ग्रेनेड से। बिल्कुल, यहां पर देखा जाए तो विलन गेमिंग लगातार मचा रहे हैं, यहां पर चारों प्लेयर्स आगे बढ़ेंगे, 6 किल्स ऑलरेडी यहां पर निकाल लिए। फिलहाल बात करना चाहिए गाइस, यहां पर एक के बाद एक टीम एलीट भी लगातार पहाड़, आई थिंक शायद से पहाड़ी लगातार मचाएंगे, तो देखना जाएंगे टीम लीड लगातार पहला किल यहां पर अपने नाम के लेगा, रोटेशन यहां पर अच्छे प्रकार से लेंगे, बट आइकॉनिक यहां पर रहने वाले पहाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे, किलर क्या यहां पर वन टैप कनेक्ट कर पाएंगे, ऊपर टीएचजी रहने वाले, यार इतना आसान नहीं रहेगा, ओपन एरिया से रश करना भी बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा, पहाड़ी लगातार ट्राई करेंगे, बट टॉक कौन यहां से निकल के जाएगा देखना पड़ेगा, माफिया लगातार मचाएंगे, ब्रदरहुड यहां पर एलिमिनेट हो जाएंगे, टोटल गेमिंग यहां पर मचाते हैं, कौन टीम का शिकार क्या यहां पर कर पाएंगे, नीचे टीम हिंद रहने वाले एक के बाद एक किल निकालते, डिलीट यहाँ पर लगातार आगे बढ़ेंगे, क्या बाकी प्लेयर्स को ढूंढ पाएंगे, नेड यहाँ पर परफेक्टली थ्रो किया गया, माफिया अपने लिए जगह बनाकर बैठे हैं, बॉक्सेस का कवर यहाँ पर बना लिया गया, बट कहीं ना कहीं अभी टीम को नहीं पता कि यार दो प्लेयर्स यहाँ पर नीचे की तरफ बैठे हैं, बट एक और टीम यहाँ पर आ जाएगी, हमारा जो यूएवी है वो लोकेशन रिवील कर देगा, यहाँ पर पोल खोलने वाले तो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, फौजी अजय बॉल लगा ली गई, पीछे हटना पड़ेगा, बैक स्टेप यहाँ पर जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, क्या वो यहाँ पर नॉक निकाल पाएंगे, जी ने यहाँ पर कहने की बॉल लगाकर उनको पीछे भी हटना पड़ेगा, कहने के मुश्किल है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ पर डिलीट भी आगे बढ़ेंगे, डिलीट यार हमेशा वुकोंग लेकर आगे जाने का ट्राई करते हैं, बट इस बार उनको नॉक कर दिया जाएगा, दो प्लेयर्स यहाँ पर नॉक देंगे, क्या उनको रिवाइव मिलना आसान रहेगा, अगर डिलीट को रिवाइव नहीं मिला तो शायद से यहाँ पर टोटल गेमिंग के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। बचना मुश्किल नामुमकिन का टीम टीएसजी यहाँ पर भाई भाई फुल मजे लेने आ चुके हैं, क्या ही जबरदस्त तरीके से टीम टोटल गेमिंग को नॉक डाउन कर दिया यहाँ पर, काफी बढ़िया फुल ऑन रश वाला गेम प्ले यहाँ पर, आई थिंक लास्ट के दो गेम टीम टीएसजी की तरफ से देखने मिलने वाले, गाड़ी लेके जो यहाँ पर घूम रहे हैं टीएसजी ऋतिक। तो भाई संजीव भाई क्या कहना चाहोगे, दो प्लेयर्स यहाँ पर, दो ही खतरनाक प्लेयर्स को खत्म कर दिया, कॉन्फिडेंस आई थिंक ऋतिक में आ गया रहेगा ये वाला गेम में, लेट्स सी क्या टीम टीएसजी यहाँ पर वापसी कर पाएंगे, प्रिंस यहाँ पर निकल के एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया प्रिंस ने। बिल्कुल, पर प्रिंस जो यहाँ से निकल के जाना चाहेंगे, बट कहने की अगर गाड़ी फंसी तो शायद से यहाँ पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जी हाँ यहाँ पर लगातार ट्राई करते हो टीएचजी मचाएगी, और देखा जाता है टोटल गेमिंग भी सर्वाइव करने के लिए यहाँ से निकल चुका है, डीबी को लगातार गोलियां यहाँ पर चलाई जाएंगे, आइकॉनिक यहाँ पर नॉक जाएंगे, क्या यहाँ पर रश होने वाला, बट प्रिंस यहाँ पर लगातार एक के बाद एक नॉक निकालेंगे, देखना पड़ेगा, फिलहाल आरडीबी लगातार आगे की तरफ बढ़ते हैं, 8th पोजीशन के ऊपर हमारी टोटल गेमिंग यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, देखना पड़ेगा फिलहाल कितना डिफरेंस वो यहां पर बनाकर बैठे हो, तो यार ऑलरेडी 15 पॉइंट के डिफरेंस बनाकर बैठे हो तो टोटल गेमिंग को कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो ऑलरेडी यहां पर अच्छे पॉइंट्स निकाल कर गए, तो यार आगे भी बढ़ेंगे, अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे, बट टीम लीड दो ही प्लेयर्स अलाइव रहेंगे, नेट यहां पर थ्रो किया जा रहा है, एलवीएल वर्सेस यहां पर टीम लीड, गाइस कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में आपको बताना, और साथ ही साथ लाइक करना स्ट्रीम को, क्या हम लोग यहाँ पर 21,000 लाइक जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, जी हाँ यहाँ पर विहान एक तरफ रहने वाले लगातार गोले चलाएंगे स्नाइपर फिर से एक बार, बिल्कुल यहाँ पर लेट्स सी। तो भाई यहाँ पर जो भाई विहान ने जो स्नाइपर ले लिया, और यार काफी लोग कमेंट में बोल रहे थे कि टीएसजी को एक स्नाइपर प्लेयर की जरूरत है, आई थिंक विहान जो है वो रोल पूरा का पूरा निभाने वाला, अब यहाँ पर फाइट एकदम खतरनाक होने वाली है, ऋतिक यहाँ पर जो रश कर रहा है, ऋतिक जो है ऊपर रिच से जो ऊपर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर बस हेडशॉट ना पड़ जाए, ऋतिक अगर यहाँ पर डाउन हो गया तो चेंजिंग मूवमेंट शायद टीम टीएसजी के लिए हो सकता है, ये क्या भाई यहाँ पर अपनी टीम को पूरी की तरह आगे बुलाते हुए टीम टीएसजी फिर से एक बार क्या एक और गेम कुछ कर पाएगी, यहाँ पर काफी बढ़िया ग्रेनेड जरूर फेंका है, एक दो गोलियां मारी, काफी बढ़िया ग्रेनेड यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, ऋतिक यहाँ पर रश करेंगे एंड यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से नॉक डाउन करेंगे टीम डी के लिए फिर से एक बार, फुल स्ट्रीम टीएसजी इज ऑन फायर गाइस, फिर से एक बार 5 किल यहाँ पर कर दिए, एक और किल आई थिंक यहाँ पर ले लेंगे, टीएसजी का परफॉर्मेंस ठीक रहा पर ये गेम में
आई थिंक किल्स निकाल के टीम टीएससी इज बैक गाइस। यहां पर आखिरी बंदा बचा है, लेजेंड अब तक जिंदा है, लेजेंड यहां पर क्या हेडशॉट दे पाएगा बिल्कुल देखना पड़ेगा। 5 किलो यहाँ पर निकाली गई M79, यहाँ पर लेजेंड का चला पाएंगे क्या कनेक्ट होगा जी हाँ, यहाँ पर टीम डी एलिमिनेट हो जाएगी। देखते देखते यहाँ पर छठा किल टीएससी अपने खाते में उतार लेंगे जी हाँ। यहाँ पर टोटल 6 टीम्स बची रहेंगे, 19 प्लेयर्स यहाँ पर लाइव रहने वाले, इंतजार रहेगा। तो गाइस आप लोगों के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। फिलहाल टीएससी मचा रही है, आप लोग भी मचाइए, टीएससी लगातार आगे बढ़ेगी। 6 किल, आई थिंक यार हम लोग एक बार मैप देखना चाहेंगे, हमारा सर्कल किस तरफ जाने वाले हैं, कौन सी टीम्स को कैसा रोटेशन यहाँ पर लेना है देखा जाए। तो यहाँ पर हमारी जो टीएसजी है वो ऑलरेडी सेंटर यहाँ पर कवर अप करके बैठी रहेगी, टीम लीड लगातार ऊपर आने का ट्राई करेगी। बट यहाँ पर एक सवाल मेरे लिए यहाँ पर होने वाला जश आपके लिए, वो थोड़ी देर में पूछूंगा। बट यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है विलन गेमिंग वर्सेस टीम लावा, कौन यहाँ पर जीतेगा। चलते हैं वापस से फाइट की तरफ और जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से टीम्स लगातार गोलियां चलाएंगी। विलन 25 आई थिंक लगातार आगे बढ़ते हैं, देखा जाए टून से यहाँ पर यार बहुत ही अच्छे प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक नॉक यहाँ पर निकालेंगे, बड़ी कौन नॉक निकाल पाएंगे जी नहीं नहीं। यहाँ पर सागर ने जो नॉक कर दिया काफी बढ़िया, हेल्थ काफी कम कर दी थी, पर टून्स को जो थोड़ा सा बच के रहना था और दो प्लेयर एक साथ अगर रश करते तो शायद बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता, टून्स यहाँ पर जो खत्म हो जाएंगे। विलन यहाँ पर नॉक डाउन हो चुके भाई ऊपर से, ये चेंजिंग मूवमेंट आई थिंक हो सकता है पूरी की पूरी टीम के लिए, इकट्ठा ओपी बोलते भाई संदीप। यहाँ पर टीम लावा काफी बढ़िया तरीके से खेलते हैं, टीम लावा कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, यहाँ पर पूरी की पूरी टीम ने रश कर दिया। यहाँ पर क्या एक और नॉक यहाँ पर निकल पाएंगे, संदीप गेमर कट्ठे के साथ रेडी बैठे एंड दूसरी तरफ सागर भाई भी रेडी बैठे M14 के साथ, दोनों ही शॉर्ट रेंज गन है एंड सामने भी सेम गन है, लेट्स सी क्या होगा। यहाँ पर मारने की पूरी पूरी कोशिश क्या करेंगे टीम लावा, यहाँ पर हर तरीके से ग्लू वॉल्स लगा दिए सामने, विलन गेमिंग रश फुल कर रहे हैं और गैस 25,000 लाइक बनते हैं बिल्कुल। अब देखना पड़ेगा फिलहाल इकलौते प्लेयर बचे रहेंगे, क्या वो यहाँ पर नॉक निकाल पाएंगे जी, यहाँ पर ट्राई पूरे करेंगे, एक के बाद एक नॉक निकालते हैं, ट्राई यहाँ पर करते करते कौन नॉक यहाँ पर निकाल लेंगे जी, यहाँ पर क्या ट्राई कर पाएंगे देखना पड़ेगा। फिलहाल दो नॉक यहाँ पर निकालेंगे, एक और किल क्या अपने नाम कर पाएंगे, ट्राई यहाँ पर पूरा पूरा करना पड़ेगा। 1v4 यहाँ पर निकालने क्या आसान रहेगा, संदीप गेमर यहाँ पर लगातार बचाएंगे एंड ट्राई पूरा पूरा करेंगे, जंप एंड शूट करने के साथ जी हाँ यहाँ पर वाली कर दिखाएंगे विलन गेमिंग, यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए जाएंगे यार। ये अकेला प्लेयर संदीप गेमर ने यहाँ पर मचा कर दिखाया। तो गाइस यहाँ पर आपको यार 25,000 लाइक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने पड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना पड़ेगा। गेम भाई गेम भाई गेम भाई हैशटैग संदीप गेमर भाई, मुझे नहीं पता लग जाना चाहिए क्या ही खतरनाक तरीके से खेला है एंड दूसरी तरफ लेजेंड ड्रैगनों से हेडशॉट दे दिया किसी प्लेयर को, तो काफी मजा आ रहा है। टीम टीएसजी एंड संदीप गेमर अकेले मचा रहे, पर यहाँ पर एक रिस्क वाला गेम होने वाला, संदीप गेमर जिसकी अभी अभी इतनी बड़ी भारी गेम देखे वो भी शायद टीएसजी के चंगुर में आ सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें टीम टीएसजी लॉन्चर यहाँ पर खतरनाक सा लॉन्चर लेजेंड भाई की तरफ से, एक और प्लेयर यहाँ पर खत्म, टीम टीएसजी फायर आखिरी दो गेम और सेकंड लास्ट गेम में टीम टीएसजी 8 किल, पूरी की पूरी टीम जिंदा है एंड 4 प्लेयर अब अलाइव है, आई मीन 4 टीम्स अब जिंदा है। क्या लगता है संजीव भाई क्या कुछ हो पाएगा यहां पर? बिल्कुल यहाँ पर फो हो जाएगा क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो सिर्फ एक मैच यहाँ पर अगर टीएससी टॉप करके जाएगी तो वो डायरेक्टली हमको टॉप 5 में नजर आ जाएगी, लास्ट गेम यहाँ पर उनको अच्छा खासा निकालना पड़ेगा जिससे वो डायरेक्टली हमको टॉप 1 पे भी ट्राई कर सकते हैं। टॉप 1 थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर रहेगा बट यार नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, फिलहाल ट्राई करेंगे टीएससी लगातार आगे बढ़ेगी। 8 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर केल से निकालेंगे, सर्वाइवल पॉइंट उनको यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। अभी यार 12 प्लेयर्स बचे हुए आई थिंक देखा जाए तो अच्छी खासी खेल वो अभी भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, टीएससी यूनाइटेड यहाँ पर सर्वाइव करें कहने के 3 प्लेयर्स उनके पास भी अलाइव रहेंगे, सामने यहाँ पर कौन सी टीम आने वाले आई थिंक वो देखना पड़ेगा। बट कहने के टीएससी लगातार ट्राई करेगी आगे बढ़कर रश करना, क्या इतना आसान रहेगा, सास के यहाँ पर नॉक हो जाएंगे एंड ये रश कितना ज्यादा कामयाब रहेगा, जस्वी को यहाँ पर नॉक कर देंगे, देखते देखते रिवाइव मिलना क्या आसान रहेगा जी नहीं, यहाँ पर जारविस को मौका नहीं देंगे एंड 3v3 फाइट यहाँ पर कन्वर्ट कर ली गई है। तो भाई यही देखना बाकी था भाई, जो भी अपनी टीएससी की ऑडियंस है भाई देख लो भाई एपिक मूवमेंट यहाँ पर आ चुका है, टीम टीएससी वर्सेस टीम टीएससी एंड काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी मतलब ऐसे कैसे, तो भाई ये जगह स्ट्रीम फुल ऑन डीले चल रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, एकदम मजा आ रही है। 2-5 मिनट का डीले चल रहा है एंड यहाँ पर क्या होगा, वियान ऋतिक एंड लेजेंड तीनों ही बच्चे हैं, यहाँ पर ओजस्वी डाउन हो गया, ओजस्वी को यहाँ पर जब बच के खेलना था थोड़ा, टीम टीएससी यूनाइटेड वर्सेस टीम टीएससी यहाँ पर ऋतिक का कट्ठा ले लिया एंड किस तरीके से खेलेंगे, आई होप यहाँ पर टीम टीएससी जीते भाई, कोई भी जीते पर टीम टीएससी शायद यहाँ पर कुछ कर सके, लेजेंड के पास यहाँ पर लॉन्चर है एंड संजीव भाई क्या लगता है क्या लेजेंड यहाँ पर लॉन्चर अच्छे से चला है तो टीम टीएससी यूनाइटेड यहाँ पर खत्म हो सकती है? बिल्कुल खत्म तो होगी बट कहने के जो प्लेयर्स है वो ऑलरेडी पीछे हटकर जा चुके, तो यहाँ पर पता चल चुका है लगातार गोले चलानी पड़ेगी, ऋतिक यहाँ पर लगातार ट्राई करेंगे, एक के बाद एक शॉट यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, साहब यहाँ पर चलाना चाहेंगे, यहाँ पर एक शॉट जो है कनेक्ट किया गया बट फाइनली आगे बढ़ना पड़ेगा, M79 यहाँ पर चलानी पड़ेगी, क्या पूरी की पूरी टीम यहाँ पर कनेक्ट हो पाएगी जी ने, ट्राई तो पूरा पूरा करें बट सेफली यहाँ पर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, नॉक यहाँ पर निकालना पड़ेगा
यार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पर देते हो, एक के बाद एक नॉक शाम में निकालेंगे, लेजेंड लगातार बचाएंगे। एक और पेयर शॉर्ट रेंज में आ चुके हैं, जी हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं फिहान एक लौते पे बचे रहेंगे, मुश्किलों भरा गेम इनके लिए होने वाला। डबल स्नाइपर उनको यहाँ पर चलानी पड़ेगी, बट कहने के अगर डबल एम ए टू भी होती तो शायद से विहान यहाँ पर पॉसिबल कर देते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर लो भाई टीएससी का चेंजिंग मूवमेंट हो चुका है, टीएससी यूनाइटेड ने यहाँ पर भाई खत्म कर दिया है टीम टीएससी को। लेट्स सी यहाँ पर एक ओपी सा ग्रेनेड, जी नहीं अब और दो ग्रेनेड बचे, यहाँ पर जारविस फुल रश कर रहे हैं, यहाँ पर बियान का बचना मुश्किल है, नामुमकिन हो जाएगा जी। ओ यहाँ पर काफी बढ़िया बियान खेलते हुए, ओ माय गॉड व्हाट द हेल भाई ये क्या किया, अरे यार ओ भाई क्या था भाई, यहाँ पर पूरी टीम को जो विहान ने ले लिया था, पर यहाँ पर पीछे से एलवीएल नोनू ने जो फुल मजे ले लिया, यहाँ पर ओपीसा बुया लेके चले गए, काफी ज्यादा मजा है भाई, क्या ही खतरनाक से गेम हुआ भाई। अगर मेरा भाई ये लोग फेस कैम ऐड करते क्या ही रिएक्शन था यहाँ पर, क्या ही मजा आ गया, बहुत ओपी गेम टीम टीएसजी की तरफ से, दोनों टीएसजी ने काफी बढ़िया खेला, एलवीएल क्या ही दिमाग से खेला, उन्होंने जो बिल्कुल भी मस्ती नहीं की संजीव भाई, जब दूसरी फाइट चल रही थी बैठे रहे पीछे, काफी बढ़िया लास्ट में जो है एक अच्छा खासा पॉइंट्स और भूया लेके गए, काफी सही टीम टोटल गेमिंग ने काफी बढ़िया खेला, पर पीछे से वहां पर जो है मर चुके, तो वो एक गलत सीन हुआ, तो सभी ने काफी बढ़िया खेला, टीम लीड ने इस बार थोड़ा सा भाई गलत खेला पर काफी मजा आया, पिछले गेम्स काफी सही थे। संजीव भाई आखिरी गेम बचे, अब क्या लगता है क्या होगा, बिल्कुल फाइनल मैच बचा है, यहाँ पर एलवीएल मित्रास्तु लगातार ट्राई कर रही है, भूया पे भूया यहाँ पर निकालने पर टीएचजी भी कम नहीं है, सेकंड पोजीशन लेकर गई, कमबैक बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ पर किया गया, एंड विहान ने वो करके दिखा दिया जो हमने सोच भी नहीं रहते कि यार पॉसिबल हो पाएगा, बट अकेला प्लेयर यहाँ पर सामने वाली टीम को तहस नहस करके अपने लिए सेकंड पोजीशन लेकर जाएगा, एंड पीछे से यार एक गोली चलेगी एंड वो एलवीएल अमित्रासु की थी जो यहाँ पर भूया निकाल ली गई थी, सेकंड टाइम सेम सीन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला, तो अभी यहाँ पर गाइस लास्ट मैच बचा हुआ, कालाहारी मैच बचा रहेगा, अनप्रिडिक्टेबल ये मैच रहने वाला, डिसाइड कुछ भी नहीं होने वाला कौन सी टीम के पास सर्कल जाएगा, बट एक चीज श्योर रहेगी यार हर एक टीम लड़ाई करेगी टॉप फाइव के अंदर आने का, प्राइस पूल जीतने का पूरा पूरा ट्राई यहाँ पर करना पड़ेगा, एंड स्टार्टिंग में यार हर एक टीम लड़ाई करेगी, एंड जब तक हमारा थर्ड सर्कल बनेगा वहां पर ऑलमोस्ट यार चार से पांच टीम रहेंगे, ऑलमोस्ट यार 15 प्लेयर्स अलाइव रहेंगे, तो जी अब यार मैंने जो अभी भी लाइक्स देखे तो यार 22 के लाइक्स हो चुके भाई, उसको जल्दी से गाइस 25,000 लाइक करो भाई, क्या ही आप लोगों को गेम दिखा रहे भाई हम लोग, और मतलब हमारी कमेंट्री करने में फट रही है, ऐसे ऐसे सीन में लॉन्चर यहाँ पर एकदम ओपी चल रही है, यहाँ पर स्नाइपिंग एकदम ओपी चल रही है, टीम वर्क यहाँ पर काफी सही चल रहा है, स्ट्रेटेजी वूकॉन्ग टीम टोटल गेमिंग टीम टीएसजी इलीट सबकी सब टीम काफी खतरनाक चल रही है, और अब यहाँ पर आखिरी गेम होने वाला है जिसमें आने वाला है सबसे ज्यादा मजा, तो भाई यही गाइस प्रॉफिट होता है यहाँ पर टीएसजी ग्रैंड फाइनल देखने का, क्योंकि सभी के सभी फेवरेट एंड टॉप टीम्स यहाँ पर आती है खेलने के लिए और प्राइस पूल लेने के लिए एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, यहाँ पर संजीव भाई तो है ही है भाई आपको दिखाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी, तो भाई काफी मजा आती है, आखिरी गेम है, लेट्स सी गाइस, अकेले आप बैठे रहो एक कोने में एंड आपने इतने मैचेस तो देख लिया, अभी आखिरी मैच भी देख के जाना और भाई रिजल्ट देख के जाना कि कौन लेके गया है भाई इतना बड़ा प्राइस पूल, बिल्कुल पर हमारा जो लास्ट मैच है वो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, तो गाइस यहाँ पर उम्मीदें होने वाले लास्ट मैच यार बिल्कुल सेट होकर बैठ जाओ अपने सोफे पे बैठ पे जहां पर भी बैठा है, यहाँ पर लास्ट मैच स्टार्ट हो चुके हैं, बात के लिए प्लेन पाथ यहाँ पर हमारा सिंपल रहेगा, सेंटर ऑफ द मैप से जाएगा टीम से पर टीम लेवल लगातार हॉट जोन की तरफ जाने का पूरा पूरा बिलीव करेंगे, फिलहाल टीएसजी आई थिंक शायद से दसअप के ऊपर उतरना चाहेंगे और साथ साथ विलियन गेमिंग दमेश के ऊपर जाना चाहेंगे, उनके साथ यहाँ पर गैलेक्सी रेसर जल्दी फाइट हमको ले जाएंगे, दोनों ही टीम सर हार नहीं मान रही, विलियन गेमिंग इस बार गैलेक्सी रेसर के साथ कैसे फाइट लेगी, क्या GXR यहाँ पर उनको एक मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी वो यहाँ पर देखना पड़ेगा, लगातार आगे बढ़ती हुई इनके हर एक टीम यहाँ पर बेफ्रंट के ऊपर हमारी टीम डी वर्सेस टीम हिंद यहाँ पर होने वाला देखा जाए, फिलहाल वासियो पर लगातार ट्राई करेंगे, जी हाँ आगे बढ़ेंगे, विलन गेमिंग क्या यहाँ पर शिकार कर पाएगी वासियो, आई थिंक पीछे ना पड़ेगा एंड यहाँ पर P90 उनके पास रहने वाली, क्या लगता है जश कौन इस बार जीतेगा इन दोनों में से, तो भाई शायद से गाइस यहाँ पर संजीव भाई यहाँ पर आई थिंक विलन गेमिंग हो सकती है, अब पता नहीं इनकी लूट कैसे GXR वालों की, आई थिंक बीआरसी के पास काफी बढ़िया वाली भी लूट यहाँ पर दिखने वाली है, कुछ भी हो सकता है, चारों ही काफी कंपटीशन वाला गेम दे रहे हैं, यहाँ पर एलिमिनेट होगा गलत सीन, यहाँ पर काफी ज्यादा कम हेल्थ, यहाँ पर डाउन जरूर किया सामने वाली टीम को, भाई काफी सेफली खेलते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं टून्स फुल ट्राई कर रहा है मारने की, टून्स टून्स संभाल के मेरे भाई टून्स संभाल के, काफी बढ़िया यहाँ पर कवर पीछे से मिला है, GXR गॉट दिस गेम आई थिंक, यहाँ पर चारों के चारों बंदा जिंदे आई थिंक, GXR लेट्स डू इट, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, फिलहाल वासियो पर नॉक जाएंगे, देखते देखते विलन के ऊपर लगातार गोले चलाना चाहेंगे, बारसो बॉय क्या अपने प्लेयर को रिवाइव दे पाएंगे, जी हाँ आगे बढ़ना पड़ेगा, ऑग वेब पर उनके पास है कि बट कहने की यार वासियो को अगर रिवाइव नहीं मिलता तो शायद से मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाएंगी, ट्राई पूरा पूरा करेंगे विलन 25 यहाँ से निकलने का ट्राई करते करते कहीं ना कहीं एक और बार गोलियां यहाँ पर कनेक्ट कर दी जाएगी, वासियो को रिवाइव मिलना बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल रहेगा, प्लेयर्स आगे जाएंगे बट कहने के वीआरसी को भी नॉक कर देंगे, देखते देखते
यहाँ पर विलन गेमिंग लगातार मचा रही है, बट आखिरी किल यहाँ पर गैलेक्सी रेसर निकाल गए 4 kills। इस बार जो है वो रिवेंज पूरा का पूरा ले ले गैलेक्सी रेसर, एक के बाद एक सेंट्रल पर विलन गेमिंग जीत रही थी, बट इस बार यहाँ पर हमारी कालारी मैप में गैलेक्सी रेसर जो है वो रिवेंज लेकर उनको बैक टू लॉबी कर देगी। यार आपका सफर यहीं तक था, आपके मैचेस खत्म हो चुके, आप लोग जाइए वापस से लॉबी में। तो भाई यहाँ पर भाई अगर भाई मैं भले ही TSG से हूँ भाई, मुझे काफी अच्छा लगता है भाई, मेरी टीम्स मुझे काफी अच्छी लगती है, पर अगर बात करें वासियो भाई की, तो वासियो भाई की टीम भी जो मुझे काफी अच्छी लगती है, जैसे टीम इलीट हो गई एंड GXR, ये दोनों ही गाइस मेरी जो है फेवरेट टीम है, मेरी ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा, काफी मजा आता है उनका इनका जो गेम देखने का, मतलब आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या कब होगा। तो भाई मेरी भाई टीम TSG है, पर भाई मुझे दूसरी टीम्स काफी अच्छी लगती है, उनसे अच्छी लगती है, तो भाई काफी मजा आता है मुझे ऑलरेडी कास्टिंग करने में, क्योंकि जब मेरी टीम वर्सेस सामने GXR इलीट की फाइट होती है तो और भी ज्यादा मजा आती है, क्योंकि भाई भाई गेम काफी टक्कर वाला होता है। टीम डी की पर बात करें, संजीव भाई टीम डी यहाँ पर अब क्या मचा सकती है, यहाँ पर पूरी की पूरी एकदम अच्छे से खेल रही है, एंड सामने टीम हिंद है, यहाँ पर ग्रेनेड जरूर जो है रितिक स्टार लेंगे, रितिक स्टार लेट्स सी यहाँ पर क्या ग्रेनेड कनेक्ट कर पाएंगे, किसी को नॉक कर पाएंगे, बिल्कुल अब देखना पड़ेगा। फिलहाल लगातार आगे तो बढ़ रही टीम डी के साथ, यहाँ पर टीम हिंद होने वाली, क्या यहाँ पर कौन सी टीम पॉसिबल करेगी, क्या टीम हिंद ऊपर जा पाएगी, यहाँ पर सीके लगातार ट्राई करेंगे। आई थिंक यार यहाँ पर जो एडवांटेज है वो टीम हिंद के पास रहने वाला, क्योंकि ग्रैपलिंग हुकन की मदद से वो ऑलरेडी छत के ऊपर चढ़कर बैठ चुके हैं, जहां पर टीम डी को पीछे हटना पड़ेगा, नीचे जाने का ट्राई करें, बट कहने यार इसलिए को पकड़ने का पूरा पूरा ट्राई करने में यहाँ पर आगे भी बढ़ेंगे, बट सी के ऊपर क्या यहाँ पर नॉक कर पाएंगे, जी हाँ यहाँ पर किशन को पकड़ गया ऊपर में, और साथ ही साथ एक से एक और प्लेयर को नॉक करने का ट्राई यहाँ पर करना चाहेंगे, बट यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एक किल अपने खाते में ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ, एक और किल क्या यहाँ पर जोड़ पाएंगे। यहाँ पर देखा जाए टीम डी पहले ही भाप लिया था उन्होंने, यार कहने के हमारे ऊपर मुश्किलें बढ़ेंगी, तो यार वो नीचे उतर कर रहा है, एक प्लेयर को पकड़ा एंड दूसरे कंपाउंड में यहां पर चले गए। फिलहाल 11 टीम्स अलाइव रहने वाली, एक और किल यहां पर जल्दी से जल्दी कंफर्म कर लेना चाहिए। आई थिंक शायद जो प्लेयर यहाँ पर नॉक को किल करके, यार वो जो प्लेयर रहते हैं ना नॉक वाला, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वही यहाँ पर हुआ है। और देखा जाए तो जो प्लेयर नॉकते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा था किशन यहाँ पर नॉकते, बट पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी टीम को दे रहे थे कि यहाँ पर दो प्लेयर खड़े हुए, एक नेट थ्रो करो एंड दोनों प्लेयर नॉक हो जाएंगे, वही यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो भाई ये क्या ही ओपी मूवमेंट हुआ, यहाँ पर एक ही ग्रेनेड दो बंदे खत्म, एंड काफी बढ़िया मजा आई, टीम इन ओपी भाई 4 kills यहाँ पर जो किल कंफर्म कर लिए है, एंड 2 seconds पहले यहाँ पर देखा संजीव भाई क्या क्रोनो एंड वुकोंग दोनों साथ में यूज हुआ, तो भाई ऐसा लगता है भाई दोनों एक दूसरे के सौतन है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई तू है तो साला मैं नहीं रहूंगा, ऐसा वाला सीन यहाँ पर जो लोगों ने हाइप क्रिएट कर दी है इन दोनों के लिए, पर दोनों गाइस अपनी जगह पे एकदम सेफ है। अब जैसे कि क्रोनो की अगर बात करें, पिछले गेम में मैंने देखा कि एक बंदे पे लॉन्चर या फिर ग्रेनेड गिरा और उसी सेकंड पे उसने जो है भाई यूज कर दिया क्रोनो और वो बच गया, एंड अगर वही चीज अगर दूसरे के साथ होती तो शायद मर जाता, एंड यहाँ पर भाई टेबल पॉइंट्स आ चुके हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हो टीम टोटल गेमिंग इज ऑन टॉप 74, तो भाई हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, पर LVL अगर ये गेम में अगर कुछ करे और टीम टोटल गेमिंग अगर कुछ ना करे तो भाई टेबल पूरा ही हिल जाएगा, संजीव भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्या होगा क्या लगता है भाई, फाइनल मैच यानी कि लास्ट मैच यहाँ पर चल रहे हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो GXR है उन्हें भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 4 kills जरूर किया, GXR अगर भूया करे अच्छे खासे किल के साथ तो शायद टॉप में आ सकती है। बिल्कुल, पर एक बात रहने वाली, जैसे कि हमने बोला THC आर्मी यहाँ पर टॉप 5 के अंदर आ जाएगी, तो टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं, एक और गेम ये लास्ट मैच यहाँ पर होने वाला है, अगर अच्छे से भूया निकालते तो शायद से टॉप 3 के अंदर हमको नजर आ जाएगी, तो यार इजीली एक अच्छा गेम निकालना पड़ेगा, टोटल गेमिंग यहाँ पर उनको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यार फर्स्ट पोजीशन गवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे से LVL किसी भी वक्त यार अपने अच्छे पॉइंट्स निकालेगी आगे बढ़ेगी, बट यहाँ पर TSG यूनाइटेड जो लगातार आगे बढ़ना चाहिए, और देखना पड़ेगा फिलहाल यार ग्रैपलिंग हुकन का कितने अच्छे से फायदा उठाएंगे, मदारा लगातार आगे बढ़ते हो, हाई ग्राउंड यहाँ पर सास्के ने अपने फेवर में निकाल लिया है, वॉल्स यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, बट कहने के डेंजर जोन ने 10 यहाँ पर दे दी थी, यार थोड़ा सा भी चढ़ना पड़ेगा नहीं तो मीटर शावर आई थिंक इनको नॉक भी करेंगे, इनके वेस्ट भी इनसे छीन लेंगे, तो भाई यहाँ पर थोड़ा संभल के अभी जरूर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर अगर गया और भाई वहां पर कोई नॉकडाउन हो गया और किस पे अगर ग्रैपलिंग हुक नहीं हुई तो भाई सीन हो जाएगा, वैसे मदारा के पास जरूर है। टीम एलीट की अगर बात करें, अच्छी खासी ग्लू वॉल है, मतलब यहाँ पर जो ग्लू वॉल बना रहे आइकॉनिक भाई वहां पर मस्त पीछे जो है ऐसा लग रहा है अंडा रख दिया वहां पर एक छोटा सा, और भाई मतलब पैदा होने रख दिया कि भाई चलो अभी और ग्लू वॉल आएगा और फिर मजा आएगा, तो यहाँ पर लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा, टीम एलीट यहाँ पर अचानक से जो मतलब एकदम फॉर्म में लग रही है, एंड यहाँ पर किलर के पास ग्लू वॉल, देखो संजीव भाई क्या मतलब ये ग्लू वॉल देख के क्या ही कहना चाहोगे,
बिल्कुल, पर वॉल्स जो है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड वॉल्स यहाँ पर बहुत अहम रोल निभाती है अगर देखा जाए तो, और आगे बढ़ना हो, सर्कल में जाना हो, या फिर वॉल पे वॉल आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि यार आज के टाइम ऐसा डबल स्नाइपर प्लेयर के पास रहती है, यानी कि डबल एमए टू भी रहती है, और एक के बाद एक वॉल के पार डैमेज पड़ता है, तो यहाँ पर दो दो वॉल्स आपको लगानी पड़ती है, आपकी टीम को भी बचाना पड़ता है, सेफली आगे भी यहाँ पर बढ़ना पड़ता है। बट इस बार गैलेक्सी रेसर किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, यार ऑलरेडी चार किले यहाँ पर निकाल कर बैठे हो, अगर यहाँ पर टीम लावा का एलिमिनेट कर दिया गया तो थर्ड पोजिशन जो है वो यहाँ पर गवा देंगे, और देखते देखते एक प्लेयर को नॉक किया गया, फिलहाल देखना पड़ेगा लगातार क्या बात सब अपने आपको बचा पाएंगे, यहाँ पर टीम लावा अच्छी खासी प्रकार से आगे बढ़ी, और देखते देखते वीआरसी यहाँ पर अपने को रिवाइव तो जरूर दे देंगे, बट कहेंगे पीछे से गॉप ले रहेंगे, वीआरसी के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ेंगे, यहाँ पर उनको पीछे हटना पड़ेगा, एंड अपने को रिवाइव देना क्या आसान रहेगा वो यहाँ पर देखा जाएगा, लगातार वॉल पे वॉल लगाकर अपने को रिवाइव देंगे, एक नॉक यहाँ पर निकालेंगे, और साथ ही साथ वाचियो लगातार आगे बढ़ेंगे, क्या एक और नॉक निकालना संभव रहेगा, बट कहेंगे वॉल तोड़ने का पूरा पूरा ट्राई यहाँ पर गैलेक्सी रेसर करने वाले वासु यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, ट्राई करते करते कॉर्ड नॉक यहाँ पर निकाला जाएगा, चीना यहाँ पर एक लॉक प्लेयर बादशाह वो यहाँ पर बचेंगे, क्या मुमकिन कर पाएंगे, क्या टीम लावा यहाँ पर जाएगी, जी हाँ गैलेक्सी रेसर यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी, चार किल्स यहाँ पर टीम लावा अपने फेवर में निकाल लेगी। भाई संजीव भाई चेंजिंग मोमेंट यहाँ पर जीएक्सआर के लिए, पर कोई बात नहीं, ये जो टीम है भाई टीम लावा भाई गलत खेल रहे हैं यहाँ पर, लगता है भाई सुनीता ने फुल जो ट्रेनिंग दे दी कि भाई तुम लोग खेलो भाई मुझे नहीं पता भाई, बस जीत के आना है मुझे नहीं पता, कोई भी टूर्नामेंट हो तो यहाँ पर टीम लावा भाई गलत मचा रही है, काफी ज्यादा मजा आ रही है जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं, जिस पावर में लोग खेल रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो वासियो ने जो है अपने टीम मेंबर्स को रिवाइव दे दिया था संजीव भाई, और उठा भी लिया था, पर तो भी एक टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर दिया, एंड कहीं ना कहीं टीम लावा गॉट दिस गेम, एंड टीम टोटल गेमिंग की बात करें यहाँ पर ऋतिक को डाउन कर दिया है, लो भाई यहाँ पर भाई वर्सेस हो चुका है, इस तरफ की टीम टीएसजी लेजेंड को भी यहाँ पर डाउन करता है, थोड़ा टीम टीएसजी को थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा, क्योंकि टोटल गेमिंग यहाँ पर फुल ऑन नॉक कर रही है भाई। देखा जाए तो यहाँ पर हर टीम के माइंड सेट यही रहेगा कि यार टोटल गेमिंग जैसे यहाँ पर आगे बढ़ना चाहेगी, वो सोचेगी सिर्फ हम लोगों को फर्स्ट पोजिशन कैसे भी निकालना है, तो यार यहाँ पर हमको भूजा निकालना पड़ेगा, अच्छे किल पॉइंट उनको निकालने पड़ेगा, क्योंकि यार पीछे से एलवी लमेसरा किसी भी वक्त यार अच्छे किल्स के साथ ऊपर बढ़ सकती है भाई। यहाँ पर भाई अब टीएसजी के लिए भाई गेम चेंज मोमेंट हो चुका, अब ये वाला गेम जो है मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कुछ हो सकता है, पर ओजस्वी विहान है तो और कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। अब सर्वाइव एक मेन पॉइंट होने वाला है यहाँ पर कि कैसे सर्वाइव करेंगे, सामने एक और टीम है एंड भाई ये लोग उसी तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आई थिंक फाइट देखने मिल रहा है, टीएसजी शायद थोड़े ही टाइम के मेहमान होने वाला, पर कोई बात नहीं, काफी बढ़िया यहाँ पर जो गेम देखने मिला, पर संजीव भाई कुछ भी हो सकता है, तो काफी ज्यादा मजा आएगी, और मैं हूँ सिंचन नोहरा, संजीव भाई कैसे हुआ, कैसा लगा संजीव? यार मैं एकदम मस्त हुआ बोल नहीं पाऊंगा लेकिन मैं मस्त हुआ, लेकिन आगे बढ़ेंगे, फिलहाल आशीष यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, रिवाइव मिलने के आसान रहेगा, ट्राई यहाँ पर पूरा पूरा करेंगे, फ्रीक लगातार आगे बढ़ते, गोलियां यहाँ पर चलाएंगे, जी यहाँ पर ट्राई करेंगे, टोटल गेमिंग का शिकार क्या यहाँ पर कर पाएंगे, राइट साइड में एक और टीम उनके पास रहने वाले, फिलहाल लास्ट मैच यहाँ पर रहने वाले गाइस, और आखिरी मौका आपके पास भी रहेगा, जल्दी से आप लोगों का लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर टीम हिंद भी होने वाली है, हमारी टेन की उन गेमिंग भी होने वाली, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो भाई कमेंट एकदम भाई फ्री है, तो भाई जाओ यार फ्री का माल लूटो, नीचे कमेंट बताओ क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी। ओ माय गॉड यहाँ पर टीजी डिलेट भाई एक ओपी सा प्लेयर टीम टोटल गेमिंग के यहाँ पर लग रहे हैं, काफी बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, यहाँ पर अगर पीछे से बात करें तो दो प्लेयर वहां पीछे से निकल रहे हैं, ओजस्वी एंड व्यान यहाँ से, एंड डिलीट लगातार किल्स पे किल्स किए जा रहे हैं, नॉक पे नॉक किए जा रहे हैं, तो संजीव भाई यहाँ पर डिलीट जो नया प्लेयर है आई थिंक यार टाइम हो चुका है थोड़ा सा, पर डिलीट यहाँ पर टीम टोटल गेमिंग के लिए काफी बढ़िया प्लेयर साबित हो रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल यहाँ पर साबित हो गए, फिलहाल यहाँ पर बात करना चाहेंगे यार टीम हिंद, यार पहले जो डिलीट थे वो यहाँ पर टीम हिंद में खेलते थे, इससे पहले इनका नाम जो था वो हैक्स ईस्पोर्ट करके था, तो यार हैक्स ईस्पोर्ट से यहाँ पर टीम हिंद में गए, टीम हिंद के बाद यहाँ पर टोटल गेमिंग में डिलीट एंड माफिया हमको नजर आए, तो यार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत अच्छा गेम प्ले कहने का, बहुत जल्दी यार ये जो दोनों प्लेयर्स है ना डिलीट एंड माफिया, इनका जो गेम प्ले था वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, जाकि लाइक जो और प्लेयर्स होते ना वो इतनी जल्दी अपना नाम नहीं बना पाते, बट इनका नाम बहुत जल्दी बन गया है। तो भाई एकदम भाई मतलब नाम तो भाई एकदम इजी बनेगा संजीव भाई, अगर आपको भी पता है अगर आपको भी नाम बनाना है भाई ये सब चीजों में, तो बस आपको एक अच्छा सा ओपी सा गेम प्ले और अपनी टीम को लीड करना है तो इजी पीजी नाम बन जाता है, तो बस वही है डिलीट काफी बढ़िया खेलते हैं हर गेम में, उनका जो परफॉर्मेंस काफी सही, और मतलब एक डिलीट एक ऐसा प्लेयर है कि अगर डिलीट ना होता तो शायद टीम कुछ ना कर पाती, और अगर वो प्लेयर आपको टीम के बन जाता है तो आपका नाम इजी पीजी हो जाता है, तो यस वैसे ही काफी बढ़िया खेलते हैं। यहाँ पर अगर बात करें
तो भाई गेम काफी सही चल रहा है, ऋतिक स्टार यहाँ पर फुल जो है डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। 5 किले यहाँ पर हो चुके, शायद कुछ कर सकते हैं क्या, एक आधा प्लेयर लेके डूबेंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात आने वाली है। जी नहीं गाइस, यहाँ पर भाई डाउन कर दे ऋतिक स्टार को, एक गलत सा गेम एंड यहाँ पर पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। एंड 10 ट्विन गेमिंग काफी बढ़िया खेलते हो यहाँ पर, 2 किल जरूर कंफर्म करेगी। एंड लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है गाइस, 8 बंदे लाइव है, फाइनल्स आप लोग देख रहे हो, और अगर आपको मजा आ रही है तो भाई लाइक ठोक दो गाइस, हमारा टारगेट 25,000 है। तो भाई कंजूसगिरी आप मैक्स लेवल की कर रहे हो भाई, मत करो, अगर हर एक बंदा भी लाइक करे तो इजी 25,000 प्लस है, तो जल्दी जाओ और 25,000 लाइक कर दो। बिल्कुल आप लोग यार 25,000 लाइक्स यहाँ पर कंप्लीट करने, 10 क्वीन गेमिंग 2 प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, 8 टीम्स यहाँ पर लाइव रहने वाली, 26 प्लेयर्स भी यहाँ पर बचे रहेंगे, हर एक टीम लगातार ट्राई करेगी अपने लिए पोजीशन यहाँ पर बनाकर ले पाए, बट कहेंगे टीम लावा को यार आगे बढ़ना पड़ेगा अगर अपनी टॉप 3 पोजीशन बनानी है। बट ये जी अगर यहाँ पर टॉप 3 में जाना तो यार भूया जरूर उनको निकालना पड़ेगा, टीम डी 5th पोजीशन के ऊपर हमको नजर आ रही, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, विलन गेमिंग ऑलरेडी यहाँ पर एलिमिनेट कर दी गई जो कि 6th पोजीशन के ऊपर चल रही थी, तो फिलहाल यहाँ पर बाकी टीम्स को मौका मिलने वाला, डिलीट आगे बढ़ेंगे, टोटल गेमिंग प्रिंस आई थिंक यहाँ पर नॉक हो चुके, रिवाइव मिलना क्या आसान रहेगा, फौज जीजे लगातार आगे जाने जाएंगे, कार उनके पास है सेफली, सेंटर यहाँ पर पकड़ने का ट्राई किया गया, आई थिंक शायद मुश्किलें उनके लिए भी बढ़ेंगी क्योंकि पीछे से लगातार गोलियां चलाई जाएंगी, फौज जीजे आई थिंक यार परफेक्ट जगह पर यहाँ पर नहीं उतरे हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ चुके हैं, तो यार अभी यहाँ पर फौज जीजे को खो दिया जाएगा। टोटल गेमिंग आई डोंट नो यार कि इतनी जल्दी क्या थी उनको यार सर्कल में जाने की, जहां पर फौजी जगह है लेफ्ट साइड में उनके घर भी था, अगर वहां पर जाते तो सेफली सर्वाइव कर पाते, तो भाई एकदम इजीली सर्वाइव कर पाते भाई, और भाई बहुत ही इजी गेम हो जाता शायद उस मूवमेंट पे, पर यहां पर टीम टोटल गेमिंग के लिए संजीव भाई यहां पर, ओ माय गॉड यहां पर भाई गलत सा मूवमेंट है, यहाँ पर फुल ऑन वाला रिस्क वाला जो है सीन यहाँ पर हो चुका है, अब यहाँ पर थोड़ा जो है संभाल के जरूर खेलना पड़ेगा, एंड यहाँ पर गलत सा मूवमेंट, क्या लगता है संजीव भाई? बिल्कुल बट ये अच्छी यूनाइटेड जो है लगातार आगे बढ़ेगी, आई थिंक शायद से टोटल गेमिंग यार कहाँ पर स्टैंड कर पाएगी, बट एलवीएल अभी आप हम लोग देख सकते हैं एलवीएल किस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं, उनके पास ऑलमोस्ट चारों प्लेयर्स जो है वो बचे ही रहने वाले, यार भूया निकालने का पूरा पूरा ट्राई करेगी, क्या यहाँ पर फर्स्ट पोजिशन का खिताब अपने नाम कर पाएगी, क्या वो चैंपियंस यहाँ पर बन पाएंगे, यहाँ पर टोटल गेमिंग चैंपियंस बनेंगे, यार एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा, बट कहीं ना कहीं टीएसजी यूनाइटेड लगातार आगे बढ़ेगी, जी हाँ यहाँ पर सर्कल जो है छोटा होता ही जाएगा, 7 टीम्स यहाँ पर लाइव रहेंगे बट प्लेयर्स कहीं ना कहीं कम रहने वाले, 21 प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहेंगे, विहान को यहाँ पर नॉक कर देगा, देखते देखते सोम लगातार ट्राई करेंगे, एक के बाद एक प्लेयर टीम लावा यहाँ पर मुश्किलों में पड़ती हुई, क्या वो यहाँ पर आगे बढ़ पाएगी, सुप्रीम के ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लो एचपी में उनको छोड़ा जाएगा, एक और नॉक यहाँ पर निकालेगा, टिस्टर लगातार बचाएंगे, टीम मिलिट के ऊपर भी मुसीबतें लगातार बढ़ेंगी, 10 क्वीन गेमिंग यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो है टीम टीएसजी यूनाइटेड काफी ज्यादा फॉर्म में लग रहे हैं, काफी मजा रहा है, टीएसजी आर्मी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर दूसरी टीम टीएसजी यूनाइटेड अब तक रिवेंज लेने के लिए बैठी है, लेट्स सी क्या टीम टीएसजी यूनाइटेड कुछ कर सकती है यहाँ पर, ओ माय गॉड मदर यहाँ पर डाउन हो चुके, टीम लावा यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, टीम लावा गॉट एलिमिनेटेड, 4 टीम बची है, 14 बंदे, संजीव भाई आई थिंक यहाँ पर कुछ गेम चेंज मूवमेंट हो सकते हैं, एलवीएल के पास लॉन्चर एंड लॉन्चर काफी बढ़िया चला रहे हैं, एंड क्या ही ग्लूवल यहाँ पर लगाई, टाइमिंग पे नहीं आई, यहाँ पर एक और, अब एक लॉन्चर 2 से 3 बंदे यहाँ पर खत्म हो सकते हैं, ओ माय गॉड यहाँ पर एक खतरनाक सा रॉनिश का हेडशॉट एंड क्लियर आउट करने मिलेगा, लॉन्चर का जो प्लेयर था उसे ही खत्म कर दिया रॉनिश ने, काफी बढ़िया यहाँ पर टीम टीएस यूनाइटेड, आई वांट यू दिस गेम भूया, लेट्स सी क्या यूनाइटेड कुछ कर सकते हैं, फिर नहीं मदारा यहाँ पर डाउन होने की कगार पे, पर बच गए सोहम यहाँ पर अकेले बचे, शॉटगन जरूर चला गया सोहम, काफी बढ़िया यहाँ पर एलवीएल को जो रॉनिश ने लिया है भाई, काफी बढ़िया टीम वर्क यहाँ पर, एंड 3 टीम यहाँ पर बची है, कौन कौन सी टीम है प्लीज बताया जाए, यहाँ पर टीम इलीट और दूसरी टीम यहाँ पर टीम टीएसजी यूनाइटेड, एंड तीसरी टीम एक और है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर टीम पहाड़ी की भी जो इलीट है काफी ज्यादा रिस्क में लग रही है मुझे, बिल्कुल देखना पड़ेगा, फिलहाल पहाड़ी के लौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहे हैं, क्या वो यहाँ पर पॉसिबल कर पाएंगे, 3 टीम्स यहाँ पर लाइव रहने वाले, पहाड़ी बहुत ही ज्यादा लो एचपी में यहाँ पर रहने वाले, अपने को रिवाइव देंगे जल्दी से जल्दी, यहाँ पर किलर को रिवाइव मिल जाएगा, जी हाँ यहाँ पर एक और बार रेडी हो जाएंगे, बढ़ करके यार पहाड़ी के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ेंगी, क्या ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, चीन यहाँ पर पीछे थे पूरा का पूरा ट्राई करते हो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा रश होने वाला, टीएससी लगातार बचाएगी, जी हाँ यहाँ पर टीम मिनट को पनिशमेंट दे दी गई, टीएससी यूनाइटेड लगातार भूया की तरफ बढ़ेगी, जी हाँ यहाँ पर 11 किल्स एंड भूया अपने नाम यहाँ पर कर लिया जाएगा, तो भाई टीम टीएसजी तो नहीं पर टीम टीएसजी यूनाइटेड ने जरूर मचा दिया काफी ज्यादा, और संजीव भाई मतलब आपने ये देखा कि बीच में से ही जो है काफी ज्यादा अचानक से रश गेम प्ले यहाँ पर जो हमें देखने मिला काफी जबरदस्त प्रूव हुआ है, तो टीम टीएसजी यूनाइटेड अगर आप देख रहे हो तो यही है मदारा की यार तू जो है थोड़ा रश खेला कर वही जो है तेरे टीम की स्ट्रैटेजी, क्योंकि जार्विस
इताची एंड सास्के तीनों ही जो है काफी खतरनाक असोल्टर्स एंड काफी खतरनाक खेलते हैं एंड मंडारा लीडर है तो वहां पर काफी बढ़िया जो लास्ट गेम खेला है एंड आई थिंक संजीव भाई इनका जो है मतलब ये लोग ने यही सोचा होगा कि भाई लास्ट गेम है मरो या फिर मारो एंड भाई ये लोग ने जस्ट सिर्फ मारा है काफी बढ़िया मारा है काफी ज्यादा मजा है जो भी सामने है सभी को मारा है फुल रश गेम प्ले यहाँ पर देखने मिला है काफी ज्यादा मजा है टीम टीएसजी यूनाइटेड गॉट द लास्ट बूया काफी ज्यादा मजा आया पर संजीव भाई आई थिंक यहाँ पर गेम कौन जीता है ये कुछ कहना चाहोगे आप आई थिंक यार मैं आपसे पूछना चाहूंगा यार टीएसजी सॉरी टोटल गेमिंग और एलवीएल क्या बोलना चाहेंगे एक नाम सिर्फ अरे यार ये मैं आपको पूछने वाला था भाई आपने हमको पूछ लिया भाई ये क्या संजीव भाई यहाँ पर गलत करे अच्छा संजीव भाई ये वाले मैच में एलवीएल ने कितना मतलब कौन से रैंक पे आए थे फोर्थ पर आए थे एंड तीन किल्स उनके पास ऑलमोस्ट यार आई थिंक देखा जाए तो 11 पॉइंट्स वो यहां पर निकाल कर गए हैं टोटल गेमिंग ऑलरेडी यहां पर जो 7 पॉइंट की जो लीड थी ना वो पहले से ही बरकरार रखी हुई थी थोड़े से पॉइंट के लिए टोटल गेमिंग शायद जीत सकते थोड़े से पॉइंट के लिए क्योंकि इस बार इनके किल्स थे आई थिंक क्या लगता है बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें तो एक या दो पॉइंट का डिफरेंस ही रहेगा जो भी टीम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आएगी तो फिलहाल हम लोग यार एक बार मैप से रिजल्ट देख लेते हैं कौन सी टीम ने किस मैप के अंदर बुगिया निकाला था चलते हैं यहाँ पर और जानते हैं यार कौन कौन सी टीम्स आगे बढ़ी थी फिलहाल पहले मैप के अंदर हमको जिस टीम ने तबाही मचाते हुए दिखाया था वो थी हमारी यहाँ पर टीम डी यार पहले मैच के अंदर एक बहुत अच्छी लीड यहाँ पर बनाई गई उसके बाद परगेटरी मैप हमको नजर आया जहां पर एक टीम लावा का बुगिया बहुत अच्छे प्रकार से हमको नजर आया उसके बाद कहने की कालाहारी मैप के अंदर हमको एक और नई टीम नजर आई टोटल गेमिंग एक बहुत अच्छे प्रकार से कमबैक करती हुई एक के बाद एक टीम को पीछे छोड़ती हुई हमको नजर आई इसी के साथ हमारे मैप्स रिपीट हुए बर्मुडा में एक और बुगिया यहां पर निकल कर आता है तो एक और नई टीम थी जहां पर एलवी लमित्रासु बुगिया निकाल कर गई एंड ये टीम कमबैक करने में बहुत ज्यादा मास्टिन को हासिल है एलवी लमित्रासु दो बुगिया बैक टू बैक यहां पर निकाल कर गई बट कालाहारी मैप जो कि हमारा लास्ट मैच था जहां पर टीएसजी यूनाइटेड मचाते हुए नजर आए 11 किल्स के साथ एक बहुत अच्छा बुगिया एक मैसिव बुगिया यहां पर इनकी तरफ से हमको देखने के लिए मिला तो भाई अब तो यार वेट बस इसी का है कि यार रिजल्ट्स क्या आने वाले संजीव भाई अपनी पूरी ऑडियंस यहाँ पर बैठी हुई है जो कि यार वेट कर रही है कि रिजल्ट्स क्या आएंगे तो यार मैं जो एक बार चैट भी देख लेता हूँ कि यार चैट में क्या चल रहा है काफी ज्यादा मजा है भाई आप लोगों को जो गाइस बैठना नहीं है सब्सक्राइबर भाई लाइक करना तो यार लाइक तो भाई करना ही है 30,000 लाइक तो यार ये थोड़ा इम्पॉसिबल है पर शायद हो सकता है अगर सभी लोग एक साथ लाइक कर दे तो ही भाई हम रिजल्ट दिखाएंगे ऐसा कुछ करते तो भाई जल्दी से 30,000 लाइक कर दो और भाई हम रिजल्ट दिखा देंगे आपको रिजल्ट जो रेडी हो रहे हैं यहाँ पर काउंटिंग फुल ऑन चल रही है तो पूरी ऑडियंस लाइक कर दो खतरनाक तरीके से क्योंकि अब मजा आने वाले संजीव भाई और मैं दोनों ही भाई रेडी बैठे यहाँ पर देखने के लिए कि कौन यहाँ पर लेके चला गया है किताब टीएसजी ग्रैंड फाइनल्स का और कौन लेके गया वो बड़ा सा प्राइस पूल बिल्कुल अपन एंड गाइस जिन्होंने भी अभी तक एक अच्छी अच्छी फाइट्स यहाँ पर मिस करी तो उनके लिए हम लोग एक बार हाइलाइट्स पे नजर जरूर बनाना चाहेंगे देखना पड़ेगा हाइलाइट्स में कौन कौन सी टीम से यार तबाही मचाई चलते हैं यहाँ पर और जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर एलवीएल ताही लगातार मचाते हुए एक के बाद एक नॉक यहाँ पर निकाला अपनी टीम के लिए सामने जितने भी प्लेयर्स टीम लावा यहाँ पर बढ़ने का ट्राई तो करी थी बट एलवीएल कोई मौका उनको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी उसके बाद टीएसजी यूनाइटेड ने जिस प्रकार से मचाया थिंक यार मदारा डबल वेक्टर लेकर आगे बढ़ रहे थे पूरी की पूरी टीम के कमान यहाँ पर संभाली एक के बाद एक नॉक निकाला एंड फाइनल किल यहां पर कंफर्म करके अपने टीम के लिए 4 किल अपने खाते में जोड़ लिए गए तो भाई यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया फौजी आ जाए यहाँ पर जो एक बंदे नहीं जो है भाई दो को ले लिया था पर यहाँ पर हेडशॉट काफी बढ़िया था डिलीट का गेम काफी ज्यादा मजा है यहाँ पर लॉन्चर यहाँ पर ये काफी बढ़िया लॉन्चर भाई लॉन्चर के जो किल्स होते हैं मुझे पर्सनली काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई काफी ज्यादा मजा आता डिलीट का यहाँ पर वुकोंग किल डिलीट टीजी डिलीट का यहाँ पर डिलीट का काफी बढ़िया गेम दिखा था 2 HP पे बचे थे तो भी जो गेम को छोड़ा नहीं तो भी उम्मीद छोड़ी नहीं एंड कहीं ना कहीं हेडशॉट जरूर मिल गया था तो टीम डी का मजा आया था मैनेक्स का यहाँ पर एक खतरनाक सा गेम हमें देखने मिला था अकेले प्लेयर थे सर्वाइव कर रहे थे पर एक नॉक निकाला साथ ही साथ बाजू में आई थिंक एक और नॉक जरूर निकाला था वहां पर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडशॉट ये जो था काफी बढ़िया वाला हेडशॉट था मतलब जो लाल गुच्छा होता है वो दिया था यहाँ पर बिल्कुल उसके बाद यहाँ पर टीम लावा अभय लगातार मचा रहे थे एक के बाद एक नॉक यहाँ पर निकालते हुए कहने के हमको नजर आया उसके बाद यहाँ पर टीम लावा सर्वाइव करती लेजेंड यहाँ पर लगातार मचा रहे थे बट कहने के उनको नॉक करने का ट्राई किया उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो टीएसजी लगातार 6 किल्स यहाँ पर निकाल चुकी थी 9 किल यहाँ पर टीम लावा की हो चुकी थी तो फाइनली ये बुया यहाँ पर टीम लावा अपने फेवर में निकाल गई उसके बाद विहान यार एक के बाद एक नॉक निकाला यहाँ पर पीछे हटने में मजबूर किया सामने वाली टीम को उसके बाद यहाँ पर टीम लीड लगातार मचाते हुए यहाँ पर माफिया यार एक के बाद एक स्नाइपर शॉट्स कनेक्ट किया उसके बाद नॉक बिल्कुल यहाँ पर अपनी टीम के लिए निकाला एडवांटेज यहाँ पर क्रिएट किया गया उसी के साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छा रश ये टीम लगातार करते हुए मैरिक यहाँ पर पूरा पूरा ट्राई करना चाहते थे एक के बाद एक नॉक निकालेगा बट कहने के प्लेयर शॉर्ट रेंज में उनको यहाँ पर नॉक होना पड़ा तो फिलहाल मैरिक एक बहुत अच्छा ट्राई यहाँ पर कहने के करते हुए बट यहाँ पर इकलौते प्लेयर
जो कि होने वाले थे, बट वासु यहाँ पे लगातार ट्राई और करते हैं एम वासु सेवन भाई का नाइन ओपिसाल लॉन्चर। तो भाई ये मोमेंट काफी आइकॉनिक और यार काफी ज्यादा मजा आई थी। यहाँ पर जो है टीम इलिट बहुत ही ज्यादा रेज में खेल रही थी, वो रेज जो है खत्म कर दिया था। एंड अगर बात करें यहाँ पर वुकोंग की, तो फौजी अजय ने ये मोमेंट में काफी बढ़िया खेला था लास्ट तक जो, और यहाँ पर एक और किल जो कंफर्म कर लिया था अपनी टीम के लिए, पर पीछे से जरूर आ गया कि एक बंदे ने मार दिया था, पर वो भाई कोई सेंस ही नहीं रखता। एंड यहाँ पर अगर बात करें टीम टीएसजी यहाँ पर काफी सही खेली थी, उसके अलावा यहाँ पर संदीप गेमर एक आइकॉनिक मोमेंट जो हुआ था ये आज के टूर्नामेंट में टीएसजी के एक प्लेयर नॉक, दो प्लेयर नॉक एंड अंदर जाके जो एक और प्लेयर को नॉक किया था संदीप भाई ने, भाई वो गलती था, काफी ज्यादा आइकॉनिक था, काफी ज्यादा मजेदार था। संदीप गेमर में जो कॉन्फिडेंस जो था कि मैं मार सकता हूं, वहां पर वो कर दिखाया, काफी ज्यादा कम एचपी में मार दिखाया था। बिल्कुल, पर उसके बाद लेजेंड लगातार मचा रहे थे यहाँ पर, टीम इलीट को एलिमिनेट किया एंड 8 किल यहाँ पर टीएसजी लगातार मचाते। उसके बाद विहान का यार ये जो क्लच था ना वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब था, एक के बाद एक नॉक यहाँ पर निकाला पूरी की पूरी टीएसजी, आई थिंक यहाँ पर टीम के ऊपर भारी पड़ गए थे। विहान एक के बाद एक नॉक निकालते हुए यहाँ पर टीम को एलिमिनेट किया, उसके बाद टीएसजी 10 किल ऑलरेडी यहाँ पर कर चुकी थी। ब्रदरहुड को यहाँ पर खत्म किया गया एंड बहुत अच्छा भूया अपने नाम यहाँ पर किया गया था। दो ही ऐसे मूवमेंट थे जहां पर संदीप गेमर ने एक बार मचाया क्लच निकालने में, एक बार विहान ने यहाँ पर मचाया, तो टीम लावा एंड टीएसजी लगातार यहां पर मचाते हुए आगे बढ़े। एंड फिलहाल यहां पर तो क्या कहते हैं, शायद रिजल्ट दिखा दें आई थिंक दिखा देना चाहिए ऑडियंस को, वैसे ऑडियंस का तो पता नहीं, पर मुझे खुद को इतना ज्यादा ये हो रहा है कि कौन जीतने वाला है, एलवीएल या फिर टोटल गेमिंग। चलो एक एक बंदा एक एक टीम पकड़ लो संजीव भाई, मैंने पकड़ लिया टीम टोटल गेमिंग। नहीं यार एलवीएल ही बचा है, तुम एलवीएल ही बचा है, एलवीएल लेना पड़ेगा। सो गाइस यहां पर रिजल्ट्स का टाइम हो चुका है, चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ, जानते हैं कौन कौन सी टीम्स होने वाली। पहला नाम यहाँ पर होने वाला टोटल गेमिंग, 81 पॉइंट्स उनके पास रहने वाले हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा किल पॉइंट इनके पास आएंगे, बट सबसे ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट एलवीएल में 52 प्लेसमेंट पॉइंट रहने वाले, 77 टोटल पॉइंट्स उनके पास हमको नजर आ जाएंगे। तो भाई काफी ज्यादा मजा आया, काफी खतरनाक गेम यहाँ पर। एलवीएल भाई 3 से 4 पॉइंट के लिए पीछे थी, पर काफी बढ़िया गेम। और टीम लावा की बात करें 62 थर्ड पॉइंट, और टीम लावा भाई जो खेली आज के पूरे टूर्नामेंट में काफी ज्यादा मजेदार एंड इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने मिला। फोर्थ पे टीएसजी यूनाइटेड, कहते हैं यूनाइटेड का लास्ट बुया काफी ज्यादा काम कर गया एंड काफी ज्यादा टॉप पे ने ला लिया। एंड फिफ्थ पे उनकी भाई दोस्त भाई टीएसजी आर्मी, वो आ चुकी है विद 0.52 एंड भाई 4 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस था टीएसजी यूनाइटेड टीएसजी आर्मी में। काफी बढ़िया सिक्स्थ पोजीशन में अपनी आएगी टीम टीम इलीट, जो कि हर बार फोड़ती है, इस बार भी फोड़ने का ट्राई किया पर शायद कुछ कमी, और काफी बढ़िया गेम यहां पर। सिक्स्थ पोजीशन भी बहुत ही ओपी है ब्रदरहुड, काफी जबरदस्त गेम स्टार्टिंग में ब्रदरहुड की तरफ से हमें देखने मिले थे। बिल्कुल, पर हर टीम ने लगातार मचाया, डी स्पोर्ट टीम इन विलियन गेमिंग, टैन क्यून गेमिंग, गैलेक्सी रेसर्स फिलहाल लास्ट पोजीशन पर, कहीं ना कहीं यार हर टीम का दिन होता है। देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे टॉप 5 टीम्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत अच्छा गेम प्ले कहने के आज हमको यहाँ पर नजर आया। हमारे व्यूअर्स ने भी लगातार मचाया, हैशटैग लगाएं लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट के साथ साथ करते हुए नजर। एंड जस्ट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मजा आपके साथ कास्टिंग करने, एंड फ्यूचर में हम लोग बहुत ही जल्द यहाँ पर मिलेंगे। तो गाइस आपको भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग भी खेलना चाहते हैं बहुत आसान है, अगर आप लोग प्रो टीम्स के साथ खेलना चाहते हैं जल्दी से जाइए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर डाउनलोड कीजिए game.tv ऐप। हर दिन आप लोग बहुत सारे टूर्नामेंट्स पर रजिस्टर कर सकते हो, जीत सकते हो बहुत सारे प्राइस, सर देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ एक अटेंशन यहाँ पर जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका था, स्टे सेफ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ COVID-19। आपको यार इस COVID-19 से बचकर रहना, अपने घर में रहना सेफली, बाहर जाना बहुत जरूरी काम है तो ही बाहर जाना है, एंड मास्क लगा कर रखना, हैंड्स को थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज करते रहना। गाइस हम लोग भी ऐसे ही टूर्नामेंट के साथ लगातार वापस आते रहेंगे, तो मिलते हैं अगले टूर्नामेंट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।